नमस्कार दोस्तों। तो चलिए, हम लोग बात कर रहे थे सामान्य विज्ञान के बारे में। तो इसमें अभी तक हम लोग 4 पार्ट खत्म कर चुके हैं। क्या क्या देख चुके हैं? भौतिक विज्ञान पूरा खत्म कर चुके हैं। इसके बाद हम लोग रसायन विज्ञान पूरा खत्म कर चुके हैं आपका। उसके बाद हम लोगों ने बात की थी आपके जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान। आज हमें बात करनी है एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक कह लीजिए आप लोग, क्योंकि इससे ही आपके सामान्य विज्ञान से क्वेश्चंस, अधिकतर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सिविल सर्विस में तो यहाँ तक ले लीजिए कि फिजिक्स और केमिस्ट्री को पढ़ाया ही नहीं जाता है, ठीक है, कई कोचिंगों में। वहाँ सिर्फ बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान को पढ़ा देते हैं। तो इसमें आपका प्राथमिक स्वास्थ्य और शरीर क्रिया विज्ञान यही सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। तो इसमें हम लोग बात करेंगे पाचन तंत्र के बारे में, श्वसन तंत्र भी देखेंगे, उत्सर्जी तंत्र भी देखेंगे, तंत्रिका तंत्र देखेंगे, रक्त परिसंचरण तंत्र देखेंगे, कंकाल तंत्र देखेंगे, अंतःस्रावी देखेंगे, अनुवांशिकी देखेंगे, जैव विकास देखेंगे, पोषक पदार्थ के बारे में जानेंगे, भोज्य पदार्थ, उनकी प्राप्ति के स्रोत, उनका महत्व क्या है उस पर भी बात करेंगे, विटामिन, उनके मुख्य स्रोत, कार्य, न्यूनता के लक्षण और रोग, इससे भी आपके क्वेश्चंस बहुत बार बन चुके हैं, मानव शरीर में होने वाली विभिन्न रोगों के कारण और निदान, इन पर भी बात करेंगे, चिकित्सा शास्त्र से संबंधित जो महत्वपूर्ण खोज हुई है, आविष्कार हुए हैं, उन पर भी बात करेंगे, और जो महत्वपूर्ण शब्दावली हैं उन्हें भी हम देखेंगे, ठीक है। इसमें तो याद रखिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आपके पास अगर सुविधा है तो आप इसे किरण सामान व ज्ञान बुक्स को खरीद सकते हैं। आपके आसपास कहीं स्टेशनरी पर मिल रही हो तो ले लें, क्योंकि बहुत बढ़िया बुक्स लिखी गई है। अगर इसे आप कवर कर ले तो हैं कर लेते हो तो मुझे लगता है कि आप SSC, बैंक, रेलवे, इस तरह की 1 डे एग्जाम छोड़िए, आप स्टेट PCS प्रीलिम्स भी इसे देकर निकाल सकते हैं, उसमें कोई शक नहीं है। 1 डे एग्जाम में तो आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा इससे, ठीक है, बहुत बढ़िया बुक से लिखी गई है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं इसे, प्राथमिक स्वास्थ्य और शरीर क्रिया विज्ञान। जीव विज्ञान की भाषा में मानव शरीर विभिन्न तंत्रों का एकीकृत समूह है, जिसकी रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कोशिका है। क्या है? कोशिका है। आप ऐसे कोशिका को सीधे से शब्द में लीजिए, जिस तरह से आप ईंटें लेते हैं ना मकान बनाने के लिए, तो वही ईंटों को आप कोशिका कह सकते हैं। समान कार्य करने वाली अनेक कोशिकाएं एकत्रित होकर ऊतक का निर्माण करती हैं। इसी तरह विभिन्न प्रकार के ऊतक मिलकर अंगों का और भिन्न भिन्न प्रकार के अंग मिलकर तंतों का निर्माण करते हैं, और अंततः विभिन्न प्रकार के तंत्र मिलकर एक संपूर्ण शरीर का निर्माण कर देते हैं, ठीक है। इस तरह से आप समझ सकते हैं, ईंट हो गया कोशिका, उसके बाद सीमेंट, पानी, इस तरह की जो भी वस्तु लेते हैं पूरा मकान बना देते हैं, तो इन सभी को मिलाकर ही पूरा संपूर्ण शरीर आपका बन जाता है। क्या हो जाता है? पूरा शरीर बन जाता है। मानव शरीर के विभिन्न तंत्र और उनकी कार्य प्रणालियां। मानव शरीर में मुख्य रूप से 8 प्रकार के तंत्र पाए जाते हैं। सबसे पहले पाचन तंत्र, फिर श्वसन तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र, उत्सर्जी तंत्र, तंत्रिका तंत्र, जनन तंत्र, पेशी तंत्र और कंकाल तंत्र। सबसे पहले बात करते हैं पाचन तंत्र के बारे में। पाचन वह रासायनिक क्रिया है जिसमें जीव एंजाइम की सहायता से भोजन के बड़े अणुओं कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन को सरल अणुओं कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में, वसा वसीयम ग्लिसरॉल में तथा प्रोटीन अमीनो अम्ल में परिवर्तित कर शरीर के अवशोषण के योग्य बना देता है। सीधा सा मतलब कहिए कि क्या कि गेहूं है, ठीक है, सीधा, अब वो सीधा तो आपका शरीर ले नहीं लेगा ऊर्जा के रूप में, तो उसे आप आटा में बदलते हैं, उसके बाद रोटी बनाते हैं, उसके बाद खाते हैं। तो यही काम करने के लिए एक पाचन होता है, जिस तरह से एक चक्की आप ले सकते हैं, ठीक है, कि वो सभी प्रोसेस में गुजर के एंड में आटा दे देती है। इसी तरह जैसे आप चित्र देख रहे होंगे, मुख हो गया, ये आपकी करण पूर्ण ग्रंथि हो गई, एक ग्रसनी हो गई, ये आपका मुख, मुखगुहा, अधोजंग और अधोजिह्ना, जीभ, ग्रंथियाँ, ये आपका यकृत है,
यह आपका पित्राशय है, यह आपकी ग्रसिका हुई नली, ये आपका आमाशय हुआ, ये आपका अग्नाशय हो गया, ये आपकी ग्रहणी हो गई, ठीक है। उसके बाद ये है आपका अंग छुद्रांत, उसके बाद ये है अनुप्रस्थ वेहदंत, ये आपकी आरोही वेहदंत, उसके बाद ये है आपका अवरोही वेहदंत, ये आपका छुद्रांत, ये आपकी अंदनाल, कृमि परिशेष का ये, और ये आपकी मलाशय, उसके बाद गुदा, ठीक है। यहाँ से ऊपर से शुरू होकर नीचे खत्म है आपका प्रोसेस। पाचन तत्व में भाग लेने वाली विभिन्न अंगों की बात करें अगर हम, तो मोहे मोहे के लार में एमाइलेज नामक एंजाइम पाया जाता है, जिसके द्वारा कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन होता है। कई बार ये क्वेश्चंस बन चुका है आपका, कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? इसका मुख से ही प्रारंभ हो जाता है। पाचन की प्रक्रिया का प्रारंभ मोह में भोजन को चबाने के साथ ही हो जाता है। लार भोजन में ठीक से मिल पाती है, जो भोजन को पचाने में मदद करती है। भोजन को मुंह में लेना अंतर्ग्रहण कहलाता है। मुंह में लगभग 600 लार ग्रंथियां होती हैं, जिनमें 3 जोड़ी प्रमुख लार ग्रंथियां हैं। पैरोट्रेट लार ग्रंथि, ये सबसे बड़ी है, सब मैंडिबुलर लार ग्रंथि, फ्रैप सब लैंगुअल लार ग्रंथि। मानव लार में टाइलिन, माल्टोज एवं लाइसोजाइम नामक एंजाइम पाए जाते हैं, यही आपके भोजन पचाने के लिए जरूरी रहते हैं। पाचन तंत्र, ये पाचक रस हो गया, पीएच मान हो गया इसका, स्रोत हो गया, एंजाइम हो गया, पदार्थ जिस पर प्रतिक्रिया होती है, पदार्थ जो बनते हैं इसके बाद, ठीक है। लार, इसका पीएच मान कई बार पूछ लेता है, 6.8, कितना? 6.8, 6.8। लार ग्रंथियां कहाँ से लार आती है? लार ग्रंथियों से। एंजाइम क्या रहता है इसमें? टाइलिन, यानी कि एमाइलेज। और ये इसका काम क्या रहता है? पॉलीसेकेराइड्स बंड स्टार्च को डाइसेकेराइड माल्टोज में बदलना। जठर, इसके अगर हम लोग जठर इसके अगर पीएच मान की बात करें, तो 1 से 3.5 तक होता है, 1 से 3.5। इसका स्रोत क्या रहता है? इसका स्रोत रहता है जठर ग्रंथियों से, ये प्राप्त होता है किससे? जठर ग्रंथियों से। उसके बाद इसके एंजाइम क्या रहता है इसमें? पेप्सिन, रेनिन, एमाइलेज। इसके क्या काम रहता है? प्रोटीन्स और वसा को प्रोटीओजेज और पेप्टोन्स और इमल्सीकरण में बदलना इसका काम। पित्त, 7.7, 7.7 इसका पीएच स्केल पर मान रहे, यकृत में यकृत से बनता है। फिर आपका अग्नाशयी रस, इसका पीएच मान की बात करें तो 7.7, 7.5 से 8.3, ये आपका अग्नाशय से प्राप्त होगा आपको। इसमें क्या क्या पाएगा? टैप्सिन, काइमोटेप्सिन, कार्बोक्सी पेप्टिडेज, एमाइलेज, लाइपेज और स्टरेज। इसका क्या काम रहेगा? पेप्टोन्स एवं प्रोटीओजेज, पॉलीपेप्टाइड्स, मंड, ग्लाइकोजन, इमल्सीकरण, वसा, कोलेस्ट्रियल, ईस्टर, इन सभी को पॉलीपेप्टाइड्स, अमीनो अम्ल, माल्टोज, बसियम, ग्लिसरॉल, कोलेस्ट्रॉल में बदलना इसका काम रहता है। आती है रस, इसके अगर पीएच मान की बात करें तो 7.5 से 8.0 रहेगा इसका, ये आपको मिलेगा आंतीय ग्रंथियों से मिलेगा। इसमें क्या क्या? एंटीरोकाइजेन, काइनेज, रेप्सिन समूह, माल्टेज, सुक्रोज, लैक्टोज, न्यूक्लियोज, ये सभी इसमें पाए जाते हैं। इसका काम क्या रहता है? टेप्सिनोजन, पॉली ट्राई डाइपेप्टा पेप्टाइड माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज, न्यूक्लिक अम्ल एवं न्यूक्लियोटाइटिस, इसको ये बदलना सक्रिय, टेप्सिन, अमिनियम, इन सभी को और सरल रूपों में बदलना, ग्लूकोज, फैक्टरोज, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, ग्लूकोज, नाइट्रोजनीय समाधार, 5 कार्बनिक शर्कराएं, इस तरह से बदलते हैं। आगे चलते हैं हम लोग,
टाइलिन स्टार्च मंड को माल्टोज में परिवर्तन कर देता है। लार ग्रंथियों द्वारा स्रावित लार में कई प्रकिन तथा म्यूकस पाए जाते हैं। लार में 98.5% पानी और 1.5% आपकी फिकिन पाए जाते हैं, एंजाइम पाए जाते हैं। लाल हल्का सा अम्लीय होता है जिसका मान 6 से 7 होता है। क्या होता है? 6 से 7 के बीच होता है पीएच मान। लार में कार्बोहाइड्रेट आयन भी देखने को मिलते हैं आपके। फिर आपका यकृत, क्या है यकृत? हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। एक तो यही क्वेश्चन बन जाता है, हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? यकृत, जिसका वजन लगभग 1.5 किलोग्राम होता है। यह शरीर की उदर गुहा में दाहिने डायफ्राम के नीचे स्थित रहती है। यकृत के दाहिने और निचली सतर व पित्राशय यानी कि गॉल ब्लैडर स्थित होता है। यकृत कोशिकाएं एक विशिष्ट द्रव का स्राव करती हैं जिसे हम लोग पित्रस कहते हैं, वाइल कहते हैं, वाइल जूस। ठीक है, तो याद रखिए वह पित्रस आपका यकृत से ही प्राप्त होता है और जाके ये पित्राशय में स्टोर होता है। ठीक है, जब शरीर में पित्त का निर्माण ज्यादा या बाइलीरुबिन की मात्रा में सबसे ज्यादा हो तो पीलिया नामक रोग आपको देखने को मिलेगा, ज्वाइंटिस जिसे आप लोग कहते हैं। यह रोग कभी कभी यकृत में विषाणु के संक्रमण के कारण भी हो जाता है। अगर यकृत के कार्यों की बात करें तो यह अतिरिक्त ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में के रूप में संचित करता है। शरीर में ग्लूकोज की मात्रा जब कम हो जाती है तो इसे जो संचित करता है ग्लाइकोजन को, उसे ग्लूकोज में बदल देता है और ग्लूकोज की मात्रा को यानी कि नियंत्रित करने का काम है। यूरिया का निर्माण भी करता है, पित्तरस का निर्माण करना भी इसका काम है, रक्त के ताप को नियंत्रित करना है। अतिरिक्त फैटी एसिड को फैट में बदल देता है, कौन? यकृत। रुधिर प्रोटीनों का निर्माण करना। यह ग्रंथि आमाशय की अधर तल में स्थित होती है जो चारों ओर से पेरिटोनियम झिल्ली द्वारा घिरी रहती है, जिसके अंदर लैंगरहैंस के द्वीप पाए जाते हैं। अग्नाशय ग्रंथि द्वारा अग्नाशयी रस निकलता है जिसमें टैप्सिन, एमाइलोप्सिन तथा स्टैप्सिन पदार्थ पाए जाते हैं जो भोज्य पदार्थ को पचाता है। आहार में लवण का मुख्य उपयोग भोजन को स्वाद देना होता है। लवण के स्वाद को पहचानने के लिए जीभ पर लगभग आपकी 9000 के करीब स्वाद कलियां पाई जाती हैं। जीभ का जो अग्रिम भाग है, आगे का भाग है, ये मीठे को पहचानती है, जो पीछे का भाग है ये कड़वा, और मध्य भाग जो खट्टा, और पास भाग इसका नमकीन स्वाद को ग्रहण करता है। जीभ के भी आप सोचिए अलग अलग कार्य हैं, आगे की जीभ का आपका अलग कार्य है, मध्य की जीभ का अलग कार्य है, और पीछे की जो भाग है उसका अलग कार्य है, तो सब कार्य को याद रख सकते हैं आप। मनुष्य के मुख में ऊपरी एवं निचली जबड़ों के साथ 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं जो आपके निम्न हैं, कृंतक, लदनक, अग्रचौड़क और चौड़क। दांत का ऊपरी हिस्सा एनिमल का बना होता है जो मानव शरीर का सबसे कठोरतम भाग है। क्या है? सबसे कठोरतम भाग देखने को मिलेगा आपको। उसके बाद है आपका दांत को स्थायी और अस्थायी दो वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है, अस्थायी या दुधिया दांत। 2 से 7 वर्ष की उम्र में 20 दांत होते हैं स्थायी दांत, 18 वर्ष तक 28 दांत और 18 से 21 वर्ष की उम्र में 4 अकल दांत निकलते हैं जिससे दांतों की कुल संख्या 32 हो जाती है। मुख गुहा का पिछला भाग ग्रसनी कहलाता है जहाँ पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र एक दूसरे से मिलती है। भोजन नलिका गलेट, यह एक नली नुमा संरचना होती है जो भोजन को मुख से सीधा आमाशय तक ले जाती है। यह नलिका लगभग आपकी 10 इंच की लंबी होती है। फिर आता है आपका आमाशय, यह एक थैलीनुमा संरचना होती है जिसमें दीवारों पर गैस्ट्रिक ग्रंथियां होती हैं। कौन सी? गैस्ट्रिक ग्रंथियां होती हैं जो गैस्ट्रिक अम्ल का उत्पादन करती हैं। गैस्ट्रिक अम्ल भोजन का एक मुख्य अवयव प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। प्रोटीन है, इसे किन में? पेप्टोन में बदल देता है। अतः आमाशय की प्रकृति अम्लीय होती है। आमाशय से निकलने वाले जठर रस में पेप्सिन एवं रेनिन एंजाइम होते हैं। आमाशय में भोजन लगभग 4 घंटे रहता है। पेप्सिन प्रोटीन को खंडित कर सरल पदार्थ पेप्टोन्स में परिवर्तित करता है। रेनिन दूध की घुली हुई प्रोटीन
कैसिनोजेन को ठोस प्रोटीन कैल्शियम पैराकैसिनेट के रूप में बदल देता है। मुखग्वासी भोजन ग्रसनी होती हुई ग्रसनी द्वार आमाशय में पहुंचता है। आमाशय में भोजन 4 से 5 घंटे रहते हैं, जिसमें गैस्ट्रिक ग्रंथि द्वारा गैस्ट्रिक जूस निकाला जाता है, जिसमें आपका HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, रेनिन तथा पेप्सिन भी पाया जाता है। प्रोटीन का पाचन आमाशय में होता है। इस शब्द को भी याद रखिए, क्योंकि ये भी आपका क्वेश्चन बन जाता है कि प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है, तो सबसे पहले इसका आमाशय में। फिर आपका पक्वास है, इसकी आकृति सी आकार की होती है। आमाशय के पश्चात अधपचा भोजन पक्वाशय में जाता है, जो वास्तव में छोटी आंत का ऊपरी हिस्सा होता है। कहने के लिए छोटी आंत है, लेकिन यह सबसे बड़ी यही है। इसकी दीवारों पर भी ग्रंथियां पाई जाती हैं, जिससे निकले एंजाइम शेष भोजन के अपरिवर्तित स्टार्च को शक्कर में तथा प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देते हैं। पक्वाशय की प्रकृति अर्थात इसकी ग्रंथियों से निकलने वाले रसों की प्रकृति क्षारीय होती है। भोजन को पक्वाशय में पहुँचते ही सर्वप्रथम इसमें यकृत से निकलने वाला पित्तरस आकर मिलता है। पित्तरस क्षारीय होता है और यह भोजन को अम्लीय से क्षारीय बना देता है। यहाँ अग्नाशय से अग्नाशयी रस आकर भोजन में मिलता है। इसमें 3 प्रकार के एंजाइम होते हैं। टैप्सिन प्रोटीन और पेप्टोन को पॉलीपेप्टाइड्स तथा अमीनो अम्ल में परिवर्तित कर देते हैं। फिर आपका एमाइलेज मांड को घुलनशील शर्करा में परिवर्तित करता है। लाइपेज इमल्सीफाइड वसाओं का ग्लिसरीन और फैटी एसिड में परिवर्तित करता है। फिर आती है छोटी आंत। पक्वाशय के बाद भोजन छोटी आंत में आपका जाता है, जो लगभग 22 फीट लंबी होती है। इसे एलियम भी कहा जाता है। छोटी आंत की दीवारों पर भी ग्रंथियां पाई जाती हैं, जो विभिन्न प्रकार के एंजाइमों का श्रवण यानी कि निकालती हैं। इन रसों से भोजन के बड़े अणु छोटे अणुओं में विखंडित होकर अवशोषण के योग बन जाते हैं। छोटी आंत की दीवारों से आतीय रस निकलते हैं। इस निम्न एंजाइम होते हैं, इसमें कौन कौन से? इरेप्सिन शेष प्रोटीन और पेप्टोन को अमीनो अम्ल में परिवर्तित करना इनका काम होता है। माल्टोज को ग्लूकोज में परिवर्तित करना होता है इनका काम। आप समझिए, बड़ा इंजन प्रकृति ने दिया हुआ है हमें, समझ रहे हैं आप लोग? ये पूरा फिट करके कि यहाँ ये काम होगा, यहाँ वही काम होगा। आप सीधा खाना खाएंगे नहीं पच सकता है ना, कि डायरेक्ट पच जाएगा। इसके लिए कई प्रोसेस होती हैं, उसके बाद जाकर ये आपका भोजन पचता है। सुक्रेस को ग्लूकोज एवं फैक्टोज में परिवर्तित करता है। लैक्टोज को एक ग्लूकोज और गैलेक्टोज में परिवर्तित करता है। लाइपेज इमल्सीकरण वसाओं को ग्लिसरीन एवं फैटी एसिड में परिवर्तित करना इसका काम रहता है। आतीय रस क्षारीय होता है। कैसा होता है? क्षारीय होता है। स्वस्थ मनुष्य में प्रतिदिन लगभग 2 लीटर आतीय रस स्रावित होता है। आमाशय के पश्चात भोजन छोटी आंत में प्रवेश करता है और लगभग 5 मीटर लंबी होती है। छोटी आंत के अग्रलिखित भाग होते हैं। अग्रभाग पक्वाशय, लंबाई इसकी 25 सेंटीमीटर। मध्यांग भाग, इसकी लंबाई आपकी 2.50 सेंटीमीटर। इसमें किसी भी प्रकार के पाचन एंजाइम नहीं निकलते, इसलिए यहाँ पर किसी भी प्रकार का पाचन भी नहीं होगा, ठीक है। क्षुद्रांत, इसकी लंबाई आपकी देखने को मिलेगी 3.50 सेंटीमीटर। इसमें भोजन का पूर्ण पाचन होता है, साथ ही अवशोषण होने लगता है यहीं से। फिर आती है आपकी बड़ी आंत। क्या आती है? बड़ी आंत। छोटी आंत के बाद भोजन के बचे हुए अपशिष्ट पदार्थ बड़ी आंत में जाते हैं, और जहाँ जल का अवशोषण होता है, जो अधिक जल होता है हमारे शरीर से सोख लिया जाता है, क्योंकि आप जानते हैं कि शरीर के लिए जल कितना महत्वपूर्ण रहता है, ठीक है। इस क्रिया के पश्चात जो अपशिष्ट पदार्थ बचता है, मल के रूप में मलाशय में चला जाता है, और अंततः गुदा द्वारा होकर मल के रूप में शरीर से बाहर चला जाता है। पाचन क्रिया में बड़ी आंत की कोई विशिष्ट भूमिका नहीं है। इसका मुख्य कार्य आपचित खाद्य पदार्थ से जल और खनिज लवणों का अवशोषण करना, इसका यही काम है। बड़ी आंत के अग्रलिखित मुख्य भाग हैं अंदनाल और कोलोन।
ठीक है। अब चलते हैं हम लोग श्वसन तंत्र की तरफ। पाचन तंत्र हो गया, श्वसन तंत्र। श्वसन वह है जैविक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें प्राणी वायुमंडल से ऑक्सीजन ग्रहण करता है और कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में छोड़ता है, यानी कि ऑक्सीजन लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। याद रखिए, जो आपके फेफड़े हैं ये, इसका बाद पेड़ों को मान लीजिए आप लोग, क्योंकि आप समझिए पेड़ ख़त्म हो जाए तो आप ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे, ये ऑक्सीजन में कैसे परिवर्तित होगी। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि आपके एक फेफड़े का भाग पेड़ मानिए, कि आप यहाँ से भेजते हैं वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड, वो परिवर्तित करके आपको ऑक्सीजन भेज देता है, ठीक है। इन गैसों का आदान प्रदान फेफड़ों के द्वारा होता है। फेफड़ों में ऑक्सीजन रक्त के लाल रक्त कण के साथ मिल, यानी कि RBC के साथ मिलकर ऑक्सीहीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन बनती है, तथा रक्त में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होकर फेफड़े के द्वारा बाहर निकल जाती है। ये है आपका पैर, ठीक है। तंतुपट दायां फेफड़ा, ये आपका फुस, बायां फेफड़ा, श्वसन नलिका, उसके बाद श्वसनी, ये आपका श्वास नली हो गया, एडम्स एप्पल थायराइड एप्पल, लॉरेंस लैरिंग्स लैरिंग्स, नाक होगी नसा द्वार, फ्रेंटल साइनस ग्रसनी नसा गुहा, स्फिनोइडल साइनस हो गई इसकी, ठीक है। चित्त हो गया आप। श्वसन दो प्रकार के होते हैं, एक बाह्य श्वसन और दूसरा होता है अंतः श्वसन। बाह्य श्वसन, इस श्वसन के अंतर्गत प्राणियों का वायुमंडल से ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है। अंतः श्वसन की बात करें तो इस श्वसन के अंतर्गत कोशिकीय श्वसन होता है, जिसका संपादन मुख्य रूप से कोशिका में होता है। किसमें होता है? कोशिका में। श्वसन तंत्र के प्रमुख अंग की बात करें तो निम्नलिखित हैं, नासिका, नसिका गुहा, ग्रसनी, स्वरयंत्र, श्वासनाल, श्वसनी, श्वसनिका, कोष्ठिका कोष्ठ, ये आठ हैं। कोष्ठिका कोष्ठ का श्वसन तंत्र की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। मनुष्य में श्वास लेने की क्रियाविधि, सांस लेने की संपूर्ण प्रक्रिया तीन चरणों में होती है। कौन कौन से हैं? पहली है आपकी, सबसे पहले वायु को अंदर लेना। जब डायफ्राम फैलता है तो वक्षगुहा का आयतन बढ़ जाता है, अंदर की वायु का दबाव बाहर की वायु से कम हो जाता है, जिससे बाहर की वायु अंदर प्रवेश कर जाती है, गुहिका का क्षेत्रफल बढ़ जाता है। आप इसे इस तरह से लिख सकते हैं, एक गुब्बारा है, ठीक है, अगर ये फैलता है तो इसमें खाली जगह होगी, तो इसमें हवा और जा सकती है यानी, और लेकिन जब ये पुचकेगा यानी कि इस पर दबाव पड़ेगा तो हवा क्या होगा, आयतन कम हो जाएगा तो हवा बाहर निकलेगी, ठीक है, यही प्रक्रिया रहती है। गैसों का आदान प्रदान बढ़ी हुई कोशिकाओं द्वारा वायु रक्त नलिकाओं के संपर्क में आती है और वायु की ऑक्सीजन रक्त के अंदर विकसित हो जाती है, जो हीमोग्लोबिन द्वारा प्राप्त की जाती है, ऑक्सीहीमोग्लोबिन बन जाता है। उसी समय कोशिकाओं द्वारा बनाई गई कार्बन डाइऑक्साइड जो प्लाज्मा में उपस्थित होती है वायुकोशों में विसरित हो जाती है। फिर है वायु का बाहर निकलना, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का सीधा बाहर निकलना। जब गैसों का आदान प्रदान पूरा हो जाता है तो डायफ्राम सिकुड़ जाता है और वक्षगुहा का आयतन कम हो जाता है, उसमें भरी अशुद्ध वायु नसा द्वार से बाहर निकल जाती है आपकी, ठीक है। ये आपकी यहाँ दिए गए श्वासोच्छवास में वायु का संगठन, ये आपकी गैस हो गई आयतन में, फिर श्वासित वायु और उच्छ्वासित आयु आयतन में, वायु कोष्ठक आयतन में, ऑक्सीजन 20.96%, ये आपका अंदर लेते वक्त, फिर आपका 16.3 बाहर छोड़ते वक्त, 14.2% वायु कोष्ठक में, कार्बन डाइऑक्साइड 0.4% और 4% उच्छ्वासित वायु में, और 5.5 ये वायु कोष्ठक में, नाइट्रोजन ये आपकी 78-79 के करीब है, और उच्छ्वासित वायु आयु में इसका है 79.7 के करीब, 80 के करीब, और यह वायु कोष्ठक में 80.3, जलवाष्प 1.25%,
6.2% इसमें, 6.2%। कोशिकीय श्वसन की क्रियाओं को दो भागों में बांटा गया है, ग्लाइकोस लाइसिस। इसका सर्वप्रथम अध्ययन एम्बर्ड ने, मेयरहाफ एवं पार्सन ने किया था। इसे ईएमपी पाथवे भी कहते हैं। यह अवस्था ऑक्सी एवं अनऑक्सी दोनों प्रकार के श्वसन में उपस्थित रहती है। इसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ऊर्जा उत्पन्न होती है तथा पाइरूविक अम्ल का निर्माण होता है। ग्लाइकोलाइसिस के फलस्वरूप दो अणु एटीपी के रूप में प्राप्त होते हैं। कैप्स चक क्या है? कैप्स चक, कैप्स चक का वर्णन 1937 में हैंस ए कैप्स ने किया था। किसने? हैंस ए कैप्स ने। यह क्रिया ऑक्सी श्वसन करने वाली प्राणियों में पाई जाती है। इस चक्र को ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड चक या फिर साइटिक एसिड चक भी कहते हैं। कैप्स चक को संपन्न करने के एंजाइम माइटोकांड्रिया में पाए जाते हैं। इसमें पाइरूविक अम्ल का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, इस कारण 18 अणु एटीपी के बनते हैं। ग्लूकोज के एक अणु से 2 पाइरूविक अम्ल के अणु से 36 एटीपी ऊर्जा विमुख होती है। अतः ग्लूकोज के एक अणु के पूर्ण ऑक्सीकरण होने पर प्राप्त ऊष्मा की बात करें ऊर्जा की, ग्लाइकोलाइसिस 2 ATP + कैप्स चक, इस तरह से टोटल 38 ATP ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, फिर आपका उत्सर्जी तंत्र उपापचय। उपापचय के फलस्वरूप शरीर में निर्मित अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर भेजने की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्सर्जन। इस प्रक्रिया में भाग लेने वाले अंगों को हम लोग उत्सर्जन अंग कहते हैं। इस तंत्र के मुख्य अंग हैं आपके त्वचा, गुर्दा, फेफड़े और यकृत। त्वचा हमारे शरीर का बाह्य आवरण है जिसका पर्यावरण से सीधा संबंध होता है। बताया ना कि त्वचा का पर्यावरण से सीधा संबंध होता है। त्वचा के 2 भाग होते हैं जिन्हें क्रमशः बाह्य त्वचा और अंतत्वचा कहते हैं हम लोग। त्वचा पसीने के द्वारा, जो श्वेत ग्रंथियां होती हैं इनके द्वारा स्रावित होता है। शरीर के अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने तथा शरीर के तापमान को नियंत्रित करना इनका काम रहता है। यह शरीर में जीवाणु अथवा रोगाणुओं के प्रवेश को रोकने में भी हमारी सहायता करती हैं। गुर्दा किडनी, इसके द्वारा मूत्र का छनन होता है। यह अनावश्यक पदार्थ को मूत्र के द्वारा मूत्राशय में भेज दिया जाता है और शरीर के लिए आवश्यक पदार्थों को मूत्र के साथ साथ बाहर जाने से रोककर उसका अवशोषण कर लेता है। ठीक है, गुर्दा में रक्त की सफाई भी होती है। किसकी? रक्त की सफाई भी होती है। रक्त में पाए जाने वाले यूरिया, जो शरीर के लिए घातक होता है, उसे को छानकर मूत्राशय में भेज दिया जाता है, जहाँ से वह मूत्र के द्वारा शरीर के बाहर निकल जाता है। मूत्र का रंग हल्का पीला होता है। उसमें उपस्थित एक वायडक होता है यूरोक्रोम, इसी के कारण इसका रंग पीला होता है। मानव मूत्र ये अम्लीय होता है। इसका पीएच मान 6 होता है। कितना? 6 होता है। ठीक है, विक यानी कि किडनी में बनने वाली पथरी कैल्शियम ऑक्सलेट की बनी होती है, जिसकी आप बात करते हैं ना, किडनी पथरी हो चुकी है, ये आपकी कैल्शियम ऑक्सलेट की बनी होती है। ठीक है, यह है आपका इन्फीरियर वेना केवा, एक पेल्विस हो गया, मेडुला हो गया, कॉर्टेक्स हो गया, एनिनल ग्रंथि हो गई, वृक्क धमनी, विक सिरा और वृक्क, फिर ये आपकी हो गई डोर्सल आर्टा और ये आपकी मूत्रवाहिनी, इसके बाद ये आपका मूत्राशय हुए मूत्रमार्ग। ठीक है, अब चलते हैं फेफड़ा की ओर। लंग्स, शरीर के ऊतकों में प्रोटीन बसा और कार्बोहाइड्रेट का उपापचय होता है, जिसके फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। यह कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ों से उत्सर्जित होता है। फेफड़े के 2 प्रकार के गैसीय पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प का उत्सर्जन होता है। फिर आपका लीवर यकृत, या शरीर के अनावश्यक हानिकारक पदार्थ
पदार्थों जैसे अमोनिया हो गया, अधिकतम प्रोटीन को क्रमशः यूरिया और यूरिक अम्ल में बदलकर गुर्दे के द्वारा मूत्र में उत्सर्जित कर देता है। विभिन्न जंतुओं का उत्सर्जन होता है एककोशिकीय विसरण के द्वारा, फोरिफेरा अवशिष्ट नलिका तंत्र द्वारा, सेलेंटेटा सीधे कोशिकाओं द्वारा, चपटे कृमि ये ज्वाला कोशिकाओं द्वारा, एनिलिडा ये वृक्क द्वारा, आर्थ्रोपोडा ये मेल्पिथियन नलिका द्वारा, मोलस्का मूतंग द्वारा, कसोरुकी मुख्यतः वृक्क द्वारा उत्सर्जन करते हैं इसका। ठीक है, मनुष्य में दो वृक्क गहरे लाल रंग के सैम के बीच में के आकार के होते हैं वृक्क किडनी। प्रत्येक वृक्क से लगभग आपका 130,000 सूक्ष्म नलिकाएं होती हैं जिन्हें निफ्रॉन कहते हैं। निफ्रॉन वृक्क की कार्यात्मक और उत्सर्जन इकाई है। अब चलते हैं हम लोग तंत्रिका तंत्र की तरफ। तंत्रिका तंत्र वह तंत्र है जो पतले धागे के समान फैली तंत्रिकाओं की सहायता से वातावरण में होने वाली परिवर्तनों की सूचना को संवेदी तंत्रिका द्वारा ग्रहण कर मस्तिष्क को प्रेषित करता है तथा वहां से प्राप्त सूचनाओं को स्पंदन के द्वारा विभिन्न अंगों को भेजता है। इस प्रकार यह शरीर के विभिन्न अंगों के बीच समन्वय स्थापित करता है। याद रखिए जो आपका दिमाग है तंत्रिका तंत्र है, इसमें मेन काम तंत्रिका तंत्र का होता है। आप समझिए कि आपके सबसे पहले आपकी सूचना क्या जाएगी तंत्रिका तंत्र के पास कि आपको हाथ चलाना है या हाथ से एक काम करना है, चलना है आपको। सबसे पहले उस तक सूचना जाएगी, फिर वो आपके पैरों तक सूचना भेजेगी कि चलना है अब आपको। इसके प्रमुख अंग की बात करें तो मस्तिष्क हो गया, मेरुरज्जु, अन्य संवेदी अंग जैसे नाक कान आँख त्वचा जीभ इत्यादि। सबसे पहले बात करते हैं मस्तिष्क ब्रेन या खोपड़ी से घिरी हुई एक बेलनाकार रचना है। इसके तीन भाग होते हैं, ऊपर आपका पार्श्विक पिंड, ये आपका सेरिबियम, अग्रपिंड, कनपटी पिंड, थैलेमस, ये क्या है थैलेमस, हाइपोथैलेमस, नीचे पिट्यूटरी ग्रंथि, यहीं आपकी ये आपकी पोंस, मध्य मस्तिष्क, ये आपका हो गया मेड्यूला ओब्लॉन्गोटा, ये आपका सेरिब्रम बेलम, ये आपका हो गया हिप्पोकैम्पस बादाम और पश्च कपाल। ठीक है, पिंड मस्तिष्क ब्रेन, ये आपके तीन भाग होते हैं। इसमें किन किन कौन कौन से अग्रमस्तिष्क आगे का, मध्यमस्क बीच का और पश्चिम मतलब पीछे वाला। अग्रमस्तिष्क भी आपके दो प्रकार के होते हैं, सेरिब्रम और फिर आपका डाई एनसेफेलॉन। ये डाई एनसेफेलॉन भी दो प्रकार का होता है, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। उसके बाद मध्य मस्तिष्क भी दो प्रकार का होता है, कॉर्पोरा क्वाइडी जेमिना और दूसरा सेरिबल पेडिंकल। ठीक है, इसके बाद पश्च यानी कि पीछे वाला भाग दो प्रकार का, सेरी वेलम और मेडियुला ओब्लॉन्गेटा। ठीक है, ईईजी इलेक्ट्रो इंसेफलॉजी ग्राफी के द्वारा, ईईजी के द्वारा मस्तिष्क यानी कि ब्रेन के कार्य का पता लगाया जाता है। मनुष्य का मस्तिष्क अस्थियों के खोल में कैनियन में बंद रहता है। मनुष्य के मस्तिष्क का वजन की बात करें तो ये 1400 ग्राम होता है। बच्चों में अलग होता है, सबका अलग अलग वेट होता है। इसमें एक सामान्य मनुष्य की बात कर रहा हूँ तो 1400 ग्राम का होता है। सेरिबियम या मस्तिष्क के अग्रभाग में स्थित है। यह देखना बोलना सुनना सूंघना अनुभव करना प्रेम घृणा आदि क्रियाओं को संचालित करना या विभिन्न अंगों को नियंत्रित भी करता है। क्या कहता है, यही इसके काम होते हैं। थैलेमस दर्द ठंडा गर्म को पहचानने का कार्य करता है। हाइपोथैलेमस अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होने वाले हार्मोन एवं कार्बोहाइड्रेट तथा वसा के उपापचय पर नियंत्रण रखता है। आपको पता होना चाहिए अभी कुछ ही दिन पहले विज्ञानिकों ने एक बताया था, क्या बताया था कि अगर दिमाग के आधे भाग को हम लोग निकाल लें तो हमें कोई टेंशन भी नहीं होगी, वो हम सुख से जिएंगे, क्योंकि जो हमारी इच्छा होती है अगर इस चीज़ को ख़त्म कर दी जाए दिमाग के एक भाग को निकाल कर तो हम सुख में रहेंगे, समझ रहे हैं। और दिमाग उतना ही काम करेगा, बस आपकी इच्छा ख़त्म हो जाएगी। और आप जानते हैं इच्छा ही सबसे ज़्यादा दुख देती हैं। यह भूख प्यास
ताप नियंत्रण, ग्रहण, प्रेम, घृणा, गुस्सा, खुशी आदि का केंद्र। पसीना, रक्त रक्तदाब, जल के उपापचय पर भी नियंत्रण रहता है। सेरिबेलम, मस्तिष्क के पिछले भाग में स्थित यह अंग विशेष मांसपेशियों के कार्य को नियंत्रित करते हुए विभिन्न क्रियाओं को समन्वित करता है। मेडुला ऑब्लांगेटा, मेडुला तंत्रिका कोशिकाओं की वह मूल इकाई है जो सूचनाओं को प्रेषित करता है तथा प्राप्त करता है। मेरुरज्जु, यह मस्तिष्क का एक भाग है जिसका विस्तार मेरुदंड तक रहता है। मेरुरज्जु तंत्रिका ऊतक का एक समूह जिससे मेरुतंत्रिकाएं निकलकर दूसरे शरीर में फैल जाती हैं। मेरुतंत्रिकाएं मेरुरज्जु से दो मूलों द्वारा जुड़ी होती हैं। तो आपकी प्रेरक तंत्रिका मूल मांसपेशियां, प्रेरक तंत्रिका मूल मांसपेशियां और अन्य अवयवों को मस्तिष्क का आदेश पहुंचाने का कार्य करती हैं। इसके द्वारा अंगों को पित्तवर्ती और अन्य कार्य करने की प्रेरणा भी मिलती है। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र के उस भाग को जो शरीर के भीतर प्राण मूलक अंगों जैसे हृदय, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, ब्रक, गुर्दा, मूत्राशय, गर्भाशय, ग्रंथियों और रक्तवाहिकाओं को स्वतः चालित और नियंत्रित करते हैं उसे हम लोग स्वायत्त तंत्रिका तंत्र कहते हैं। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र की नियंत्रण मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस भाग द्वारा होता है। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र दो प्रकार के होते हैं, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र, इससे तंत्रिका की शाखाएं मिलकर निकलकर अपने अपने अंगों के भीतरी भाग में प्रवेश करती हैं और उनकी क्रियाओं का संचालन करते हैं। सहानुकंपी तंतु मस्तिष्क और मेरुरज्जु से निकलकर गुच्छिकाओं में प्रवेश करती है और इन गुच्छिकाओं से तंतिका तंतु निकलकर शरीर के भीतरी अंगों में फैल जाती है। प्रतिवर्ती क्रिया, किसी उद्दीपन के प्रत्युत्तर में किसी अंग में तंतिका तंत्र की जो प्रतिक्रिया होती है उसे हम लोग प्रतिवर्ती क्रिया कहा जाता है। जैसे आँख में कीट पड़ने पर आँख का सुता बंद हो जाना, सर्वप्रथम प्रतिवर्ती क्रियाओं का पता आपके मार्शल हाल ने लगाया था। किसने? मार्शल हाल साहब ने। फिर आपका है रक्त परिसंचरण तंत्र। मानव शरीर में रक्त परिसंचरण तंत्र में निम्न अंग प्रमुख रूप से भाग लेते हैं, कौन कौन से? धमनियां, सिराएं और उसके बाद हृदय। धमनियां आर्टरीज, हृदय से शुद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न भागों को ले जाने वाली वाहिनियों को हम लोग धमनियां कहते हैं। इसमें शुद्ध रक्त बहता है। सभी धमनियां ऑक्सीकृत रक्त का संचरण करती हैं। सिर्फ पल्मोनरी धमनी, ये अपवाद है, इसमें फुफ्फुसीय धमनी ऐसी है जो अशुद्ध रक्त को हृदय से फेफड़े में शुद्धिकरण हेतु ले जाती है, ठीक है, ये अपवाद है। धमनियों में रक्त का दाब सिराओं से अधिक होता है, यही आपका रक्तदाब मापा जाता है धमनियों में, ठीक है। सिराएं वेनिस, संपूर्ण शरीर में विभिन्न अंगों से हृदय की ओर अशुद्ध रक्त को लाने वाली वाहिनियों को सिराएं कहते हैं। सिर्फ पल्मोनरी सिरा इसमें अपवाद है क्योंकि ये फुफ्फुसीय सिरा ऐसी जिसमें शुद्ध रक्त का संचरण होता है, या फेफड़ों से ऑक्सीकृत रक्त को हृदय की वाय अलिंद लेफ्ट ओरिकल में पहुंचाती। फिर आता है हृदय, वक्ष की बाई ओर स्थित त्रिकोणीय पेशी रचना से युक्त हृदय एक दोहरी भीति वाला झिल्लीनुमा थैली में बंद होता है जिसे हृदयावरण कहते हैं। हृदय पंप की भांति कार्य करते हुए पूरे शरीर में रक्त का संचरण करता है। एक मिनट में हृदय 5 से 6 लीटर शुद्ध रक्त शरीर में प्रभावित करता है। स्टेथोस्कोप से हृदय की ध्वनि मापते हैं हम लोग, स्टेथोस्कोप से हम लोग हृदय की ध्वनि मापते हैं। हृदय स्पंजन पेसमेकर द्वारा नियंत्रित होता है। हृदय में गड़बड़ी रोग का पता लगाने के लिए इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी ECG का प्रयोग करते हैं। किसका? ECG का। यह हृदय गति को एक रेखाचित्र पर अंकित करता है जिसे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कहते हैं। एक स्वस्थ मनुष्य का सिस्टोलिक प्रेशर डायस्टोलिक प्रेशर 120 से 80 mmHg होता है, ठीक है, ये मापने की इकाई जिसे रक्तचाप कहते हैं हम लोग। रक्तदाब मापने वाली यंत्र का नाम स्फिग्मोमैनोमीटर है। जब अधिक मात्रा में ऑक्सीजन हृदय की मांसपेशियों में नहीं पहुंच पाती है तो छाती में तीव्र दर्द होने लगता है जिसे हम लोग एंजाइमा कहते हैं। क्या कहते हैं? एंजाइमा। जीवाणुओं के संक्रमण से कपाट ठीक से काम नहीं करती और हृदय की पेशियां कमजोर हो जाती हैं।
उसे हम लोग रोमेटिक हृदय रोग कहते हैं, रोमेटिक हृदय रोग। हृदय आपके चार कोष्ठकों में बंधा होता है, कौन कौन से हैं? दाया, दयालंद, दयानिलय, जिसमें अशुद्ध रक्त होता है, बायालिंद, बायानिलय, जिसमें आपका शुद्ध रक्त होता है, ठीक है, क्या होता है इसमें शुद्ध रक्त होता है। हृदय में रुधिर का मार्ग बायालिंद, फिर अबायानिलय, फिर आपका दीहिक महाधमनी, विभिन्न धमनियाँ, छोटी धमनियाँ, उसके बाद धमनी कोशिकाएँ, अंग, अग्र एवं पश्चिम महासिरा, दाहिनालिंद, फिर दाहिने निलय में पल्मोनरी धमनी, फिर उसके बाद फेफड़ा, फिर आपके बाद पल्मोनरी सिरा, बायालिंद, ऑक्सीजन युक्त रोधे, इस तरह से घूमता रहता है, ठीक है। हृदय के संकुचन एवं शीथलन को सम्मिलित रूप से हृदय की धड़कन हार्ट बीट कहते हैं। सामान्य अवस्था में मनुष्य का हृदय एक मिनट में 72 बार, कितने बार? 72 बार, और बूढ़ अवस्था में ही 150 बार यानी कि 150 बार धड़कता है। एक धड़कन में लगभग आपका 70 मिलीलीटर रक्त पंप करता है। साइनो ऑरिकुलर नोड दाहिने अलिंद की दीवार में स्थित तंत्रिका कोशिकाओं का समूह है, जिससे हृदय धड़की की धड़कन की तरंगें प्रारंभ होती हैं। थायरोक्सिन, आपके हृदय में चार कक्ष होते हैं, याद रखिए, ठीक है, थायरोक्सिन, एडिनिन, एडिनिलीन स्वतंत्र रूप से हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाले हार्मोन है। रुधिर में उपस्थित CO2 रुधिर के पीएच मान को कम करके हृदय की गति को बढ़ाता है, अर्थात अम्लीयता हृदय की गति को बढ़ाती है और क्षारीयता हृदय की गति को कम करती है। मनुष्य का हार्ट कार्डियक ऊतक से मिलकर बना है, जो शंक्वाकार खोखली संरचना की रूप में वक्षी उगवा में दोनों फेफड़ों के मध्य स्थित है। मनुष्य का हृदय 12 सेंटीमीटर लंबा, 9 सेंटीमीटर चौड़ा और 6 सेंटीमीटर मोटा होता है, लगभग 300 ग्राम का होता है, ठीक है। बच्चों में अलग हो जाता है, बूढ़ों में अलग, महिलाओं में अलग, तो आपका एक औसत मान लिया जाता है 300 ग्राम। हृदय के संबंध में रक्त का शुद्धिकरण फेफड़ों में होता है, हृदय केवल रक्त को पंप करता है ना कि शुद्ध, ठीक है। मनुष्य तथा स्तनधारियों का हृदय चार कक्षों वाला होता है, जिसमें आपके 2 अलिंद होते हैं और 2 निलय होते हैं। क्या होते हैं? 2 अलिंद होते हैं और 2 निलय। अब हम बात करते हैं रक्त के बारे में, यानी कि ब्लड के बारे में। मानव शरीर में संचरण करने वाले तरल पदार्थ जो सिराओं के द्वारा हृदय में जमा होता है और धमनियों के द्वारा पुनः हृदय से संपूर्ण शरीर में परिसंचित होता है, उसे हम लोग रक्त कहते हैं। इसी में आपके जो भी पदार्थ होते हैं, ऑक्सीजन ले लीजिए, सभी अंगों तक इसी से पहुंचती है, फिर चाहे आपकी कोई खनिज हो, फिर चाहे प्रोटीन हो, किस तरह से, इस तरह से जो भी आपकी ज़रूरत होती है हर शरीर के अंग को, वही इसी के द्वारा जाते हैं। रक्त की बात करें तो इसमें प्लाज्मा और रुधिराणु, इसमें प्लाज्मा आपका 55% के करीब होता है और रुधिराणु यानी कि ब्लड कॉर्पस्कल्स, ये आपकी 45% के करीब होती है। इसमें प्लाज्मा में आपका 90% जल होता है और 10% अन्य पदार्थ होते हैं। इन 10% अन्य पदार्थ में क्या क्या होता है? प्रोटीन, इसमें आपका ग्लोब्यूटमिन, एल्ब्यूमिन होता है। कार्बनिक पदार्थ की बात करें तो ग्लूकोज हो गया, अमीनो अम्ल, एंजाइम, यूरिया। अकार्बनिक पदार्थों की बात करें तो सोडियम हो गया, बाइकार्बोनेट, फास्फेट। अब चलते हैं हम लोग रुधिराणु की तरफ। इसमें आपकी RBC, श्वेत रुधिर यानी कि WBC और रुधिर प्लेट्स यानी कि प्लेटलेट्स पाई जाती हैं। तो श्वेत रुधिर, जो श्वेत रुधिर है WBC, इसे भी 2 भागों में बांटा गया है, ग्रेनुलोसाइट और एग्रेनुलोसाइट। इसे ग्रेनुलोसाइट को 3 भागों में, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, बेसोफिल, और एग्रेनुलोसाइट को लिम्फोसाइट और मोनोसाइट में बांटा गया है। रक्त में स्वाद, रक्त का जो स्वाद होता है, ये नमकीन, चिपचिपा, अपारदर्शी, जल से कुछ भारी, घनत्व रहता है 1.04 से 1.07 तक, क्षारीय प्रकृति का होता है, जिसका पीएच मान 7.4 होता है। याद रखिए रक्त का यानी कि ब्लड का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है, 7.4 होता है। रक्त की उत्पत्ति भ्रूण में यानी कि बच्चों में मेसोडर्म
में हुई से हुई और जो एक प्रकार का सहयोगी ऊतक है, कनेक्टिव टिश्यू। एक स्वस्थ व्यक्ति में रक्त की मात्रा 5.5 यानी कि 5 लीटर से 5.5 लीटर तक होता है, जो कुल भार का हमारे शरीर का 7 से 8% यानी कि 6 से लगा रखकर 8% तक होता है। देखिए हर व्यक्ति में अलग अलग होता है। आप सोचिए आप कोई कमज़ोर है तो उसमें कम होगा, या फिर आप समझ सकते हैं एक नॉर्मल लगा लिया जाता है 5 से 6 लीटर, ठीक है, इतना इतना तो हर किसी में होना चाहिए। रक्त पूरे शरीर में हृदय तथा रक्त वाहिकाओं के माध्यम से घूमता रहता है। रक्त के विभिन्न अवयवों की बात करें तो जैसे रक्त में निम्न प्रकार के अवयव पाए जाते हैं, प्लाज्मा रक्त, लाल रक्त कण, श्वेत रक्त कण, प्लेटलेट्स। तो सबसे पहले बात करते हैं प्लाज्मा। यह हल्के पीले रंग का तरल भाग होता है जिसमें 90% जल, 7% प्रोटीन और 0.9 लवण, 0.1% ग्लूकोज होता है। ये प्लाज्मा वही है, याद रखिए, जो इलाज के लिए कहते हैं ना कि प्लाज्मा थेरेपी चर्चा में बनी रहती है। जब भी कोई वायरस आता है तो प्लाज्मा का नाम आता है, क्योंकि एक व्यक्ति को अगर वायरस हो चुका है कोई रोग, तो उसकी जो प्रतिरोधक क्षमता होती है वो वायरस के खिलाफ यानी कि बीमारी के खिलाफ लड़ने में सक्षम हो जाती है। तो उसके प्लाज्मा को निकालकर दूसरे व्यक्ति में उसका कुछ भाग सम्मिलित कर दिया जाता है, तो उससे उस वो व्यक्ति भी प्रतिरोधक क्षमता प्राप्त कर लेता है। यही प्लाज्मा थेरेपी की बात की जाती है। यह शरीर के ताप को नियंत्रित एवं रोगों से रक्षा करता है, या घाव को भरने में भी सहायता करता है। प्रोटीन के रूप में एल्बुमिन, ग्लोब्यूलिन, फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोमिन पाई जाती है, जिसका निर्माण यकृत में होता है, जो प्लाज्मा में कोलाइड्स के रूप में होते हैं। फिर आप सुनते हैं RBC, या फिर से एक नाम और है इसका, इरिथ्रोसाइट। ये भी आपका कई बार पूछ लिया गया है। लाल रक्त कण RBC इरिथ्रोसाइट, यह एक प्रकार की रक्त कोशिका होती है जो संपूर्ण उपापचय में अपना महत्वपूर्ण योगदान देती है। यह गोलाकार, केंद्रक रहित और हीमोग्लोबिन से युक्त रहता है। इसका मुख्य कार्य ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संवहन करना है। अगर इसके जीवन काल की बात करें तो 130 दिन होता है इसका जीवन काल। इसमें हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है जिसके कारण रक्त का रंग लाल होता है। याद रखिए हीमोग्लोबिन के कारण ही आपके रक्त का रंग लाल होता है, ठीक है, याद रखिए, क्योंकि कई बार पूछ लिया गया है लाल का रक्त किस कारण होता है, रक्त का रंग लाल किस कारण होता है। हीमोग्लोबिन 1 घन मिलीमीटर में 50 लाख रक्त कण पुरुषों में और 45 लाख रक्त कण महिलाओं में होती हैं, यानी कि महिलाओं में कम पाई जाती हैं। इनका निर्माण अस्थि मज्जा तथा इनकी मृत्यु पीलिया में स्प्लीन में होती है, इसलिए इन्हें रक्त कणिकाओं का कब्र गाह कहा जाता है। किन्हें? स्प्लीन यानी कि पीलिया को। RBC का सामान्य से कम होना रक्ताल्पता यानी कि एनामिया कहलाता है। लाल रुधिर कणिकाओं को इरिथ्रोसाइट के नाम से भी आप लोग जानते हैं, जो केवल कशेरुकियों जंतुओं में पाए जाते हैं। मनुष्य में RBC का निर्माण भ्रूणीय अवस्था में यकृत तथा पीलिया यानी कि तिल्ली स्प्लीन में होता है, किंतु जन्म के उपरांत RBC का निर्माण अस्थि मज्जा बोन मेरो के द्वारा किया जाता है। मनुष्य में RBC का आकार 7 से 8.4 माइक्रोन लंबी, सरों पर 1.1 से 2.4 चौड़ी होती है, जिसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। ऊंट और लामा दो ऐसे स्तनी हैं जिनमें RBC में केंद्रक पाया जाता है यानी कि अपवाद के रूप में। RBC का औसत जीवन काल 120 दिन का है। तत्पश्चात RBC यकृत तथा पीलिया में जल में फंसकर मृत हो जाती हैं। मृत RBC को खाने के लिए शरीर में भक्षी कोशिकाएं पाई जाती हैं जो इनका भक्षण करती हैं। यकृत, कोफर कोशिका, पीलिया, मैक्रोफेगी कोशिका हीमोग्लोबिन को श्वसन रंगा भी कहा जाता है। मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को इस्कीमिया कहते हैं। रक्त में हीमोग्लोबिन एक सम्मिश्रण प्रोटीन है जिसमें भरपूर मात्रा में लोहा पाया जाता है। यदि व्यक्ति को गलत प्रकार के रक्त दे दिया जाए तो धक्का बन जाता है, धमनियां संकुचित हो जाती हैं
और यहाँ तक कि मृत्यु, इससे व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। ठीक है, इसलिए रक्त जब भी किसी को दिया जाता है तो बड़े जांच परख कर दिया जाता है। आगे है, शरीर में रक्तचाप कम होता है तो एडिनल ग्रंथि से एडिनल एडिनलिन हार्मोन्स निकलता है जो रक्तचाप को बढ़ाता है। हाइपरटेंशन के मरीज में रक्तचाप सामान्य से कहीं ज़्यादा बढ़ जाता है। मनुष्य में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया डायलिसिस कहलाती है। क्या कहलाती है? डायलिसिस। रक्तस्राव को रोकने के लिए आमतौर पर पोटास एलम फिटकरी का प्रयोग किया जाता है। इसका रासायनिक सूत्र होता है K2SO4Al2। कोष्टक SO4 पर कोष्टक बंद आधार 3 पर 24 यानी कि 24 H2O होता है इसका रासायनिक सूत्र। फीलिया यानी कि स्प्लीन को शरीर का रक्त बैंक भी कहा जाता है। फिर आता है श्वेत रक्त कणिकाएं, जिसे हम लोग लिकोसाइट भी बोलते हैं और WBC। यह भी एक प्रकार की कोशिका होती है जिसका आकार अनिश्चित होता है। इसमें केंद्रक पाया जाता है। क्या? केंद्रक पाया जाता है। इसमें हीमोग्लोबिन का अभाव होता है। इसका मुख्य कार्य शरीर के रोगाणुओं से रक्षा के लिए प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना होता है। इसका कार्य किसी का परिवहन करना नहीं होता है कि आप सोचेंगे ऑक्सीजन का या फिर CO2 का या किसी खनिजों का। इसका काम होता है जो आपके अंदर रोगाणु जाते हैं उनसे निपटना है, यानी कि उन्हें खत्म करना। भारतीयों के रक्तदाब के औसत की बात करें हम लोग तो हो गई ये पिंकुचन अवस्था में, अनुशीतलन अवस्था में रक्तदाब मिलीमीटर में, 10 वर्ष की अवस्था में 99 से 68 यानी कि पिंकुचन में 99, अनुशीतलन में 68, 12 साल में जब उम्र है तो 100 और 70, 15 साल की उम्र में 106, 72, 18 में 111, 76 और 20 में 170 और 78, 22 साल की उम्र में 119, 79, 25 साल की उम्र में 120 से 80 तक। ठीक है, 30 साल की उम्र में 122 से 82, 35 में 124 से 84, 40 में 127 से 86, 45 में 130 से 88, 50 में 133 से 90, 55 में 138 से 92। इनका जीवन काल 24 से 30 घंटे का होता है। कितना? 24 से 30 घंटे का। WBC का सामान्य से कम होना ल्यूकोपीनिया कहलाता है। WBC का सामान्य से अधिक होना ल्यूकेमिया कहलाता है। ये ल्यूकोपीनिया और ये ल्यूकेमिया। अधिक होना ल्यूकेमिया और कम होना ल्यूकोपीनिया। ठीक है, बायोलॉजी के भी हम लोग 1000 क्वेश्चंस लगा चुके हैं और बायोलॉजी को स्पेशल एक बुक्स थी उसे पढ़ाया गया है, तो उसे जाकर आप लोग देख सकते हैं। श्वेत रक्त कणिकाओं को लिकोसाइट के नाम से भी जानते हैं, जिसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। WBC में केंद्रक पाया जाता है जो किसी भी आकार की हो सकती है। यह शरीर की सबसे बड़ी रक्त कणिका होती है जिसका आकार 8 से 22 माइक्रोन तक होता है, यानी कि RBC से बड़े होता है। इसका औसत जीवन काल 3 से 4 दिन का होता है। इसका मुख्य कार्य शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करना है। हिपेरिन रक्त को जमने से रोकता है, इसलिए इसे रक्त प्रतिजामन भी कहते हैं। हिपेरिन का क्या काम है? रक्त को जमने से रोकना। हिस्टामिन एलर्जी से संबंधित है। ईओसिनोफिल्स WC में 2 से 4% तक होती है। इसकी संख्या बढ़ने पर सीनोफिलिया रोग हो जाता है। लिम्फोसाइट कोशिकाएं शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करता है, जो निम्न प्रकार की होती है। बी लिम्फोसाइट कोशिका, इसका उत्पादन परिपक्वन अस्थि मज्जा में होता है और ये एंटी बॉडी का निर्माण करती है। टी लिम्फोसाइट कोशिका, इसका उत्पादन जो अस्थि मज्जा में परंतु परिपक्वन थाइमस ग्रंथि में होता है, वह एंटीजन के को पहचानने का कार्य करता है। यानी कि सीधा सा मतलब कह दीजिए कि आप बॉर्डर पर खड़ी हुई है, ये बॉर्डर पर सैनिक है। ठीक है, तो टी दो तरह के सैनिक मान लीजिए, एक टी सैनिक है, ए आतंकवादियों को पहचानने की बात करेंगे और जो बी हो गई, बी लिम्फोसाइट, ये क्या करेंगे कि इन्हें आतंकवादियों को
के सामने आर्मी खड़ी करने की यानी कि इन्हें जवाब देने की बात करेंगी, आतंकवादियों को मारने की बात करेंगी। ठीक है, लिम्फोसाइट कणिका विहीन श्वेत रुधिराणु होते हैं। फिर आता है प्लेटलेट्स, ये रक्त कोशिकाएं केंद्रक रहित एवं अनिश्चित आकार की होती हैं। इनका मुख्य कार्य रक्त को जमने में मदद करना है। प्लेटलेट्स केवल स्तनधारी वर्ग के रूप में के रक्त में पाए जाते हैं। आपने सुना होगा जब जब मलेरिया होता है तो समय सुनते हैं प्लेटलेट्स कम हो गई, ठीक है, तो वही है। इसकी मात्रा प्रति घन मिलीमीटर में 1.5 लाख से 4 लाख तक होती है। इसका आकार 0.002 मिलीमीटर से 0.004 मिलीमीटर तक होता है। इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। इसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है और इसकी मृत्यु पीलिया यानी कि स्प्लीन में होती है। इसका शरीर इसका कार्य क्या है, शरीर में कट जाने पर रक्त बहाव को रोकना। जो अगर शरीर कट जाता है, शरीर से कोई कहीं कट गई वहाँ से खून निकलना लगता है, वो अपने आप रुक जाता है, इसी का काम है। चिकनगुनिया या डेंगू में प्लेटलेट्स की मात्रा में तेजी से गिरावट आती है। इसके लिए अगर एक बताएं, कभी अगर कभी आपकी प्लेटलेट्स कम हो जाए तो गिलोय आता है, ठीक है, एक औषधि है। इससे बड़े जल्दी से प्लेटलेट्स बढ़ती हैं, देसी है। इससे आप लोग याद रखिए, किसी भी में आप अगर सामान्य भी इसका उपयोग कर लेते हैं तो आपको नुकसान नहीं होगा, फायदा ही होगा। गिलोय आपका पेड़ों पर एक बौलार टाइप की होती है, पान के पत्ते जैसे उसके पत्ते होते हैं, उसे लाकर आप लोग पानी में गर्म करके उसकी जो भी बौलार होती है जो बॉल की तरह, ठीक है, उसी को चुरा लेंगे, उसमें गर्म कर लेंगे और पी लेंगे तो आपकी बड़ी तेज़ी से प्लेटलेट्स बढ़ती हैं। रक्त के कार, रक्त का कार ऑक्सीजन को फेफड़ों से लेकर कोशिकाओं तक तथा कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर फेफड़ों तक पहुँचाना होता है। भोजन से प्राप्त आवश्यक तत्व जैसे आपका ग्लूकोज हो गया या कोशिकाओं तक पहुंचाना भी किसका काम है, आपके रक्त का। रक्त समूह ब्लड ग्रुप, रक्त समूह की खोज लैंड स्टीनर साहब ने की थी। यही क्वेश्चंस बन गया कई बार, तो रक्त समूह की खोज किसने की थी, लैंड स्टीनर साहब ने। रक्त समूह 4 प्रकार के होते हैं, A, B, AB, O। रक्त को 4 डिग्री सेल्सियस पर सुरक्षित रखा जाता है। रक्त के अध्ययन को हम लोग हीमेटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, हीमेटोलॉजी कहते हैं। 100 मिली हीमोग्लोबिन में 15% ऑक्सीजन पुरुषों में और 13% ऑक्सीजन महिलाओं में होती है, यानी कि महिलाओं में कम। रक्त समूह की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने 1900 में की थी, सन 1900 में। कार्ल स्टीनर ने अपने अध्ययन से स्पष्ट किया कि रक्त समूह जीन पर निर्भर करता है, जिसका नाम आइसो ग्लोटिनिन जीन है, जिसके कारण इसकी वंशानुपत्ति होती है। रक्त के मनुष्य के रक्त में पाए जाने वाले एंटीजन के आधार पर इन्हें 4 प्रकार के रक्त समूह A, B, AB, O समूह में रखा जाता है, यानी कि 4 प्रकार के होते हैं। ये आपके रक्त समूह है। रक्त समूह का एंटीजन एंटीबॉडी वर्ग जिसके रक्त देगा, वर्ग जिसमें रक्त का प्राप्त कर सकता है। रक्त समूह एंटीजन ए पाया जाता है, एंटीबॉडी बी। ए वर्ग किस किस को रक्त देगा, ए और ए बी को, जिससे रक्त प्राप्त करेगी। किस किस से ले सकता है, ए रक्त वाला समूह ए से ले सकता है, ओ से भी ले सकता है। बी वाला बी में बी एंटीजन होता है, ए इसमें एंटीबॉडी। ये आपका दे सकता है किसी किसी बी ग्रुप वाले को और ए बी वाले को, ले सकता है बी वाले से और ओ वाले से भी। ए बी वाले की बात करें तो ए बी दोनों इसमें एंटीजन होते हैं, लेकिन एंटीबॉडी इसमें कोई नहीं होता है। ये आपका किसको देगा, ए बी को दे सकता है, लेकिन ले सकता है यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है, यानी कि सबसे ले सकता है, ए से ले सकता है, बी से ले सकता है, ओ से ले सकता है और ए बी से भी। अगर ओ ग्रुप की बात करें तो कोई नहीं इसमें एंटीजन होता है, लेकिन एंटीबॉडी इसमें दोनों होते हैं। ए बी एक सर्वदाता होता है, यानी कि सबको दे सकता है, लेकिन ले सकता है केवल ओ से, ठीक है। यहाँ आपकी माफ करिएगा, यहाँ आपकी कुछ रक्त के कार्य और छूट चुके थे, इन्हें देख लीजिए। रक्त हार्मोन को शरीर के उपस्थित स्थानों तक पहुंचाती है। रक्त शरीर के तापक्रम को संतुलित बनाए रखता है। रक्त शरीर में उत्पन्न अवशिष्ट हानिकारक पदार्थों को एकत्रित करके मूत्र एवं पसीने के रूप में शरीर से बाहर पहुंचाने में मदद करता है। रक्त का जमना ब्लड क्लॉटिंग,
रक्त के रक्त में स्थित प्लेटलेट्स में फाइब्रिनोजन विनोजिन एवं थ्रोम्बोप्लास्टिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। जब कटे हुए स्थान से रक्त बाहर आता है तो फाइब्रिनोजिन हवा एवं थ्रोम्बोप्लास्टिन की उपस्थिति में फाइब्रिन में परिवर्तित होकर तारनुमा जाली बना देता है, जिससे रक्त गर्भस जाते हैं और रक्त जम जाता है, आपकी जो निकलता है रक्त वो कम हो मतलब रुक जाता है। विटामिन के की कमी से रक्त नहीं जमता है। अगर आप में विटामिन के की कमी है तो आप में रक्त नहीं जमेगा, ठीक है। तो ये थे रक्त संबंधी कुछ प्रमुख तत्व, इन्हीं से क्वेश्चंस बनते रहेंगे आपके, ठीक है। अब है आपका कंकाल तंत्र। मनुष्य का कंकाल तंत्र दो भागों का बना होता है, अक्षीय कंकाल और एक आपका उपांगीय कंकाल। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग अक्षीय कंकाल के बारे में। मनुष्य के शरीर का मुख्य अक्ष बनाने वाले कंकाल को अक्षीय कंकाल कहते हैं। मनुष्य के शरीर का जो मुख्य भाग है, मुख्य अक्ष बनाने वाले कंकाल को क्या कहते हैं? अक्षीय कंकाल। इसके अंतर्गत आपने देखा होगा खोपड़ी, कशेरुकी, कशेरुक दंड, छाती की अस्थियां, ये सभी शामिल हैं। खोपड़ी किसी मनुष्य के सिर के अंता कंकाल के भाग को, कंकाल के भाग को खोपड़ी कहते हैं। इसमें आपकी 29 अस्थियां होती हैं और इसमें 8 अस्थियां संयुक्त रूप से मनुष्य के मस्तिष्क को सुरक्षित रखती हैं। इन अस्थियों से बनी रचना को हम लोग कपाल कहते हैं। क्या कहते हैं? कपाल कहते हैं। इसके अतिरिक्त 14 अस्थियां चेहरे पर और 6 अस्थियां आपके कान को बनाती हैं। इसके अलावा वॉयड नामक एक और अस्थि खोपड़ी में होती है। याद रखिए इससे संबंधित भी 1100 के करीब क्वेश्चन आपके सॉल्व कर चुका हूँ, करवा चुका हूँ। और अब वन डे एग्जाम बोथ सिविल सर्विस और स्टेट पीसीएस को ध्यान में रखते हुए विस्तार से आपके सॉल्व करवाए गए हैं। अब बचे आपके वन डे एग्जाम को ध्यान में रखते हुए, देखता हूँ टाइम मिलेगा तो इससे भी 1100 क्वेश्चन इससे भी खत्म करवा देंगे। इससे एक दो बार इसे पढ़िए, उसके बाद आप क्वेश्चंस लगाइए जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। आपको पता चलेगा कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा वॉयड नामक एक और अस्थि खोपड़ी में होती है। कशेरुक दंड, मनुष्य का कशेरुक दंड 33 कशेरुकाओं से मिलकर बना होता है। एटलस कशेरुक खोपड़ी को ठीक रखता है। क्या रखता है? ठीक रखता है। संपूर्ण कशेरुक दंड को निम्नलिखित भागों में विभक्त कर सकते हैं। गर्दन, गर्दन में क्या है? गर्दन में 7 कशेरुक, वक्ष इसमें 12 कशेरुक, कटी इसमें 5 कशेरुक, त्रिक इसमें 5 कशेरुक, पुच्छ इसमें 4 कशेरुक, इस तरह से टोटल 33 हो गए। मनुष्य के शरीर के आकार प्रदान करने का कार्य अस्थियों का है। अस्थियों की कठोरता उसमें पाई जाने वाली अकार्बनिक तत्वों कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के कारण होती है। कैल्शियम मैग्नीशियम के कारण होती है। इसमें जब कभी कैल्शियम की कमी होती है तो अस्थियां कोमल और कमजोर और टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं। आपने सुना होगा कि जब भी आपका शरीर का कोई अंग टूट जाए, हाथ की हड्डी कोई टूट जाए, तो आपको कैल्शियम थोड़ा बढ़ाने की बात की जाती है, क्योंकि कैल्शियम से थोड़ा क्या होता है कि आपकी हड्डियां मजबूत होती हैं। कशेरुक दंड के कार्यों की बात करें तो यह गर्दन तथा धड़ को लचक प्रदान करते हैं, जिससे मनुष्य किसी भी दिशा में अपनी गर्दन और धड़ को मोड़ने में सफल होता है। यह सिर को साधे रहता है। क्या करता है? यह सिर को साधे रहता है। यह गर्दन तथा धड़ को आधार प्रदान करता है। यह मनुष्य को खड़े होकर चलने, खड़े होने आदि में मदद भी करता है। यह मेरु रज्जु को सुरक्षा प्रदान करता है। उपांगीय कंकाल, इसके दो भाग होते हैं। कौन कौन से? इसमें पहला है आपका पाद अस्थियां, दोनों हाथ दोनों पैर मिलाकर 118 अस्थियां होती हैं। मेखलाएं, मनुष्य में अग्रपाद और पश्चपद को अक्षीय कंकाल पर साधने के लिए 2 चाप पाए जाते हैं, जिन्हें मेखलाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? मेखलाएं कहते हैं। अग्रपाद की मेखला को अंश मेखला और पश्चपद की मेखला को श्रेणी मेखला कहते हैं हम लोग। अंश मेखला से अग्रपाद की अस्थि ह्यूमरस एवं श्रेणी मेखला से पश्चपाद की हड्डी को फीमर जुड़ी होती है। क्या कहते हैं? फीमर। अगर कंकाल के कार्यों की बात करें हम लोग, तो इसके कार्यों में शरीर के कोमल अंगों की सुरक्षा प्रदान करना, पेशियों को जोड़ने का आधार प्रदान करना, शरीर को निश्चित आकार प्रदान करना, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण करना, श्वसन एवं पोषण में सहायता प्रदान करना। पसीलियों की कुल हड्डियों की संख्या 24 होती है। कितनी? 24। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी आपकी फीमर है, जांघ की हड्डी। कौन है? जांघ की हड्डी।
अगर शरीर की सबसे छोटी हड्डी की बात करें तो स्टेप्स होती है कान की, ठीक है, याद रखें। टेंडन, यह एक सहयोजी ऊतक है जो पेशी एवं अस्थि या फिर उपास्थि को जोड़ता है। ये भी कई बार पूछ लेते हैं आपसे। लिगामेंट, यह दो अस्थियों को आपस में जोड़ता है। संधि, जहाँ पर दो या दो से अधिक अस्थियाँ आपस में इस प्रकार मिले कि उनकी गति हो सके, वह स्थान संधि कहलाता है, ठीक है। ये तीन प्रकार के होते हैं। अचल, कोई गति नहीं है, जैसे कपाल की 8 हड्डियाँ। अल्पचल, ज्यादा गति नहीं है, जैसे स्टेनम और रिब्स की मत। चल संधि, ज्यादा गति होती है जो निम्न प्रकार की होती है। कंदुक एवं खल्लुका संधि, जैसे फीमर एवं एसीटाबुलम। संसर्पी, जैसे हाथ एवं पैर की कल्पर्स एवं टाल। कोर संधि, जैसे घुटन और कुहनी। सेडल संधि, जैसे अंगूठा। धोरागस, गर्दन एवं सिर की मत, ठीक है। और जैसे इसमें आपकी कांडी लॉर्ड, ये जैसे जबड़ा। नवजात शिशु में 300 से अधिक अस्थियां पाई जाती, कितनी? 300 से अधिक। मनुष्य के शरीर में कुल हड्डियां कितनी होती हैं? 206, 206, ठीक है। बाल अवस्था में कुल हड्डियां कितनी होती हैं? 208। सिर की कुल हड्डियों की संख्या कितनी है? 29। कपाल में 8, फेसियल में 14, कर्ण में 6। इसी से तो क्वेश्चन आपके बनेंगे कि बाल अवस्था में कुल कितनी हड्डियां होती हैं, मनुष्य के शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी है। इसी तरह के क्वेश्चन तो बनेंगे आपसे, बस आपको पकड़ना, क्वेश्चन बनाना सीखना है और उनके आंसर याद रखना है। इसीलिए तो बोल रहा हूँ कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हो सकें आप सॉल्व करिए, क्योंकि आपको पता चल जाएगा। एक और मुझे लगता है कि जब हम क्वेश्चन देख लेते हैं और हमें मालूम चलता है कि इस तरह से रीढ़ की कुल हड्डियों की संख्या कितनी है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, पर हमें बायोलॉजी पढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं तो यहाँ लिखा है 33। अब हमें ये हमेशा याद रहेगा। आपको आप देखते हैं कि अगर पेपर देते हैं कोई, आप किसी भी स्टेट PCS या वन डे एग्जाम, अगर आपको उस क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन आते हैं और बाद में आप घर आके उन्हें देखते हैं, सॉल्व करके उन्हें मिलाते हैं, उसके बाद मुझे नहीं लगता है कि आपका वो क्वेश्चन पेपर जो बना हुआ है उससे कभी भी अगर क्वेश्चन दोहराया जाता है तो आप सॉल्व करने की स्थिति में होंगे, कभी आप छोड़ने के नहीं आने वाले हैं, क्योंकि आपको बेहतर रट जाता है वो क्वेश्चन और पता चल जाता है कि ये क्वेश्चन उस साल आया हुआ था। रीढ़ की कुल हड्डियों की संख्या विकसित होने पर कितनी? 26, 26 है। कुछ विशेष स्थानों की स्त्रियों अस्थियों की बात करें एवं संख्या की, तो ये स्थान हो गए, अस्थियों के नाम हो गए, संख्या हो गई। ऊपरी बाहु ए ह्यूमरस, 2। अग्रबाहु रेडियो अल्ना, 2। कलाई कार्पल्स, 16। हथेली मेटा कार्पल्स, 10। अंगुलियां फ्लेंजेस जे 28। जांग फीमर 2। पिंडली टीबियो फिबुला 4, कितने? 4। घुटना पटेला 2। टखना टार्सल 14। तलवा मेटा टार्सल्स 10। कर्ण मेलियस 2। अस्थियां इंकस 2। स्टेप्स में 2, इस तरह के, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग अंतःस्रावी एंडोक्राइन सिस्टम की ओर। अंतःस्रावी ग्रंथियां नलिकाविहीन ग्रंथियां होती हैं। कैसी? नलिकाविहीन। इससे हार्मोन का स्राव होता है। यह हार्मोन रक्त प्लाज्मा के द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचता है, जैसे पीयूष ग्रंथि, अवटु ग्रंथि, परा अवटु ग्रंथि आदि। वही स्रावी ग्रंथियां नलिकायुक्त ग्रंथियां होती हैं। इसमें एंजाइम का स्राव होता है, जैसे दुग्ध ग्रंथि, श्वेत ग्रंथि, अशु ग्रंथि, श्लेष्म ग्रंथियां, लार ग्रंथियां आदि। पीयूष ग्रंथि पिट्यूटरी ग्लैंड कपाल की स्पिनाइड हड्डी में एक गड्ढे में होती है। इसको सेल टर्सिका कहते हैं। इसका भार लगभग 0.6 ग्राम होता है। इसे मास्टर ग्रंथि के रूप में भी हम लोग जानते हैं। किसके? मास्टर ग्रंथि के। पीयूष ग्रंथि से निकलने वाला वाले हार्मोन उनके कारण निम्नलिखित हैं। क्वेश्चन इससे कई बार भी आपके बन चुके हैं। STH हार्मोन, सोमेट्रोट्रोपिक हार्मोन, शरीर की वृद्धि, विशेषता हड्डियों की वृद्धि का नियंत्रण रखना। यही आपका STH हार्मोन जो शरीर में वृद्धि, विशेषता हड्डियों की वृद्धि का नियंत्रण करती है।
एसटीएच की अधिकता, अगर इसकी हार्मोन की अधिकता हो जाए तो भीमकायत, यानी कि आप देखते हैं कि एक बड़ा शरीर, एक्रोमेगेली भी कहते हैं इसे, विकार उत्पन्न हो जाता है जिसमें मनुष्य की लंबाई सामान्य से बहुत अधिक बढ़ जाती है। एसटीएच की कमी से मनुष्य बौनापन हो जाता है, कैसा, छोटा रह जाता है। ठीक है, तो एक सामान मात्रा होनी चाहिए, ना तो बड़ा और ना ही छोटा। एसटीएच हार्मोन थायराइड ग्रंथि को हार्मोन स्रावित करने के लिए प्रेरित करती है। एसीटीएच, ये आपकी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, थायराइड ग्रंथि से को हार्मोन स्रावित करने के लिए प्रेरित करती है। एसीटीएच एडेनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन एडिनल कॉर्टेक्स के स्राव को नियंत्रित करती है। जीटीएच हार्मोन ग्रोनाडोट्रोपिक हार्मोन जनन अंगों के कार्यों का नियंत्रण करती है। यह दो प्रकार के होते हैं। FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन वृषण की शुक्र जनन नलिकाओं में शुक्राणु जनन में सहायता करती है। यह अंडाशय फॉलिकल की वृद्धि में भी मदद करती है। फिर आपकी आती है HLH लुटेनिंग हार्मोन अंतराल कोशिका उत्तेजित हार्मोन नर्म है, इसके अभाव से अंतराली कोशिकाओं में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन और मादा में एस्ट्रो हार्मोन स्रावित होता है। LTH हार्मोन एक दुग्धजनक हार्मोन है, लैक्टोजेनिक हार्मोन या मुख्य कार्य इसका क्या होता है, शिशु के लिए स्तनों में दुग्ध स्राव उत्पन्न करना इसका काम है। ADH एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन इसके कारण छोटी छोटी रक्त धमनियों का संकीर्ण होना एवं रक्तदाब का बढ़ना इसका कारण होता है। यह शरीर में जल संतुलन को बनाए रखने में भी सहायता करता है। अवटु ग्रंथि यह मनुष्य के गले में श्वास नलिका ट्रेका की दोनों ओर लैरिंग्स के नीचे स्थित रहती है। अवटु ग्रंथि इससे निकलने वाला हार्मोन थायरोक्सिन है, थायरोक्सिन एवं ट्रायोडोथायरोनिन है, इसमें आपको आयोडीन अधिक मात्रा में रहता है। थायरोक्सिन कोशिकीय श्वसन की गति को तीव्र करता है। यह शरीर की सामान्य वृद्धि विशेषता हड्डियों बाल इत्यादि के विकास के लिए अनिवार्य है। जनन अंगों के सामान्य कार्य इन्हीं की सक्रियता पर आधारित रहते हैं। पीयूष ग्रंथि के हार्मोन के साथ मिलकर शरीर के जल संतुलन का नियंत्रण भी करते हैं। थायरोक्सिन की कमी से होने वाला रोग की बात करें अगर हम लोग जड़ मानवता, ये क्या है, ये रोग बच्चों में होता है, इसमें बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है, ऐसा रुक जाता है। मैक्सिडमा रोग यौवन अवस्था में होता है, इस रोग में शरीर में उपापचय भली भांति नहीं हो पाता है जिससे हृदय स्पंदन एवं रक्तचाप कम हो जाता है आपका। एक है आपका हाइपोथायरॉयडिज्म रोग लंबे समय तक थायरोक्सिन हार्मोन की कमी के कारण यह रोग होता है। इस रोग के कारण सामान्य जनन कार्य संभव नहीं हो पाता है। कभी कभी इस रोग के कारण मनुष्य गूंगा एवं बहरा हो जाता है। घेंगा रोग की बात करें तो ये रोग भोजन में आयोडीन की कमी के कारण होता है। इस रोग में थायराइड ग्रंथि के आकार में बहुत वृद्धि हो जाती है। थायरोक्सिन की अधिक से होने वाले रोग की बात करें हम लोग तो टॉनिक से ग्वाटर इसमें हृदय गति तीव्र हो जाती है, रक्तचाप बढ़ जाता है, उसंसन सुसन दर्द भी तीव्र हो जाती है। एक्सोपैथीलीमिया नामक रोग में आँख फूलकर नेत्र कोटर से बाहर निकल आती है। पराउटु गला में अवटु ग्रंथि के ठीक पीछे स्थित होता है। इससे आपके दो हार्मोन स्रावित होते हैं, कौन कौन से हैं, पैराथायराइड हार्मोन। यह हार्मोन तब स्रावित होता है जब रुधिर में कैल्शियम की कमी हो जाती है, कैल्सिटोनिन। जब रुधिर में कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है तो यह हार्मोन मुक्त होता है, अर्थात पराउटु ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन रुधिर में कैल्शियम की मात्रा का नियंत्रण करता है। अधिवेक्य ग्रंथि इस ग्रंथि के दो भाग होते हैं, बाहरी भाग कॉर्टिक्स तथा अंदरूनी भाग मेडुला। कॉर्टिक्स से निकलने वाला हार्मोन एवं कार्य ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एवं वसा उपापचय को नियंत्रित करता है। मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स का मुख्य कार्य वृक्क नलिकाओं द्वारा लवण के पुनः अवशोषण और शरीर में अन्य लवणों की मात्रा का नियंत्रण करना है। लिंग हार्मोन
बाह्य लिंगों वालों बालों के आने का प्रतिमान यौन आचरण को नियंत्रित करना इसका काम होता है। कॉर्टेक्स, शरीर को कॉर्टेक्स का क्या है? शरीर से बिल्कुल निकाल दिया जाए तो मनुष्य केवल 1 या 2 सप्ताह ही जीवित रह सकता है। इसके कॉर्टेक्स के विकृत हो जाने पर उपापचयी विक्रमों में गड़बड़ी उत्पन्न हो जाती है। इस रोग को एडिसन रोग कहते हैं। मेडुला द्वारा अगर हम लोग स्रावित हार्मोन और उनके कार्यों की बात करें तो एपिनेफ्रिन एक एमिनो अम्ल है। क्या है? एमिनो अम्ल है। नॉर एपिनेफ्रिन भी एक एमिनो अम्ल है। उपयुक्त दोनों हार्मोन हृदय पेशियों की उत्तेजनशीलता और संकुचनशीलता में वृद्धि करते हैं। फलस्वरूप रक्तचाप बढ़ जाता है। अधिवेग के ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन को लड़ो उड़ो हार्मोन कहते हैं। जो अधिवेग है ग्रंथि इससे निकलने वाले हार्मोन को हम लोग लड़ो उड़ो हार्मोन कहते हैं। उत्तेजना के समय एडिनिलिन हार्मोन अधिक मात्रा में उत्सर्जित होता है। क्रोध भर खतरे के समय सक्रिय होता है। एपिनिफेन हृदय स्पंदन इकाई रुक जाने में उसे पुनः चालू करने में सहायक होता है। जनन ग्रंथि अंडाशय इसके द्वारा निम्न हार्मोन स्रावित होते हैं। एस्ट्रोजेन यह अंडवाहिनी के परिवर्धन को पूर्ण करता है। प्रोजेस्टेरोन यह एस्ट्रोजेन से सहयोग कर स्तन वृद्धि करने में सहायता करता है। रिलैक्सिन गर्भाशय में यह अंडाशय और गर्भाशय एवं अपरा में उपस्थित रहता है। यह हार्मोन प्यूबिक सेनफाइसिक्स को मुलायम करता है और यह गर्भाशय गीवा चौड़ा करता है ताकि बच्चा आसानी से पैदा हो सके। वृषण इससे निकलने वाले हार्मोन को टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। यह पुरुषोचित लैंगिक लक्षणों के परिवर्तन को एवं यौन आचरण को प्रेरित करता है आपका। ठीक है, फिर आपके आनुवांशिकी जेनेटिक्स माता पिता से उनकी संतानों में विभिन्न लक्षणों के स्थानांतरण का विषय और उससे संबंधित कारणों और नियमों का अध्ययन आपका आनुवांशिकी के अंतर्गत ही आप करते हैं। इसे आनुवांशिकी कहते हैं। जोहानसन 1905 ने सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किया था। जीन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? जोहानसन। सर्वप्रथम जेनेटिक्स नाम का उपयोग डब्ल्यू वाटसन ने 1905 में किया। ग्रेगर जान मेंडल को अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। किसे? ग्रेगर जान मेंडल को। मेंडल ने अपना प्रयोग मटर के पौधे पर किया था। किसके? मटर के पौधे पर। प्रमुख अंतःस्रावी ग्रंथियां उनके कार्य की बात करें हम लोग वैसे देख तो चुके हैं पीछे भी, फिर भी देख लीजिए ना, इन्हीं से क्वेश्चन आपके आएंगे तो इससे इसी से आएंगे। ये आपकी ग्रंथि हो गई, हार्मोन्स हो गए और इनके कार्य हो गए। पिट्यूटरी ग्लैंड यानी कि पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन। सोमेटोट्रॉपिक हार्मोन एसटीएच इसका कार्य है कोशिकाओं की वृद्धि एवं वृद्धि का नियंत्रण करना। थायरोट्रॉपिक हार्मोन इसका काम है टीएसएच इसका काम क्या है? थायराइड ग्रंथि के स्राव का नियंत्रण करना। एडिनोकार्डियोट्रॉपिक हार्मोन ACTH इसका काम क्या है? एडिनल ग्रंथि के प्रांत स्थित भाग के स्राव का नियंत्रण करना। फॉलिकल उत्तेजक हार्मोन इसका कार्य क्या है? नर के वृषण में शुक्राणु जनन एवं माता के अंडाशय में फॉलिकल की वृद्धि का नियंत्रण करना। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कॉर्पस ल्यूटियम का निर्माण वृषण से एस्ट्रोजन और अंडाशय से प्रोजेस्टेरोन की स्राव हेतु अंतराल कोशिकाओं का उद्दीपन करना। एंटीड्यूरेटिक हार्मोन इसका क्या काम है? शरीर में जल संतुलन अर्थात वृक्क द्वारा मुक्ति की मात्रा का नियंत्रण करना इसका काम है। फिर आपका थायरॉइड ग्रंथि इससे आपका निकलता है हार्मोन थायरोक्सिन हार्मोन इसका काम क्या है? वृद्धि तथा उपापचय की गति को नियंत्रित करना। फिर आपका पैराथायरॉइड ग्रंथि इससे कौन सा हार्मोन निकलता है? पैराथायरॉइड हार्मोन इसका काम है रक्त में कैल्शियम की कमी होने से यह स्रावित होता है। यह शरीर में कैल्शियम फॉस्फोरस की आपूर्ति को नियंत्रित करता है। कैल्सीटोनिन हार्मोन रक्त में कैल्शियम अधिक होने से यह मुक्त होता है। यह शरीर में कैल्शियम तथा फॉस्फोरस की आपूर्ति को नियंत्रित करता है। एडिनल ग्रंथि इससे कौन सा हार्मोन निकलता है? ग्लूकोर्टिकॉइड हार्मोन इसका काम है कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वसा उपापचय का नियंत्रण करना। कॉर्टेक्स ग्रंथि इससे कौन सा हार्मोन निकलता है? मिनरलोकोर्टिकॉइड्स हार्मोन ये वेक नलिकाओं द्वारा लवण का पुनः अवशोषण और शरीर में जल संतुलन बनाए रखना। लिंग हार्मोन पेशियों और हड्डियों बाह्यलिंगिक
अंग एवं यौन आचरण का नियंत्रण करना इसका काम है। मेडुला ग्रंथि, इससे आपका निकलेगा एपिनेफ्रिन हार्मोन, इसका काम है रक्तचाप को नियंत्रित करना। और दूसरा है इसमें नॉर एपिनेफ्रिन हार्मोन, इसका काम है रक्तचाप को नियंत्रित करना, दोनों का रक्तचाप को नियंत्रित करना है। फिर आपकी अग्नाशय, अग्नाशय की लैंगरहैंस की द्वीपिका ग्रंथि, इससे इंसुलिन हार्मोन निकलता है, रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करना इसका काम है। अंडाशय हार्मोन, सॉरी इससे एक हार्मोन और निकलता है, ग्लूकागोन हार्मोन, इसका काम है रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करना। फिर अंडाशय ग्रंथि, इससे आपका एस्ट्रोजन हार्मोन निकलेगा, यह मदांग में परिवर्धन को नियंत्रित करता है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, ये स्तन वृद्धि, गर्भाशय, पेशों में होने वाली परिवर्तनों को नियंत्रित करता है। रिलैक्सिंग हार्मोन, पेशों के समय होने वाली परिवर्तनों को नियंत्रित करता है ये रिलैक्सिंग हार्मोन। फिर आपकी वेषण ग्रंथि, इससे टेस्टोस्टेरोन रिन हार्मोन निकलता है, नरंग में परिवर्धन यौन आचरण को नियंत्रित करना इसका काम होता है। ठीक है, अब आनुवांशिकी पर थे हम लोग, वहीं वापस आ चुके हैं। आनुवांशिकी लक्षण को पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित करने वाली रचना को जीन कहते हैं। क्या कहते हैं? कारक या फिर जीन कहते हैं। जीन गुणसूत्र का मनका जैसी संरचना होती है, एक ही जीन के दो या दो से अधिक विकल्प एलील कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एल एलील, आर एवं स्मॉल आर। एक जोड़ी लक्षणों को लेकर कराया गया क्रॉस अंग संकर तथा दो जोड़ी लक्षणों को लेकर कराया गया क्रॉस द्विसंकर क्रॉस कहलाता है। वंशागति के नियमों का पालन कर मानव जाति को सुधारना सुजननिकी कहलाता है। चिकित्सा इंजीनियरिंग द्वारा दोषपूर्ण उत्कों या जीवों का सुधार करना यूफेनिप्स कहलाता है। क्या? यूफेनिप्स। उत्तम परिस्थितियां उत्पन्न कर मानव समाज को सुधारना सॉप रेविस्की कहलाता है। जीवधारी के दो जो लक्षण प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देते हैं उसे फिनोटाइप कहते हैं। क्या कहते हैं? फिनोटाइप। जीवधारी के अनुवांशिक संगठन जो कि जीन से बना होता है जीनोटाइप कहलाता है। मेंडल की विषम युग्मजी एबन, पौधे का संयुग्मजी आविर्भावी जनक से क्रॉस परिच्छेद संकरण कहलाता है। इससे एक संकर क्रॉस एक अनुपात एक, दुई संकर क्रॉस में एक अनुपात एक, फिर अनुपात एक, फिर अनुपात एक का अनुपात मिलता है। एब टू पीडी में अनुपात फिनोटाइप अनुपात तीन अनुपात एक तथा जीनोटाइप में अनुपात एक अनुपात दो अनुपात एक प्राप्त हुए हैं। ह्यूगो डी ब्रिज डच, कॉल ऑरेंज जर्मन और बी सरमाक ऑस्ट्रियन नामक वैज्ञानिकों ने स्वतंत्र रूप से मेंडल के निष्कर्षों को पुनः वर्णन करके तीन नियम दिए। कौन से? प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। मेंडल द्वारा तीन नियमों को प्रतिपादित किया गया, कौन कौन से? प्रभाविता का नियम जो अपने आप को व्यक्त करते हैं, प्रभावी फैक्टर जो उपस्थित होने के बावजूद अपने आप को व्यक्त नहीं कर पाते उसे अप्रभावी फैक्टर कहलाते हैं। पृथक्करण का नियम, इसमें फैक्टर हमेशा जोड़ों में उपस्थित होते हैं क्योंकि गुणसूत्र जोड़ों में पाए जाते हैं। फिर आपका स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, जीवों के गुण तथा लक्षण एक दूसरे को प्रभावित किए बिना स्वतंत्र रूप से युग्मों में जाते हैं। फिर आपका सहलग्नता, जब दो विभिन्न लक्षण एक ही गुणसूत्र में बधे हों तो उनकी वंशागति स्वतंत्र ना होकर एक साथ ही होती है। जीन या अनुवांशिकता की मूल इकाई है, किसकी? अनुवांशिकता की। गुणसूत्र की पूरी लंबाई में सैकड़ों हजारों की संख्या में जीन पाए जाते हैं जो आपके डीएनए के बने होते हैं। किसकी? डीएनए के। गुणसूत्र, प्रत्येक कोशिका के केंद्रक में सूत की आकृति के अवयव युग्मा अवस्था में बहुत बड़ी संख्या में रहते हैं। गुणसूत्र की खोज आपके हॉज मेस्टर नामक वैज्ञानिक ने 1848 में की और वाल्डेयर ने 1888 में इसका नामकरण गुणसूत्र दिया। इन्हें गुणसूत्र या फिर क्रोमोजोम भी कहा जाता है। क्रोमोजोम में हजारों की संख्या में जीन पाए जाते हैं। फिर आपका लिंग गुणसूत्र, मनुष्य की कारी कोशिकाओं में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। कितने? 46। पुरुषों में 22 जोड़ी अलिंग सूत्री गुणसूत्र तथा एक जोड़ा लिंग सूत्री गुणसूत्र होता है। स्त्री में बात करें तो 22 जोड़े समजातीय गुणसूत्र और एक जोड़ा एक्स गुणसूत्र होता है। अर्धसूत्री विभाजन के समय गुणसूत्र के जोड़े 20 संयोजित होते हैं। प्रत्येक अंडाणु में 22 जोड़े समजातीय गुणसूत्र होते हैं, एक जोड़ा एक्स गुणसूत्र रहता है, जबकि शुक्राणु में 22 जोड़ा समजातीय गुणसूत्र होते हैं, एक जोड़ा एक्स वाई गुणसूत्र का होता है। देखिए
पुत्र प्राप्ति होती है या पुत्री प्राप्ति, ये निर्भर करता है पुरुष पर, ठीक है। इसमें महिला की कोई योगदान नहीं है, समझ रहे हैं, महिला का मेरा कहने का योगदान नहीं है, समझ रहे हैं। दूसरा योगदान मत समझ लीजिए कि मनुष्य भी अपने आप में बच्चे पैदा कर देगा, ऐसा नहीं है। कि जो अभी आपने देखा होगा कई मान्यताएं हैं, प्रथाएं चलती रहती हैं कि अगर लड़की लड़की हो रही हैं तो उसके लिए जिम्मेदार महिला को समझा ठहरा दिया जाता है, उस पर अत्याचार किया जाता है। तो मुझे लगता है कि पुरुषों पर अत्याचार करना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं एक्स वाई गुणसूत्र, महिला के पास तो एक्स एक्स गुणसूत्र हैं, ठीक है, लेकिन ए एक्स वाई गुणसूत्र किसके पास है, पुरुष के पास। तो अगर एक्स एक्स जुड़ता है तो क्या बेटी पैदा होगी, और एक्स वाई जुड़ता है तो क्या होगा, पुरुष पैदा होगा, ठीक है, बच्चा मतलब लड़का पैदा होगा, लड़की पैदा एक्स एक्स में। तो इसमें किसका गलती है, पुरुष की, समझ लेते हैं। क्योंकि अभी भी गांव तरफ आप देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी महिला को जिम्मेदार ठहरा दिया जाता है इसके लिए, उस पर बड़ा जुलम किया जाता है। 22 जोड़ी गुणसूत्र स्त्रियों और पुरुषों में समान और अपने अपने समझात होते हैं, इसे समझात या फिर ऑटोमोस कहते हैं, क्या कहते हैं, ऑटोमोस, समझ रहे हैं, तो याद रखिए। 23वीं जोड़ी गुणसूत्र स्त्रियों और पुरुषों में भिन्न भिन्न होते हैं, जिसे विषमजात या फिर एलोसोम कहते हैं। संतान का लिंग अंडाणु को निश्चित करने वाले शुक्राणु पर निर्भर करता है। अब समझ में आया, मतलब संतान का जो भी लिंग निर्धारण होगा कि बच्ची होगी या बच्चा, ये शुक्राणुओं पर निर्भर करेगा। युग्मनज में एक्सेस गुणसूत्र रहता है, तो इसका विकास स्त्री संतान के रूप में होता है। अंडाणु में वाई गुणसूत्र से निश्चित होने पर युग्मनज में एक्स वाई लिंग गुणसूत्र होगा, इसका विकास पुरुष संतान के रूप में यानी कि लड़के के रूप में होगा। डीएनए जीवों में आनुवांशिक लक्षणों का वाहक होता है। शिशु के लिंग का निर्धारण पिता के गुणसूत्र पर निर्भर करता है। कुछ प्रमुख गुणसूत्रों की बात करें, जैसे आपके जंतु हो गए, और इनमें गुणसूत्रों की बात, मक्खी में आपके 12, मटर में आपके 14, गेहूं में 42, चावल में 24, चिंपैंजी में 48, कपास में 52, गन्ना में 80, तितली में 446, कितने 446, कुत्ता में आपके 48, आलू में 48। डीएनए और आरएनए एक कार्बनिक अम्ल है, जिसके अणु सरफिल लड़ी के रूप में रहते हैं। इसे न्यूक्लियोटाइड कहा जाता है। डीएनए और आरएनए दोनों में दो प्रकार की शर्कराएं पाई जाती हैं। शर्करा की यही भिन्नता इन दोनों को एक दूसरे से अलग करती है। डीएनए की अनुवांशिक संकेतों को धारण करती है। इस संकेतों के आधार पर प्रोटीन का निर्माण होता है। डीएनए की कुटित निर्देशों को राइबोसोम तक ले जाने का कार्य संदेशवाहक यानी कि आरएनए करते हैं। कौन करते हैं? आरएनए करते हैं। प्रोटीन संश्लेषण कोशिका के राइबोसोम पर होता है। कोशिका द्रव्य में उपस्थित 20 अमीनो अम्ल का सही चुनाव जेनेटिक कोड से ही होता है। डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने संपूर्ण जेनेटिक कोड का पता लगाया। इसी कार्य के लिए उन्हें 1968 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। रुधिर बैंकरों में रुधिर कुज्जियों को 30 दिन तक रखा जा सकता है। प्लाज्मा को सुखाकर पाउडर के रूप में अधिक दिनों तक रख सकते हैं। रक्त देते समय प्लाज्मा में पानी मिला देते हैं। मनुष्य के कुछ अनुवांशिक रोग की बात करें तो लिंग गुणसूत्रों के जीनों द्वारा लक्षणों की वंशागति का नियंत्रण लिंग के साथ बदलता है, जिसे लिंग सहलग्नता कहते हैं। उदाहरण के लिए एक्स क्रोमोसोम वंशागति वर्णांधता और हीमोफीलिया के लिए जिम्मेदार है। वाई क्रोमोसोम वंशागति कर्णपल्लवों का हाइपरट्राइकोसिस इसके लिए त्वचा। ये आपका अनुवांशिक रोग है, ये कई बार पूछ लिया गया है कि लिंग सहलग्नता और इसमें आपका वर्णांधता हो गया, हीमोफीलिया हो गया, किस कैंसर हो गया, अनुवांशिक रोग है। वर्णांधता में क्या होता है, इसमें रोगी होता है उसे लाल और हरे रंग में भेद नहीं कर पाता है, यानी कि लाल हरे रंग में भेद नहीं कर पाता है। इसमें मुख्य रूप से पुरुष ही प्रभावित होता है। स्त्रियां सिर्फ बाह्य का काम करती हैं। इस रोग का वर्णन हॉर्नर ने किया था। किसने? हॉर्नर ने। अरे आपका पिति जैविक पदार्थ एंटीबॉड बायोटिक्स शरीर में कृत्रिम रूप से प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करने के लिए आजकल एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल किया जाता है।
अब तक अनेक एंटीबायोटिक्स की खोज की जा चुकी है, लेकिन सबसे पहले एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। एंटीबायोटिक बनाने का मुख्य स्रोत कवक और बैक्टीरिया है। कुछ पिछले एंटीबायोटिक्स प्रकार हैं, एमोक्सीसिलिन, एम्पीसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, टेरामाइसिन इत्यादि। इनका सीधा सा मतलब एंटीबायोटिक का, बायोटिक का इस तरह से ले सकते हैं, किस तरह से कि आपको कोई रोग हुआ है उसके विरोध में कोई प्रतिरोधक क्षमता आपको दे दी जाए, यानी कि आप प्रतिरोधक क्षमता प्राप्त कर लेते हैं तो आप उस रोग को दबा देंगे, ठीक है, यही काम रहता है एंटीबायोटिक्स का। तो सबसे पहली आपकी पेनिसिलिन है, ठीक है। हीमोफीलिया, इस रोग से ग्रस्त व्यक्ति को चोट लगने या करने पर रक्त का थक्का नहीं जमता है और खून बहता रहता है। इसमें भी आपकी स्त्रियां बाहक का ही कार्य करते हैं। कर्णपल्लवों का हाइपर ट्राइकोसिस यह लक्षण पिता के गुणसूत्र से संतान में पहुंचता है। इसमें कर्णपल्लव पर बड़े बड़े बाल उगाते हैं कान पर। अन्य अनुवांशिक रोग में टर्नर सिंड्रोम, क्लीन फेल्टर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, पटाऊ सिंड्रोम, माइलोजीनस ल्यूकीमिया, ये सभी अनुवांशिक रोग हैं, ठीक है, इन्हें अच्छे से याद रख लेना। अब है आपका जैव विकास। प्रारंभिक एवं निम्न कोटि के जीवों से क्रमिक परिवर्तनों द्वारा अधिक से अधिक जीवों की उत्पत्ति को जैव विकास हम लोग कह देते हैं। जैव विकास के निम्नलिखित प्रमाण हैं, क्या क्या हैं? ऐसे अंग जो रचना एवं उत्पत्ति में समान हों लेकिन कार्य में भिन्न हों समजात अंग कहलाते हैं, जैसे पक्षी हो गया, इसमें मेढक, मनुष्य के अग्रपाद, ठीक है। फिर है आपके ऐसे अंग जो रचना एवं उत्पत्ति में भिन्न हो लेकिन कार्य में समान हो, ये आपके समवर्ती अंग कहलाते हैं, जैसे कीटों एवं पक्षियों के पंख, उड़ने का काम होता है फिर चाहे कीटों के पंख हों या फिर पक्षियों के पंख हों, ठीक है। वे अंग जो पूर्वजों में कार्यशील थे लेकिन वर्तमान में कार्यविहीन हो गए अवशेषी अंग कहलाते हैं, जैसे कीवी हो गया, कीवी पक्षी के पंख तथा सर्पों के अल्पविकसित पाद, ये सभी इसी तरह के हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे इसी प्रकार मानव शरीर में 100 से भी अधिक अवशेषी अंग पाए जाते हैं, जैसे आपका निवेशक झिल्ली हो गया, कर्ण पल्लवों की पेशियाँ, पुच्छ कशेरुकाएँ, बर्मी फार्म, अपेंडिक्स, अकलदाड़, ये सभी इसी तरह के हैं। लैमार्कवाद के अंतर्गत लैमार्क ने 1809 में कब 1809 में फिलॉसफी जूलोनिक नामक पुस्तक में उपार्जित लक्षणों की वंशावृत्ति का सिद्धांत प्रस्तुत किया। इस सिद्धांत के अनुसार नई आदतों के कारण कुछ अंगों का प्रयोग बढ़ता है जिससे उनका अधिक विकास होता है तथा कुछ का घटता है, उनका ह्रास होता है, जिसे हम लोग उपार्जित लक्षण कहते हैं। क्या कहते हैं? उपार्जित लक्षण कहते हैं। यह उपार्जित लक्षण प्रजनन द्वारा नई पीढ़ी में चले जाते हैं। लैमार्क ने अपने सिद्धांत को समझाने के लिए जिराफ की गर्दन लंबी होने का उदाहरण दिया। परंतु 1886 में कब 1886 में बीज मान ने जनन द्रव्य की निरंतरता का सिद्धांत के द्वारा अपने प्रयोग में 21 पीढ़ियों द्वारा चूहों की पूंछ काटकर आपस में प्रजनन कराया, लेकिन किसी भी पीढ़ी में पूंछ विहीन चूहे उत्पन्न नहीं हुए। यानी कहने का मतलब है कि चूहे की पूंछ काटकर 21 पीढ़ियों तक उसने चूहों की पूंछ काटकर आपस में प्रजनन कराया, लेकिन किसी भी पीढ़ी में पूंछ बिना पूंछ का चूहा पैदा नहीं हुआ है। तो आप समझ रहे हैं कि चूहे की पूंछ पैदा ही हुई, यानी कि साथ में लगी रही। डार्विनवाद के अंतर्गत डार्विन के द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत को प्राकृतिक चयन का सिद्धांत कहा जाता है। डार्विन ने अपने विचार 1859 में द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में प्रकाशित किया। इनकी ये रचना है, यानी कि बुक्स है, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ये डार्विन की है, ठीक है। इसके अनुसार प्रकृति ऐसे व्यक्तियों को चुनती है जिनसे उपयोगी रूपांतरण होता है, वह जीवन संघर्ष में लाभ देता है। ऐसे जीन प्रजनन के द्वारा दूसरी पीढ़ी तक पहुँचते हैं जो धीरे धीरे नई जाति को जन्म देते हैं। हैकल ने बायोजेनेटिक नियम अथवा पुनरावृत्ति सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति वित में जाति वित की पुनरावृत्ति होती है, अर्थात जंतु अपनी भ्रूणावस्था में पूर्वजों की अवस्थाओं को दोहराते हैं। जीवों में अकस्मात कोई ऐसा लक्षण विकसित हो जाता है जो वर्तमान में जातीय लक्षण ना होकर किसी निम्न वर्गीय पूर्वज जाति का होता है,
जिसे प्रत्यावर्तन कहा जाता है। क्या कहते हैं? प्रत्यावर्तन। विकासवाद का सबसे आधुनिक सिद्धांत संश्लेषण सिद्धांत है। क्या है? संश्लेषण सिद्धांत है, जिसमें आधुनिक अनुवांशिकता का उपयोग किया गया है। उत्परिवर्तन, संयोजन, डी अभिगमन, अनुवांशिक प्रभाव, उपप्राकृतिक चयन आदि। अब है आपके पोषक पदार्थ। क्या है? पोषक पदार्थ जो जीवों में विभिन्न प्रकार के जैविक कार्यों को के संचालन और संपादन के लिए आवश्यक होते हैं, उसे हम लोग पोषक पदार्थ कहते हैं, न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, पोषक पदार्थ आपके चार प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? ऐसे पोषक पदार्थ जो ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। क्या? ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, वसा, कार्बोहाइड्रेट। इसमें कौन कौन है? वसा, कार्बोहाइड्रेट। ऐसे पोषक पदार्थ जो शरीर के विभिन्न उपापचयी क्रियाओं का नियंत्रण करते हैं, उसे हम लोग जैसे विटामिन हो गया, लवण हो गया, जल, ये सभी आते हैं। ऐसे पोषक पदार्थ जो शरीर की वृद्धि एवं शरीर की टूट फूट की मरम्मत का कार्य करते हैं, जैसे आपका प्रोटीन है। क्या है? प्रोटीन है। ऐसे पोषक पदार्थ जो अनुवांशिक गुण को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाते हैं, इन्हें हम लोग जैसे आपका न्यूक्लिक अम्ल हो गया। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए निम्नलिखित पोषक पदार्थों की आवश्यकता होती है, जैसे आपको कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, न्यूक्लिक अम्ल, खनिज लवण, जल, ये सभी आपके शरीर के स्वस्थ रखने के लिए जरूरी होता है। इसीलिए कहते हैं ना कि आप दाल खाते हैं, घी लेते हैं, घी भी, मक्खन भी जरूरी होता है, विटामिन के लिए आप विटामिन प्रोडक्ट्स भी लेते हैं, ठीक है, और जल आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। तो आपसे इसीलिए तो कहा जाता है कि सुबह उठिए 500 ग्राम से 1 लीटर तक आप लोग जल पी सकते हैं, अच्छा रहता है। कार्बोहाइड्रेट, रासायनिक दृष्टि से कार्बोहाइड्रेट जल अपघटन द्वारा पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या फिर कीटोन देते हैं। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के 1:2:1 के अनुपात से मिलकर बने कार्बनिक पदार्थ कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। शरीर की ऊर्जा की आवश्यकता की अधिकतम 50% मात्रा की पूर्ति इन्हीं पदार्थों के द्वारा होते हैं। किनके? इन्हीं के, कार्बोहाइड्रेट के। 1 ग्राम ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से 4.2 किलोग्राम कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार के होते हैं। मोनोसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट की सबसे सरल अवस्था है, जैसे आपका इसमें ग्लूकोज हो गया, गैलेक्टोज हो गया, मैनोज, ट्राइओज, ये सभी आते हैं। फिर आपका डाइसेकेराइड्स, ये समान या भिन्न मोनोसेकेराइड के 2 अणुओं के संयोजन से बनता है, जैसे माल्टोज हो गया, सुक्रोज हो गया, ग्लूकोज, ग्लूकोज फैक्टोज, सुक्रोज, ग्लूकोज, ग्लूकोज, माल्टोज, ग्लूकोज, 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 गैलेक्टोज, लैक्टोज में बदलता है। ठीक है, फिर तीसरा है आपका, दूसरा है पॉलीसेकेराइड मोनो। पॉलीसेकेराइड मोनोसेकेराइड के कई अणुओं से मिलकर बना होता है। ये जल अपघटन पर बहुत सारी मोनोसेकेराइड इकाइयाँ देता है, जैसे स्टार्च, ग्लाइकोजन, काइटीन। ग्लूकोज शरीर का ईंधन है। क्या है? ग्लूकोज शरीर का ईंधन है। फैक्टोज को फल शर्करा कहते हैं, जो सभी शर्कराओं में सबसे मीठी होती है तथा फलों में प्रचुर मात्रा में भी पाई जाती है। सुक्रोज की बात करें तो इसमें गन्ना, चुकंदर, माल्टोज में जैसे अनाज, लैक्टोज में आपका दूध आदि होता है। जब एक मोनोसेकेराइड तथा एक डाइसेकेराइड आपस में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड द्वारा जुड़ती है, तो पॉलीसेकेराइड का निर्माण होता है, जो निम्न है। कैसा? ग्लाइकोजन जंतुओं में, स्टार्च पौधों में, सेलुलोज पौधों में देखने को मिलेगा। अगर हम लोग कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख कार्यों की बात करें कि इसके आगे कार्य क्या क्या होते हैं, तो आप देख सकते हैं, न्यूक्लियक अम्लों का निर्माण करना, जंतुओं के बाह्य कंकाल का निर्माण करना, ऑक्सीकरण द्वारा शरीर की ऊर्जा की आवश्यकता को पूरा करना, शरीर में भोजन संचयन की तरह कार्य करना, विटामिन सी का निर्माण करना भी इसका काम है। कार्बोहाइड्रेट आप कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि किस इसके स्रोत क्या क्या हैं? गेहूँ, चावल, मक्का, बाजरा, आलू, शकरकंद, शलजम, शहद, चुकंदर, जैम, केला, आम, दूध, ये सभी आपके कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख स्रोत हैं। फिर आपका प्रोटीन। प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जे वर्जिलियस साहब ने किया था। यह अत्यंत जटिल एवं नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक है, जो 20 अमीनो अम्लों से मिलकर बना होता है। क्या? प्रोटीन। ऊर्जा उत्पादन एवं शरीर की मरम्मत दोनों कार्यों के लिए प्रोटीन आपका उत्तरदायी है। ठीक है, दोनों कार्यों के लिए। सोयाबीन और मूंगफली में बहुत अधिक मात्रा में आपका प्रोटीन पाया जाता है।
सोयाबीन और मूंगफली। इसीलिए आपने देखा होगा कि अगर आप मेहनत करते हैं तो आप क्या सोयाबीन और मूंगफली फलों को भी खाते रहते हैं। इसी में प्रोटीन यानी कि भिंगा के प्रोटीन कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन के अणु होते हैं। जो प्रोटीन होते हैं ये कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन इन चार तत्वों के अणु होते हैं, इनसे बने होते हैं। एक ग्राम प्रोटीन के जलने से 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है आपको। जब अमीनो अम्ल की श्रृंखला में कोई दूसरा समूह पेप्टाइड बंध द्वारा जुड़ जाता है को कंजुगेटेड प्रोटीन का निर्माण होता है, जैसे हीमोग्लोबिन, साइटोक्रोम, हेपेरिन, केरेटिन, म्यूसिन आदि। जब अमीनो अम्ल की श्रृंखला में एक से अधिक पदार्थ पेप्टाइड बंध द्वारा जुड़ता है तो जैसे इंसुलिन हो गया, फाइब्रिन हो गया आदि। प्रोटीन के निम्नलिखित प्रकार होते हैं, कौन कौन से हैं? सरल प्रोटीन, वे प्रोटीन जो केवल अमीनो अम्ल से बने होते हैं सरल प्रोटीन कहलाते हैं। इनमें कौन कौन आते हैं? एल्ब्यूमिन्स, ग्लोबोल्यूमिनस, हिस्टोन आदि। संयुग्मी प्रोटीन, वे प्रोटीन जिनके अणु के साथ समूह भी जुड़े रहते हैं संयुग्मी प्रोटीन कहलाते हैं, जैसे क्रोमोप्रोटीन, ग्लाइको प्रोटीन आदि। फिर आपके व्युत्पन्न प्रोटीन, वे प्रोटीन जो प्राकृतिक प्रोटीन के जलीय अपघटन से बनते हैं व्युत्पन्न प्रोटीन कहलाते हैं, जैसे प्रोटीअंश, पेप्टोन, पेप्टाइड आदि। अगर हम लोग प्रोटीन के महत्वपूर्ण कार्यों की बात करें कि इसके कार्य क्या क्या हैं, तो आप देखेंगे कि आवश्यकता पड़ने पर इस शरीर को ऊर्जा भी देते हैं। कौन? प्रोटीन। ये जैव उत्प्रेरक एवं जैविक नियंत्रण के रूप में कार्य करते हैं। ये कोशिकाओं, जैव द्रव और ऊतकों के निर्माण में भी भाग लेते हैं। ये शरीर शारीरिक वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं। इनकी कमी से शारीरिक विकास रुक जाता है। बच्चों में प्रोटीन की कमी से आपकी क्वासी और कर और मरा इस्मस नामक रोग हो जाता है, तथा प्रोटीन के गलत कुंडलन से बनने वाले फ्रायोन्स कर से भेड़ बकरी स्केपी रोग तथा मानव में क्रू तथा क्रूज फेल्ट जिकोब रोग भी होता है। ये आपके सम्मान में भी सहायता करते हैं। कौन? प्रोटीन। अनुवांशिक की लक्षणों के विकास का नियंत्रण भी करते हैं। प्रोटीन के अगर स्रोतों की बात करें कि हमें प्रोटीन कहाँ से मिल सकता है, तो दाल, मछली, अंडा, पत्तीदार सब्जी, दूध, फल, सोयाबीन, पनीर, दही, ये सभी आपके प्रोटीन के प्रमुख स्रोत हैं। ठीक है, अब आपके प्रोटीन पोषक तत्वों की दैनिक आवश्यकता की बात करें तो इस श्रेणी हो गया प्रोटीन हो गया, वसा हो गया, कैलोरी हो गया। जैसे पुरुष साधारण क्रियाशील, इसे प्रोटीन 60 ग्राम, वसा 15 ग्राम, कैलोरी की कितने कैलोरी की जरूरत होती? 2350। पुरुष अधिक क्रियाशील यानी कि अधिक मेहनती, इसमें 60 ग्राम आपका प्रोटीन हो गया और 15 ग्राम वसा हो गया, 2700 कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। महिला साधारण क्रियाशील, इसमें 50 ग्राम प्रोटीन, 15 ग्राम वसा, 1800 कैलोरी की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन जो अधिक मेहनती महिला होती है उसे 50 ग्राम प्रोटीन, 15 ग्राम वसा, दैनिक की बात कर रहा हूँ डेली, 2100 के करीब कैलोरी की आवश्यकता पड़ती है। लड़का जो 13 से 15 वर्ष का होगा, इसे 71% प्रोटीन, 15% आपका वसा और 2400 कैलोरी की आवश्यकता पड़ती है। लड़की की अगर बात करें तो 13 से 15 वर्ष की आयु में तो 67 ग्राम प्रोटीन, 15 ग्राम वसा और 2050 कैलोरी की आवश्यकता, ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी। फिर आपका वसा यानी कि फैट्स, रासायनिक दृष्टि से वसा ग्लिसरॉल एवं वसीय अम्ल का एक एस्टर है। वसा आपके दो प्रकार के होते हैं, एक आपका संतृप्त वसा जंतुओं एवं जंतुओं से बने उत्पादों से प्राप्त होता है, जैसे डालडा, घी, देसी घी, ये सभी संतृप्त वसा होते हैं। असंतृप्त वसा वनस्पति एवं वनस्पति से बने उत्पाद से प्राप्त होता है, जैसे आपने देखा होगा रिफाइंड तेल। कौन सा? रिफाइंड तेल। इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन की विभिन्न मात्राएं उपस्थित होती हैं। वसा सामान्यतः 20 डिग्री सेल्सियस ताप पर ठोस अवस्था में होते हैं, परंतु यदि वे इस ताप पर द्रव अवस्था में हैं तो उन्हें हम लोग तेल कह देते हैं। क्या कह देते हैं? तेल। वसा अम्ल दो प्रकार के होते हैं, एक संतृप्त और दूसरा असंतृप्त। असंतृप्त वसा अम्ल मछली के तेल और वनस्पति तेलों में मिलते हैं। केवल नारियल का तेल और ताड़ का तेल संतृप्त यानी कि पाल्म ऑयल के उदाहरण। 1 ग्राम वसा के से 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है। शरीर में इनका संश्लेषण माइटो
माइटोकांड्रिया द्वारा होता है। किसके? माइटोकांड्रिया। अगर हम लोग वसा के मुख्य कार्यों की बात करें कि इसके कार्य क्या क्या है, तो यह खाद्य पदार्थों में स्वाद उत्पन्न करती है और आहार को रुचिकर बनाती है। यह शरीर के विभिन्न अंगों को चोटों से बचाती है। यह शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है। यह त्वचा के नीचे जमा होकर शरीर के ताप को बाहर नहीं निकलने देती है। वसा की कमी से त्वचा रुखी हो जाती है, वजन में कमी आती है और शरीर का विकास रुक जाता है। वसा की अधिकता में शरीर स्थूल हो जाता है, हृदय की बीमारी होती है एवं रक्तचाप भी बढ़ जाता है। अगर हम लोग वसा के प्रमुख स्रोतों की, यानी कि अगर वसा की कमी है तो कहाँ से लेंगे आप वसा? मछली का तेल, घी, वनस्पति का तेल, खजूर का तेल, जंतु वसा, मक्खन, बादाम, नारियल आदि से। फिर चलते हैं आप लोग विटामिन। विटामिन का आविष्कार फंक साहब ने किया था। कब? ये 1911 की बात है। यह एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है जिनकी बहुत ही कम मात्रा में आवश्यकता होती है। इनसे कोई कैलोरी प्राप्त नहीं होती, यानी कि कोई ऊर्जा प्राप्त नहीं होती, परंतु ये शारीरिक उपापचय में रासायनिक प्रतिक्रियाओं के नियम के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं। इसे हम लोग रक्षात्मक पदार्थ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रक्षात्मक पदार्थ भी कहते हैं। विलेयता या फिर घुलनशीलता के आधार पर विटामिन दो प्रकार के होते हैं। जल में घुलनशील विटामिन, जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? विटामिन बी और विटामिन सी। अगर वसा यानी कि कार्बनिक घोलकों में घुलनशील की बात करें तो इसमें विटामिन ए, डी, ई के शामिल हैं। ये भी आपसे कई बार बन चुका है। जल में घुलनशील विटामिन के बारे में पूछ लेता है, बी सी है, और वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई के हैं। ठीक है, चलते हैं आगे हम लोग। विटामिन B1, B2, B3, B4, B5 और B6 ऊर्जा संबंधित विटामिन है। क्या है? ऊर्जा संबंधित विटामिन है। B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। विटामिन B9 तथा B12 रक्त संबंधी विटामिन है। हमारे शरीर की कोशिकाओं द्वारा नहीं हो सकता है, इसकी पूर्ति विटामिन युक्त भोजन से होती है। तथापि विटामिन डी और के का संश्लेषण हमारे शरीर में होता है। किसका? डी और के का। सूर्य के प्रकाश में उपस्थित पराबैंगनी किरणों द्वारा त्वचा की कोलेस्ट्रॉल एर्गिस्ट्रॉल द्वारा विटामिन बी का संश्लेषण होता है। यानी कि हमें विटामिन डी सूर्य से भी प्राप्त होता है। किससे? सूर्य से भी। जीवाणुओं द्वारा हमारे कोलन में विटामिन के संश्लेषित होता है, वहाँ से उसका अवशोषण भी होता है। फिर आपका न्यूक्लिक अम्ल, एक कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस से बने न्यूक्लियोटाइड के बहुलक हैं, जो अल्प मात्रा में हमारी कोशिकाओं में DNA और RNA के रूप में पाए जाते हैं। अगर इनके कार्यों की हम लोग बात करें तो एक क्रोमेटिन जाल का निर्माण करते हैं, अनुवांशिक गुणों को ए पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाते हैं और एंजाइम्स के निर्माण एवं प्रोटीन संश्लेषण के लिए संश्लेषण का नियंत्रण भी करते हैं। फिर आते जाते हैं आपके मिनरल्स, खनिज। खनिज, आयरन की कमी हो जाए समझते हैं तो आप पालक और खाइए, ऐसा नहीं कि एक दो कील उठा के खा लिए, लोहे के एक दो टुकड़े खा लिए, आयरन की पूर्ति हो गई। ठीक है, खनिज अकार्बनिक पदार्थ हैं जो शरीर के कुल भाग का 4-5% तक होता है। मनुष्य खनिज भूमि से प्राप्त ना करके भोजन के रूप में ग्रहण करता है। ये शरीर की उपापचय क्रियाओं को नियंत्रित भी करते हैं। कौन? खनिज। इस प्रकार शरीर को कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, क्लोरीन, सल्फर, इस तरह से एपिफेरिक ऑक्साइड, जिंक, MnMoSiCoF(II) आदि खनिजों की आवश्यकता पड़ती रहती है। मनुष्य शरीर में कुल 29 प्रकार के खनिज की आवश्यकता होती है। आपको कितने? 29, जैसे यहाँ दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। मानव शरीर में लगभग 36 तत्व भाग लेते हैं। इनमें मुख्य है ऑक्सीजन 65%, के कार्बन आपका 18%, हाइड्रोजन आपका 10%, नाइट्रोजन N2 3%, फास्फोरस 0.1%, पोटेशियम 0.35%, कैल्शियम आपका 2%, सल्फर आपका 0.15, क्लोरीन 0.15%, सोडियम 0.05%, आयरन 0.0004%। फिर आता है जल, ये भी आपका सबसे महत्वपूर्ण है।
जल एक कार्बनिक पदार्थ है। जल हमारे शरीर का प्रमुख अवयव है। शरीर के भाग का 65 से 75% भाग जल का है। किसका है? जल का है। तो आप समझ सकते हैं जल का कितना बड़ा महत्व है हमारे लिए। जल के प्रमुख कार्यों की बात करें तो शरीर में होने वाली अधिकतर जैव रासायनिक अभिक्रियाएं जलीय माध्यम से संपन्न होती हैं। जल हमारे शरीर के ताप को स्वेदन यानी कि पसीना और वाष्पन द्वारा नियंत्रित करता है। शरीर के अपशिष्ट पदार्थों के उत्सर्जन का महत्वपूर्ण माध्यम आपका जल ही है। इसके अलावा हमारे शरीर को रुक्ष अक्ष अंश की ज़रूरत पड़ती है, जैसे दलिया, सलाद, सब्जियां, फल, जिसमें छिलका और रेशा अधिक होता है। पीने के पानी में आर्सेनिक विष के कारण केराटोसिस नामक बीमारी भी देखने को मिलती है। फल एवं सब्जियों के सेलुलोज हमारे आहार का अपाच्य भाग है, यानी कि पचाने योग्य भाग नहीं होता है, परंतु पाचन के लिए उत्तम है और आंत की गति में सहायक भी होते हैं। संतुलित पोषण, वह पोषण जिसमें जीव के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हों, संतुलित भोजन कहलाता है। संतुलित पोषण कहते हैं, आजकल दूध को संतुलित आहार नहीं माना जाता है क्योंकि इसमें आयरन और विटामिन सी का अभाव देखा जाता है। संतुलित आहार की बात करें तो खाद्य पदार्थ प्रतिदिन भोजन में मात्रा, चावल, गेहूं, मक्का 475 ग्राम, आलू, गाजर, मूली और अन्य सब्जियां 150 ग्राम, हरी सब्जी 125 ग्राम, दूध 100 ग्राम, दाल 65 ग्राम, मांस मछली 50 ग्राम, घी तेल 40 ग्राम, चीनी या गुड़ 40 ग्राम, अंडा 30 ग्राम और फल 30 ग्राम। ये आपका संतुलित आहार है, बैलेंस डाइट। कार्य के अनुसार ऊर्जा की बात करें हम लोग, अलग अलग समय पर अलग अलग ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। मानव शरीर के प्रति 1 किलोग्राम भार के लिए प्रयुक्त ऊर्जा, सोने में 4600 जूल प्रति घंटा, बैठे रहने में 6500 जूल प्रति घंटा, खड़े रहने में 8300 जूल प्रति घंटा, धीरे धीरे चलने में 1400 जूल प्रति घंटा, कठिन व्यायाम करने में 2300 जूल प्रति घंटा, साधारण व्यायाम करने में 16500 जूल प्रति घंटा और बैठे बैठे हाथों से काम करने में 7400 जूल प्रति घंटा ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। फिर चलते हैं हम लोग हेलमिंथस द्वारा होने वाली बीमारी, फाइलेरिया, बैंक्रोफेटाई नामक कृमि से होता है फाइलेरिया। इस कृमि का संचारण क्यूलेक्स मच्छरों के दंश से होता है। इस रोग में पैरों, वृषण कोषों तथा शरीर के अन्य भागों में सूजन हो जाती है। यह रोग को हाथी पांव भी कहते हैं। हाथी पांव आप लोग सुनते रहते हैं, हाथी पांव रोग। अतिसाय, रोग का कारण आंत में मौजूद एस्केरिस लोम्ब्रिकोइडीज नामक अंतःपरजीवी प्रोटोजुआ हैं जो घरेलू मक्खी द्वारा प्रसारित होते हैं। इसमें आंत में घाव हो जाता है। इसमें प्रोटीन पचाना वाला एंजाइम टैप्सिन नष्ट हो जाता है। यह रोग बच्चों में अधिक देखने को मिलता है। किसमें? बच्चों में। फिर आपका कवक या फफूंद द्वारा होने वाली बीमारी, खाज रोग एके रस इसकी बीज नामक कवक से होता है। इसमें त्वचा में खुजली होती है तथा सफ़ेद दाग पड़ जाते हैं। गंजापन रोग टेनिया कोपेटिक्स नामक कवक से होता है। इसमें सिर के बाल गिर जाते हैं। दाद रोग ट्राइकोफाइटान लेरुकोसम नामक कवक से फैलता है। यह संक्रामक रोग है। इसमें त्वचा पर लाल रंग के गोले पड़ जाते हैं। दमा रोग में मनुष्य के फेफड़ों में एस्परजिलस क्यूमेगेट्स नामक कवक के स्पोर पहुंचकर वहां जाल बनाकर फेफड़े का काम अवरुद्ध कर देते हैं। यह एक संक्रामक रोग है। कैसा है? संक्रामक। गठिया रोग शरीर के जोड़ों में यूरिक अम्ल के जमाव से होता है। गठिया रोग MRI यानी चुंबकीय रेजोनेंस चित्रीकरण तकनीक में चुंबकीय क्षेत्र और रेडियो तरंगों का प्रयोग कर शरीर के भीतर अंगों की विस्तृत तस्वीर ली जाती है। BMD परीक्षण ऑस्टियोपोरोसिस रोग अस्थिरंधता की पहचान के लिए किया जाता है। BMD परीक्षण ऑस्टियोपोरोसिस हड्डी का एक रोग है।
जिसमें फ्रैक्चर का खतरा बढ़ जाता है। किसका? फ्रैक्चर का खतरा बढ़ जाता है। स्त्रोक में अस्थि खनिज कम हो जाता है तथा अति सूक्ष्म संरचना नष्ट हो जाती है। एथलीट फुट एरोक्टेनिया पेडिस नामक कवक से होता है। यह त्वचा का संक्रामक रोग है जो पैरों की त्वचा के फटने, कटने और मोटे होने से होता है। मनुष्य में होने वाले अनुवांशिक रोगों की बात करें, वैसे हम लोग देख चुके हैं पीछे भी, हीमोफीलिया, यह रोग लिंग संलग्न अप्रभावी जीन द्वारा होता है। इस रोग में रक्त स्कंदन नहीं होता है, यानी कि रक्त नहीं जमता है, रोगी मर भी सकता है इसमें। यह मुख्यतः पुरुषों में होता है, स्त्रियों में यह रोग तभी होता है जब इसमें दोनों गुणसूत्र जो XX से प्रभावित हों। इस रोग की वाहक स्त्रियां होती हैं। वर्णांधता कलर ब्लाइंडनेस, इस रोगी को लाल और हरा रंग पहचानने की क्षमता नहीं होती इस रोगी में। इस रोग से मुख्यतः रूप से पुरुष प्रभावित होता है, स्त्रियों में यह तभी होता है जब इसके दोनों गुणसूत्र XX प्रभावित हों। इस रोग की वाहक भी आपकी स्त्रियां ही होती हैं। फिर आपका टर्नर सिंड्रोम, यह रोग एक्स गुणसूत्र की कमी से होता है, यह रोग स्त्रियों में होता है। इस रोग से ग्रसित स्त्रियों में गुणसूत्रों की संख्या 45 होती है। इसमें शारीरिक अल्पविकसित कद छोटा वक्ष चपटा होता है। जनन अंग प्राविकसित होते हैं जिससे वांझ हो सकती हैं हो जाती हैं। फिर आपका क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम, यह रोग पुरुषों में होता है जिनमें एक अतिरिक्त एक्स गुणसूत्र होता है। इस रोग से ग्रसित पुरुष में गुणसूत्रों की संख्या 47 होती है। इसमें पुरुष का वृषण अल्पविकसित एवं स्तन स्त्रियों के समान विकसित हो जाते हैं। यह है, इस रोग से ग्रसित पुरुष नपुंसक होता है। कैसा? नपुंसक। ये आपके भोज पदार्थों में उनकी प्राप्ति के स्रोत, उनका महत्व बताया जा रहा है। ये आपके पोषक पदार्थ हो गए, रासायनिक पदार्थ हो गया, जैविक प्राप्ति के स्रोत, वनस्पति प्राप्ति के स्रोत, इनका जो महत्व है उसकी बात की जाए। सबसे पहले आपका कार्बोहाइड्रेट, इसका रासायनिक पदार्थ क्या है? C6H12O6, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन इसमें शामिल रहता है। जैविक प्राप्ति के स्रोतों की बात करें तो ये शहद और दूध से प्राप्त हो सकता है। और वनस्पति अगर प्राप्ति की बात करें तो चावल, गेहूँ, मक्का, चीनी, चुकंदर, आलू, खजूर। इसका काम क्या है? ऊष्मा एवं शक्ति मिलती है इससे। प्रोटीन, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन फॉस्फोरस इसमें रहता है। यह आपका दूध, मांस, मछली एवं अंडा से प्राप्त हो सकता है। या फिर हम लोग वनस्पति प्राप्ति स्रोत की बात करें तो सभी दलहन है, जैसे अरहर, चना, मसूर, गेहूँ, जौ, बादाम, सोयाबीन में सबसे अधिक प्रोटीन मिलता है। इनमें शरीर की नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। वसा C6H12O6, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन इसमें शामिल रहता है। जैविक प्राप्ति के स्रोत की बात करें तो दूध, घी, मक्खन, मांस, मछली। और अगर हम लोग वनस्पति प्राप्ति के स्रोत की बात करें तो सभी तिलहनी पौधे जिनमें सरसों, बादाम, राई शामिल है। इनका क्या महत्व है? इनसे भी शरीर को ऊष्मा ही प्राप्त होती है। विटामिन ए, इसे हम लोग रासायनिक नाम इसका है क्या? रेटिनॉल याद रखिए। ये आपका अंडा, मछली, दूध एवं मक्खन से प्राप्त हो सकता है। या फिर वनस्पति प्राप्त के स्रोत बात करें तो हम लोग गाजर, टमाटर, पका आम से भी प्राप्त होता है। यह आपका कैंसर रोधी विटामिन है। इसकी कमी से रतौंधी एवं ऑप्थेलीमिया रोग भी होता है। यह आपका क्वेश्चन कई बार बन चुका है कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी, या रतौंधी रोग किसकी कमी से होता है? तो याद रखिए, विटामिन ए की कमी से। फिर आपका विटामिन B1, इसीलिए आप लोग थायमिन के नाम से भी जानते हैं। ये आपका जैविक प्राप्ति के स्रोत बात करें तो अंडा और मांस से प्राप्त हो सकता है। और अगर हम लोग वनस्पति प्राप्ति की बात करें तो चना, बादाम और हरी सब्जियों से प्राप्त होता है। इसकी कमी से बेरी नामक रोग भी देखने को मिलता है। विटामिन B2, इसे राइबोफ्लेविन कहते हैं, दूध, अंडा से प्राप्त हो सकता है। या फिर वनस्पति स्रोतों की बात करें तो गाजर, हरी सब्जियों से। इसकी कमी से आपका बौनापन होता है। क्या होता है? बौनापन। विटामिन B3, पेंटोथेनिक अम्ल, यह मांस मछली से भी प्राप्त हो सकता है, चुकंदर, मटर और ईस्ट से भी प्राप्त हो सकता है। बदहजमी होती है इसकी कमी से। विटामिन B5, निकोटिनेमाइड या फिर नियासिन भी कहते हैं, यह आपका मांस मछली से भी प्राप्त हो सकता है और हरी सब्जियों और मटर से भी प्राप्त हो सकता है।
इसकी कमी से पेलाग्रा नामक रोग होता है। विटामिन B6 पायरिडोक्सिन भी कहते हैं, ये मांस और अंडा से भी प्राप्त हो सकता है। ये हरी सब्जियों और अंकुरित अनाज से भी प्राप्त हो सकता है। इसकी कमी से चर्म रोग होता है। विटामिन B7 या फिर H, इसे वायोटिन भी कहते हैं, अंडा और यकृत से भी प्राप्त हो सकता है और हरी सब्जियों से भी प्राप्त हो सकता है। चरम रोग इससे होता है। विटामिन B11 या फिर M, फॉलिक एसिड, मांस एवं यकृत से भी प्राप्त हो सकता है, हरी सब्जियों से भी। आरक्तता इससे होता है, यानी कि इसकी कमी से आरक्तता रोग होता है। विटामिन B12 साइनोकोबालामिन, ये मांस कलजी दूध से प्राप्त हो सकता है और इससे कमी से आरक्तता होती है। विटामिन सी स्कर्बिक एसिड, याका नारंगी नींबू आंवला मिर्च पपीता और हरी सब्जियों से प्राप्त होता है विटामिन सी, इसका भी इससे होता है, स्कर्वी रोग इससे हो जाता है इसकी कमी से। फिर आपका विटामिन डी, इसे आप कैल्सीफेरॉल के नाम से भी जानते हैं, रासायनिक पदार्थ में रहता है। ये आपका दूध, अंडा, मछली, कोई भी मछली हो उसे प्राप्त कर सकते हैं। और वनस्पति यानी कि प्राकृतिक रूप से बात करें तो सूर का पिकास है, इसमें भी आपका विटामिन डी आपको मिलता है, ठीक है। रैकेट्स, इससे रोग कौन सा होता है? रैकेट्स, यार याद रखिए, विटामिन डी की कमी हो जाए फिर सूर के सामने 24 घंटे खड़े ऐसा मत करिएगा। सुबह से 2-4 10 मिनट के लिए ले लिया करिएगा डेली, ऐसा नहीं कि एक दिन मालूम चला कि दिन भर धूप में खड़े रहे। विटामिन ई टोकोफेरॉल, और ये आपकी हरी सब्जियों से प्राप्त होता है, अगर इसकी कमी है तो वांझपन देखने को मिलेगा। विटामिन के फिलोक्विनोन, ये मछली मांस मछली और अंडा से देखने को मिलेगा, प्राप्त सकता है और हरी सब्जियों से भी प्राप्त कर सकते हैं। रक्त जमने में परेशानी होती है, अगर इसकी कमी है तो रक्त जमने में परेशानी होगी। फिर आपका कैल्शियम CA, ये आपका दूध, दही, मक्खन एवं अंडा से भी प्राप्त हो सकता है और हरी सब्जियों से भी प्राप्त कर सकते हैं। हड्डियों एवं दांतों का निर्माण इसी से होता है। फास्फोरस, ये आपका दूध, दही, मक्खन, अंडा, मांस से प्राप्त कर सकते हैं। प्याज से भी आपको फास्फोरस देखने को मिलेगा। हड्डियों और दांतों का निर्माण इसी से होता है। सोडियम, ये नमक और अन्य खाद्य पदार्थों से भी हमें प्राप्त हो सकता है। हृदय की धड़कन को संतुलित करना इसका काम होता है। क्लोरीन, समुद्री जल में से प्राप्त हो सकता है। आयोडीन, समुद्री मछली और समुद्री घास से प्राप्त हो सकता है। इसका महत्व की बात करें अगर हम लोग, थायरोक्सिन का निर्माण, इसकी कमी से ग्वाटर गल गंड रोग होता है, जो आपने देखा होगा गले की कई लोगों की जांघा उठ जाती है गलगंड, तो यही रोग होता है। लोहा, ये आपका मांस और मछली से भी प्राप्त हो सकता है, हरी सब्जियों से भी लोहा यानी कि आयरन प्राप्त हो सकता है। हीमोग्लोबिन का निर्माण और इसकी कमी से आरक्तता एनीमिया रोग होता है। फिर आपका जस्ता, ये आपका यकृत और मछलियों से प्राप्त हो सकता है। इंसुलिन के निर्माण के लिए उत्तरदायी। कोबाल्ट, ये मांस मछली से प्राप्त होता है, जल से भी। RBC तथा B12 प्रोटीन का संश्लेषण करता है। तांबा, मांस मछली यकृत अनाज से भी प्राप्त हो सकता है। हीमोग्लोबिन अस्थियों का निर्माण इसका काम है। मैग्नेशियम MG, ये आपके सब्जियों से प्राप्त होता है, पेशी तथा तंत्रिका तंत्र की क्रिया हेतु आवश्यक है। विटामिन बी और विटामिन सी जल में तथा विटामिन ADE के वसा में घुलनशील होते हैं, पहले भी बात कर चुके हैं इसके बारे में। ये हैं आपके क्या है, विटामिन और उनके स्रोत, प्रमुख स्रोत हो गए, कार्य हो गए, न्यूनता के लक्षण और रोग, ठीक है। वैसे भी हम पीछे भी देख चुके हैं इसके बारे में, फिर भी आप देख लीजिए। विटामिन B1, इसे आप लोग क्या कहते हैं, थायमिन, 1-2 ग्राम प्रतिदिन आवश्यकता इसकी होती है। ये आपके अनाजों के अंकुर, ऊपरी छिलके में खमीर, अंडा, दूध, गोभी, केला, मूंगफली, मांस आदि से प्राप्त होते हैं। इसकी शारीरिक क्रिया का प्रभाव की बात करें तो स्नायविक स्थिरता, कार्बोहाइड्रेट और वसा का अपचय इसका प्रभाव। इसकी न्यूनता के प्रभाव जो रोग होते हैं उसकी बात करें तो दुर्बलता, मांसपेशियों में छिड़ता, बेरी और हृदय दुर्बलता और स्नायविक कमजोरी देखने को मिलेगी इसकी कमी से। विटामिन B2, इसे आप राइबोफ्लेविन भी कहते हैं, विटामिन G भी कहते हैं इसे,
इसकी प्रतिदिन आवश्यकता होती 1 से 6 मिलीग्राम प्रतिदिन। ये आपका पनीर, अंडा, खमीर, हरी सब्जियों, मांस, दूध, कलेजी आदि से प्राप्त कर सकते हैं। इसके शारीरिक क्रिया के प्रभाव की बात करें तो वृद्धि, स्वास्थ्यवर्धक उपापचय में महत्वपूर्ण एफ ए डी का घटक है। इसकी न्यूनता से यानी कि कमी से अगर रोगों की बात करें हम लोग तो मुख के कोरों का फट जाना, छीड़ पाचन शक्ति, त्वचा और आँख में जलन, सिरदर्द, दिमागी थकावट, कमजोरी, स्मृति, नशिका द्वार पर पपड़ी जमना आदि इसके रोग हैं। विटामिन B3 पेंटोथेनिक अम्ल कहते हैं जिसे, ये आपका 1 से 2 मिलीग्राम प्रतिदिन इसकी आवश्यकता होती है। ये आप खमीर, कलेजी, अंडा, विटामिन ए और विटामिन ए का घटक मांस, दूध, मूंगफली, गन्ना, टमाटर आदि से भी प्राप्त कर सकते हैं। उपापचय में सहवृद्धि और बाल सफ़ेद और प्रजनन क्षमता में कम होना, इसका शारीरिक क्रिया पर प्रभाव की बात कर रहा हूँ। और इसकी कमी से आपका त्वचा रोग होता है, क्या होता है, त्वचा रोग। फिर आपका विटामिन B5 इसे निकोटिनिक कहते हैं, निकोटिनिक अम्ल या फिर नियासिन या फिर विटामिन PP कहते हैं इसे, 1 से 2 मिलीग्राम प्रतिदिन इसकी आवश्यकता होती है। आप ताज़ा मांस, कलेजी, मछली, अनाज, दानेदार, खमीर से भी प्राप्त कर सकते हैं। उपापचय में सहायक NAD का घटक है, इसकी कमी से त्वचा में जलन, एंजाइम प्लाग गया, जीव और त्वचा पर दाने तथा पपड़ियाँ, निम्न पाचन शक्ति, तंत्रिका तंत्र में दुर्बलता तथा पागलपन इसकी वजह से होता है। विटामिन B6 थायरोडोक्सिन भी कहते हैं इसे, ये आपका 10 मिलीग्राम प्रतिदिन इसकी आवश्यकता होती है आपको। ये आप प्राप्त कर सकते हैं दूध, खमीर, कलेजी, मांस और अनाज आदि से। प्रोटीन और अमीनो अम्ल के रोग उपापचय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। रक्त क्षीणता, एनामिया, त्वचा रोग, पेशीय एटन इसकी कमी से रोग होता है। फॉलिक अम्ल, इसका दैनिक प्रतिदिन आवश्यकता कितनी होती है, 5 मिलीग्राम। ये आपकी हरी पत्तियों, कलेजी, सोयाबीन, खमीर से प्राप्त कर सकते हैं। वृद्धि रोधियाणुओं का निर्माण DNA का संश्लेषण होता है। इसकी कमी से मंदबुद्धि, त्वचा रोग और रक्त क्षीणता होता है। उसके बाद बात करें विटामिन H या जिसे आप लोग बायोटिन भी कहते हैं, ये आपका दैनिक इसकी आवश्यकता होती है 1 से 2 मिलीग्राम। यह आप खमीर, गेहूँ, अंडा, मूंगफली, चॉकलेट, सब्जी, फल आदि से प्राप्त कर सकते हैं। शारीरिक क्रिया के प्रभाव की बात करें तो वसी अम्लों का संश्लेषण तथा ऊर्जा उत्पादन में महत्वपूर्ण है। बालों का झड़ना, त्वचा रोग, दुर्बलता, इसकी न्यूनता यानी कि इसकी कमी के कारण रोग होते हैं। फिर आपका विटामिन B12 या फिर इसे आप लोग कोबालामिन कहते हैं, 1 से 2 मिलीग्राम प्रतिदिन आवश्यकता होती है। मांस, मछली, कलेजी, अंडा, दूध, पनीर आदि से इसे प्राप्त कर सकते हैं। शारीरिक क्रियाओं पर प्रभाव की बात करें तो अनेक उपापचय अभिक्रियाओं में तथा न्यूक्लियो प्रोटीन्स और रुधिराणु के निर्माण में महत्वपूर्ण होता है। इसकी कमी से आपका रक्त क्षीणता, मंदबुद्धि होती है। विटामिन सी स्कर्विक अम्ल, इसे आपका 50 मिलीग्राम प्रतिदिन आवश्यकता होती है। यह आपका संतरा, मौसमी टमाटर, हरी सब्जियां और आलू और फल से प्राप्त कर सकते हैं। इसका शारीरिक क्रिया पर प्रभाव पड़ता है, प्रतिरक्षा, इम्यूनिटी, घावों के भरने में सहायक, विकास, कोलेजन, वस्तुओं, दांतों एवं किडेंटीन और मसूड़ों को स्वस्थ रखता है। इसकी कमी से इसका भी मसूड़ों से रक्त बहना, आंतरिक रक्तस्राव भी होता है। ये आपका अधिक बार पूछता है स्कर्वी रोग किसकी कमी से होता है, विटामिन सी की कमी से। ये आपके जल में घुलनशील विटामिन थे, अब वसा में घुलनशील विटामिन की बात करें तो ADE के है। विटामिन ई की बात करते हैं, विटामिन ए, इसे आप रेटिनॉल भी कहते हैं। ये आपका प्रतिदिन 300 से 400 आयु प्रतिदिन जरूरी होती है। ये दूध, मक्खन, अंडा, कलेजी, मछली का तेल, गाजर से प्राप्त होता है। शरीर की बात करें इस पर क्या प्रभाव पड़ता है, दृष्टि, रंगों का संश्लेषण, एपिथिलियम स्तरों में वृद्धि और विकास। इसकी कमी से कॉर्निया एवं त्वचा की कोशिकाओं का सल्कदी भवन और रतौंधी अधिक बार क्वेश्चन पूछा जाता है। विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है। विटामिन डी कैल्सीफेरॉल, ये 400 AU प्रतिदिन जरूरत पड़ती है इसकी। मक्खन, कलेजी, अंडे की जर्दी, मछली का तेल, सूर्य प्रकाश से त्वचा में संश्लेषण हो सकता है। कैल्शियम, फॉस्फोरस, जटिल कार्बोहाइड्रेट वसाओं उपापचय में महत्वपूर्ण है। हड्डियों और दांतों
में वृद्धि में भी इसका उपयोग इसकी शरीर पर प्रभाव पड़ता है। सूखा रोग जिसे आप लोग रिकेट्स कहते हैं, ये इसकी कमी से होता है। ऑस्टियो मेलासिया भी इसकी कमी से होता है। विटामिन ई जिसे आप लोग टोकोफेरोल कहते हैं, विटामिन ई आपको हरी सब्जियों, अंडे की जर्दी, दूध मक्खन आदि से प्राप्त हो सकता है। जन्निक एपिथिलियम की वृद्धि, पेशियों की क्रियाशीलता, प्रजनन क्षमता की कमी और पेशियां कमजोर होती हैं। विटामिन के या फिर नेपथाक्विनोन यह आपकी हरी सब्जियों और टमाटर, कलेजी, अंडा, पनीर, दूध आदि से प्राप्त होता है। यकृत में प्रोथंबिन का निर्माण होता है और इसकी कमी से रक्त का धक्का नहीं जमता है। ठीक है, अब मानव शरीर में होने वाले विभिन्न रोगों के कारणों की बात करें हम लोग और निदान इनके जीवाणु द्वारा देखते हैं। सबसे पहले ये आपके बैक्टीरिया द्वारा होने वाले रोग हैं। ये आपके रोग का नाम हो गया, रोगाणु का नाम हो गया, प्रभावित अंग हो गया, लक्षण हो गया, उपचार हो गया इसका। हैजा यह आपके विब्रियो कॉलेरी नामक जीवाणु रोगाणु द्वारा होता है, पाचन तंत्र इससे प्रभावित अंग है। इसके लक्षण की बात करें तो उल्टी, दस्त, शरीर में ऐठन, डिहाइड्रेशन होता है। उपचार की बात करें तो सफाई, टीकाकरण, एंटीबायोटिक दवाओं का सेवन इसके उपचार हैं। क्षय रोग टीबी, ट्यूबरक्लोसिस ये आपका माइक्रो बैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से होता है, फेफड़ा इससे प्रभावित अंग है। खांसी, बुखार, छाती में दर्द, खकारे में रक्त का आना इत्यादि इसके लक्षण हैं। BCG का टीकाकरण और एंटीबायोटिक दवाओं का सेवन से इसे ठीक किया जा सकता है। फिर आपकी कुकर खांसी या आपकी बॉडी डेटेला पर्टूसिस से होता है, रोग का रोगाणु का नाम है। इसे प्रभावित अंग है आपका फेफड़ा। बार बार खांसी का दोहराना इसका प्रमुख लक्षण है, दवाओं के सेवन से इसे ठीक किया जा सकता है। न्यूमोनिया या आपके डिप्लोकोकल न्यूमोनी रोगाणु से होता है, फेफड़े से प्रभावित अंग है। छाती में दर्द और श्वासोच्छवाद में परेशानी होती है सांस लेने में, एंटीबायोटिक दवाओं का सेवन से ये ठीक हो सकता है। ब्रोंकाइटिस ये जीवाणु से होता है, श्वसन तंत्र से प्रभावित अंग है। छाती में दर्द, सांस लेने में परेशानी होती है, इसे एंटीबायोटिक दवाओं के सेवन से इसे ठीक किया जा सकता है। फिलोरेसी ये जीवाणु से होता है, फेफड़ा इसे प्रभावित अंग है। छाती में दर्द और सांस लेने में परेशानी और बुखार के लक्षण, एंटीबायोटिक दवाओं से इसे भी सही किया जा सकता है। फ्लैग पास्टोरिला पेस्टिस रोगाणु है, लिम्फ ग्रंथियाँ इससे प्रभावित होती हैं। शरीर में दर्द, उच्च बुखार, आँखों का लाल होना तथा गिल्टी लिम्फ ग्रंथियों में निकलना इसका लक्षण है। बाहकों यानी कि चूहे का पूर्ण विनाश, रोगी के कपड़े एवं वस्तुओं का भी संक्रमण, टीकाकरण एवं एंटीबायोटिक दवाओं को सेवन से ठीक किया जा सकता है। फिर आपका डिप्थीरिया कारिन बैक्टीरियम डिप्थीरियाई से होता है, इससे प्रभावित अंग है गला, गलशोथ, श्वास लेने में तकलीफ होती है, टीकाकरण एवं दवाओं के सेवन से इसे ठीक किया जा सकता है। बॉटुलिज्म या फिर भोजन विषाक्तता या आपका कोलेस्ट्रिडियम वाटुलिनम से होता है, इससे आपका प्रभावित अंग है तंत्रिका तंत्र। वामन इसकी लक्षण है और दवाओं के सेवन और स्वच्छ जल का सेवन से अच्छा इसका उपचार है। ठीक है, फिर आपका क्रोड या जिसे आप लोग कुष्ठ रोग भी कहते हैं, कुंठ यह आपका माइक्रोबैक्टीरियम लिप्री से होता है, तंत्रिका तंत्र से प्रभावित अंग है। अगर लक्षण की बात करें तो अंगलियों एवं ऊर्ध्व बाहुओं का कट कट कर गिरना, शरीर पर धब्बादार दाग होना इसके लक्षण हैं। एंटीबायोटिक और एंटीसेप्टिक दवाओं का सेवन से इसे ठीक किया जा सकता है। टाइफाइड आंत ज्वार भी इसे कहते हैं, म्यादी बुखार भी इसे ही कहते हैं। साल्मोनेला टाइफोसा इसका जीवाणु का नाम है, रोगाणु का, आंत इससे प्रभावित अंग है। बुखार का तीव्र गति से चढ़ना, उदर की नजाकता और बदहजमी तथा डायरिया इसके प्रमुख लक्षण हैं। रोगी के कपड़ों, बर्तनों और अन्य पदार्थों का बीज संक्रमण एवं एंटीबायोटिक दवाओं का सेवन इसका उपचार है। टिटेनस यह आपका क्लोस्ट्रिडियम टिटेनी से होता है, मेरुरज्जु से प्रभावित अंग है। मांसपेशियों में संकुचन एवं शरीर का टेढ़ा मेढ़ा बेडोल होना इसका लक्षण है। ATS टीकाकरण और एंटीबायोटिक दवाओं का सेवन करने से ठीक हो सकता। सुजाक नाइजीरिया गोनेरी से होता है, प्रजनन अंग से प्रभावित अंग है। जेनिटल टैक्ट
में शोध एवं घाव मूत्र त्याग में परेशानी इसका लक्षण है। एंटीबायोटिक दवाओं जिसमें आपकी पेनिसिलिन महत्वपूर्ण है। सेफलिस मेनिनजाइटिस इससे होता है ट्रोपोनेमा पैलिडियम से, प्रजनन अंग से प्रभावित अंग है और मस्तिष्क भी इससे प्रभावित अंग है। जेनेटल टैक्ट में शोध एवं घाव मूत्र त्याग में परेशानी, सरदर्द, बुखार, उल्टी, अचेतना आदि इसके लक्षण हो गए। एंटीबायोटिक दवाओं का सेवन पेनिसिलिन और एंटीबायोटिक दवाओं का सेवन इसे भी मस्तिष्क को भी ठीक किया जा सकता है, सरदर्द को, बुखार को, उल्टी को। फिर आपका इन्फ्लुएंजा या आपके फीफर्स वेसिलस इसका रोगाणु है, श्वसन तंत्र से प्रभावित अंग है। नाक से पानी गिरना, सिरदर्द, आँख दर्द इत्यादि इसके लक्षण हो गए। धूल कण से बचना और एंटीबायोटिक दवाओं का सेवन करने से सही किया जा सकता है। राइनाइटिस एलजेंट्स वायरस एवं बैक्टीरिया के कारण होता है। नाक इसका प्रभावित अंग है, नाक का बंद होना, सरदर्द होना। एलर्जेंट्स से बचना और एंटीबायोटिक दवाओं का सेवन करने से ठीक होता है, उपचार है। स्कारलेट ज्वर बैक्टीरिया से होता है, श्वसन तंत्र से प्रभावित अंग है, बुखार होता है, एंटीबायोटिक दवाओं का सेवन करने से ठीक होता है। एंथेक्स वेसिलस एंथेरस इसका रोगाणु है। तंतिका तंत्र इससे प्रभावित अंग है। त्वचा का रंग बदलना और फटना, सांस लेने में दिक्कत आना इसका प्रमुख लक्षण है। एंटीबायोटिक दवाओं के सेवन से इसे सही किया जा सकता है। अब बात करें वायरस द्वारा होने वाले रोगों की, यानी कि विषाणुओं द्वारा होने वाले रोगों की। रोग का नाम हो गया, प्रभावित अंग हो गया, रोग के लक्षण हो गए, विषाणु का नाम हो गया। गलसुआ या फिर गलसोध या आपका इससे प्रभावित अंग है पैरोटिड लार ग्रंथियाँ। इसके लक्षण की बात करें तो लार ग्रंथियों में सूजन, अग्नाशय, अंडाशय और बेसन में सूजन, ज्वर, सिरदर्द, इस रोग से बांझपन होने का खतरा रहता है। यह आपका मम्पस वायरस से होता है। फ्लू या फिर इन्फ्लुएंजा यह आपका संपूर्ण शरीर से प्रभावित रहता है। इसमें आपको देखने को मिलेगा ज्वार यानी कि बुखार, शरीर में पीड़ा, सिरदर्द, जुकाम, खांसी। यह आपका मिक्सो वायरस से होता है, एबीसी से। फिर आपका रेबीज हाइड्रोफोबिया पागल कुत्ते के काटने से भी होने वाला रोग है। इससे प्रभावित अंग क्या है शरीर का, तंतिका तंत्र। इसके लक्षणों की बात करें तो पीड़ा, ज्वर, पानी से अत्यधिक भय, मांसपेशियों तथा श्वसन तंत्र में लगवा, बेहोशी, बेचैनी या एक घातक रोग है, रोगी पागल हो जाता है। इसमें इसका विषाणु है आपका वायरस रेबडो वायरस। हेपेटाइटिस या फिर पीलिया ये आपका यकृत से प्रभावित रहता है। पेशाब पीला, आँख एवं त्वचा पीला हो जाना इसका। एड्स पितिरक्षा प्रणाली इससे प्रभावित रहती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता का नष्ट होना एचआईवी वायरस से होता है। टाइफस ये आपका इससे संपूर्ण शरीर प्रभावित रहता है। तेज बुखार, त्वचा में जलन, सिरदर्द इसका प्रमुख लक्षण है। ये आपका रिकेट्रसिया प्रोब्जेकी से होता है। खसरा संपूर्ण शरीर से प्रभावित रहता है। इसमें आपको बुखार, पीड़ा, शरीर में खराश, संपूर्ण शरीर में खराश हो गई, नेत्रों में जलन, आँख, नाक से द्रव का बहना इसके लक्षण है। मोर बिली वायरस इससे प्रभावित यानी कि ये वायरस इससे होता है। फिर आपका चेचक या जिसे आप लोग चिकन पॉक्स भी बोलते हैं, छोटी माता, इससे प्रभावित क्षेत्र है पूरा शरीर का अंग है, संपूर्ण शरीर। हल्का बुखार और शरीर पर पित्तिकाएँ होती हैं। वेरिसेला वायरस से होता है ये आपका, ठीक है। फिर आपका चेचक स्मॉल पॉक्स या इससे संपूर्ण शरीर विशेषकर चेहरा तथा हाथ पैर से प्रभावित अंग हैं। ज्वार, पीड़ा, जलन एवं बेचैनी, संपूर्ण शरीर पर फफोली पड़ जाते हैं। वेरिओला वायरस से प्रभावित यानी कि ये वायरस है। पोलियो भोजन व पानी के साथ शरीर में प्रवेश करने वाला विषाणु। तंतिका तंत्र गला, रीढ़, नाड़ी संस्थान इससे प्रभावित अंग है। मांसपेशियों के संकुचन में अवरोध तथा हाथ एवं पैरों में लकवा, पोलियो वायरस इसका प्रमुख लक्षण है। हर्पीज त्वचा और श्लेष्म कला, त्वचा में जलन, बेचैनी और शरीर पर फोड़े, हर्पीज वायरस इसका प्रमुख नाम है इसके वायरस का। मस्तिष्क शोध इंसेफलाइटिस तंतिका तंत्र से प्रभावित क्षेत्र है अंग। ज्वर, बेचैनी, दृष्टि दोष, अनिंद्रा, बेहोशी आदि यह एक घातक रोग है। ये आपकी कुछ
प्रमुख औषधियाँ दिए गए हैं, इन्हें भी आप याद रख सकते हैं। एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स औषधियाँ अत्यंत सूक्ष्म जीवाणुओं से बनाई जाती हैं। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1929 में पहली एंटीबायोटिक औषधि पेनिसिलिन का आविष्कार किया था। प्रमुख एंटीबायोटिक औषधियों में पेनिसिलिन हो गया, टेट्रासाइक्लिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, रिफामाइसिन, क्लोरोमाइसिटिन आदि हो गई। एंटीसेप्टिक की बात करें तो ये औषधियाँ सूक्ष्म जीवाणुओं को मारने व उनकी वृद्धि को रोकने में सहायता होती हैं। ये घाव आदि भरने के लिए विशेष रूप से प्रयुक्त होते हैं। सेवन वास, लेस्टर, कोच आधुनिक एंटीसेप्टिक औषधियाँ तैयार करने में प्रयुक्त की जाती हैं। आयोडीन, फेनॉल, फार्मोल्डिहाइड, H2O2 आदि एंटीसेप्टिक के रूप में भी प्रयुक्त की जाती हैं। फिर आपका एंटी पायरेटिक्स, इसका उपयोग शरीर में दर्द एवं बुखार आदि उतारने में करते हैं। एस्पिरिन, क्रोसिन, फेनिसिटिन, पायरोमिडिन आदि प्रमुख एंटी पायरेटिक्स औषधियाँ हैं। एंटीडोट डॉट, यह जहर प्रतिरोधी के रूप में प्रयुक्त की जाने वाली दवा है। कार्सिनोजेनिक, ऐसे यौगिक जो ट्यूमर और कैंसर उत्पन्न करते हैं कार्सिनोजेनिक कहलाते हैं, जैसे बेंजीन। एफेपडाइन, यह एक उजला ठोस होता है जो कि सर्दी एवं दमा के उपचार के रूप में प्रयुक्त होता है आपका, ठीक है। अब बात करते हैं डाउन्स सिंड्रोम, ये क्या है। इस रोग में ग्रसित पुरुषों में गुणसूत्रों की संख्या 47 हो जाती है, कितनी, 47। इस रोग से ग्रसित रोगी मंदबुद्धि, आंखें टेढ़ी, जीभ मोटी और अनियमित शारीरिक ढांचा, इसे मंगोलिज्म भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मंगोलिज्म। फिर आपका पटाऊ सिंड्रोम, इस रोग में भी गुणसूत्रों की संख्या 47 है हो जाती है। इस रोगी का ऊपर ओंठ बीच में कट जाता है, तालू में दरार हो जाती है। इस रोगी में मंदबुद्धि, नेत्रों आदि प्रभावित हो जाता है। एटाइटाइट नामक रोग कैडमियम के कारण होता है। कुछ अन्य रोगों की बात करें तो मिर्गी रोग मस्तिष्क के आंतरिक रोगों के कारण होती है। इस रोग में जब दौरा पड़ता है तो मुंह से झाग निकलने लगता है, मल पेशाब भी निकलता है। पक्षाघात या लकवा रोग में भी कुछ भी मिनटों में शरीर के आधे भाग को लकवा मार जाता है। जहाँ पक्षाघात होता है वहाँ की तंत्रिकाएँ निष्क्रिय हो जाती हैं, काम करना बंद कर देती हैं। इसका कारण अधिक रक्तदाब के कारण मस्तिष्क की कोई धमनी का फट जाना अथवा मस्तिष्क की अपर्याप्त रक्त की आपूर्ति होना इसका कारण। सिजोफ्रेनिया एक मानसिक रोग है जो प्रायः युवा वर्ग में होता है। ऐसा रोगी कल्पना को ही सत्य समझता है और वास्तविकता को नहीं। ऐसा रोगी कल्पना को ही सत्य समझता है, वास्तविकता को नहीं। ऐसे रोगी आलसी, अलगावहीन, आवेशहीन होते हैं। विद्युत आपेक्ष चिकित्सा इसमें काफ़ी सहायक होती है। फिर आपकी डिप्लोपिया रोग आँख की मांसपेशियों के पक्षाघात के कारण होता है। डिमेंशिया एक स्मृति क्षय रोग है। आगे आपका इसे अल्जाइमर रोग भी कहते हैं। कैंसर मनुष्य के शरीर के किसी भी अंग में त्वचा से लेकर अस्थि तक यदि कोशिका वृद्धि अनियंत्रित हो तो इसके परिणाम स्वरूप कोशिकाओं में अनियमित गुच्छा बन जाता है। इन अनियमित कोशिकाओं के गुच्छे को कैंसर कहते हैं हम। रेडियो सक्रिय स्ट्रोंसियम 90 के कारण अस्थि कैंसर हो जाता है। कैंसर के प्रमुख चार प्रकार होते हैं, कौन कौन से हैं। कार्सिनोमास, इसकी उत्पत्ति उपकला ऊतकों से होती है। सार्कोमास, संयोजी ऊतक और अस्थियों, उपास्थियों और एवं पेशियों से होता है। ल्यूकीमियास, ल्यूकीमाइटस में असामान्य वृद्धि के कारण होता है। लिम्फोमास, लसिका गांठों एवं पीलिया में होता है। एलर्जी, कुछ वस्तु जैसे धूल, धुआं, रसायन, कपड़ा, सर्दी किन्हीं विशेष व्यक्तियों के लिए हानिकारक हो जाते हैं। उनके शरीर में विपरीत क्रिया होने लगती है जिससे अनेक बीमारियां हो जाती हैं। खुजली, फोड़ापुंसी, शरीर में सूजन आ जाना, काला दाग, एक्जिमा आदि एलर्जी के उदाहरण हो सकते हैं। टीकाकरण कार्यक्रम, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। BCG, बेसिलस कलमेटर यूरिन, ये जन्म पर लगाया जाता है, जन्म होने पर टीका होता है। DPT, डिप्थीरिया, फर्टियोसिस
और टिटनस टॉक्सोइड ये 6 से 10 14 सप्ताह और 16 से 24 माह की आयु में लगाए जाते हैं। ओपी भी पोलियो 6 10 14 सप्ताह या फिर 16 से 24 माह की आयु और संस्थागत जन्म के समय लगाए जाते हैं। खसरा 9 से आपका 12 माह की आयु में ये टीका लगाया जाता है। डीटी डिप्थीरिया और टिटनस टॉक्साइड ये 5 वर्ष की आयु पर टीटी टिटनस टॉक्साइड टॉक्सोइड 10 वर्ष और 16 वर्ष की आयु में टीटी गर्भवती महिलाओं के लिए 2 खुराक या फिर अगर 3 वर्ष के भीतर टीका लगा हो तो 1 खुराक दिया जाता है। इसमें ये डेट है आपकी चिकित्सा शास्त्र के क्षेत्र में कुछ ऐतिहासिक घटनाएं जो घटी हैं उसके बारे में। ये आपके क्या हो गए, प्रणाली हो गई, आविष्कारक खोज, ये तिथि हो गई, ये आविष्कारक या लेखक जिसका नाम है और ये देश है। आयुर्वेद ये आपकी बात है, आपकी 2000 से 1000 ईसा पूर्व की बात है। इसके आविष्कारक थे आत्रेय, ये भारत की घटना है। पश्चात वैज्ञानिक पद्धति 660 से 370 ईसा पूर्व में हुआ। और हिप्पोक्रेटस इसके आविष्कारक थे, ये यूनान के थे। योग 200 से 100 ईसा पूर्व में पतंजलि इसके आविष्कारक थे, भारत में हुआ। अष्टांग हृदय 550 ईसा पूर्व में वाग्मट इसके आविष्कारक थे या लेखक कह सकते हैं, भारत में। सिद्ध योग ये आपकी बात है 750 ईस्वी की। विरतु कुंठ इसके आविष्कारक या लेखक कह लीजिए, भारत के थे। शरीर विज्ञान की मियो 1300-1600 की बात है, मोडिनो इटली के थे। रसायन चिकित्सा 1493 से 1541 की बात है, पारासेल्सस इसके आविष्कारक थे, स्विट्जरलैंड के थे। शरीर विश्लेषण पर पहली पुस्तक है। चिकित्सा शास्त्र से संबंधित खोज हैं आविष्कारक, खोज का नाम वैज्ञानिक का नाम, ठीक है। तो एंटी हार्मोन एंटी टॉक्सिन के वैज्ञानिक कौन थे, बेहरिंग और किता सातो इसके वैज्ञानिक थे। लिंग हार्मोन इस खोज के किसने की थी, यूगन स्टेनाच ने। एंटीजन लैंडस्टीनर, मधुमेह का इंसुलिन वेटिंग एवं बेस्ट, पेनिसिलिन एलेक्जेंडर फ्लेमिंग, डीडीटी पालमूलर, स्टेप्टोमाइसिन सेलेमन वैक्स, एलएसडी हाफमैन, गर्भ निरोधक गोलियां पिकनस, पोलियो का मुख्य टीका एल्बर्ट सेविन, ओपन हार्ट सर्जरी वाल्टन ली लेहक। खोज पोलियो टीका जोनस साल्क, प्रथम परखनाली शिशु स्टेप्टो एडवर्ड्स, मनोविज्ञान सिगमंड फ्राइड, एस्पिरिन ड्रेसर, मलेरिया के रोगाणु रोनाल्डो रोस, डिप्थीरिया के जीवाणु कलेप्स एवं बर्जनिक, कुष्ठरोग के जीवाणु हंसन हैजे और तपेदिक के जो रोगाणु, रॉबर्ट कॉच, रेबीज का टीका लुई पाश्चर, क्लोरोफार्म सर जेम्स हैरिसन, बैक्टीरिया ल्यू वैन हॉक। फिर आधुनिक चिकित्सा की बात करें हम लोग, तो आधुनिक चिकित्सा ये आविष्कार हो गए, खोज हो गई, वर्ष हो गए, ठीक है, ये आविष्कारक हो गए और ये देश हो गए। रक्त का परिसंचरण ये 1628 की बात है, विलियम हार्वेस के आविष्कारक थे, ब्रिटेन के हैं। बायोकेमिस्ट्री 1648 जान वाप्टीसा वान हेलमांट ये बेल्जियम के हैं। बैक्टीरिया जीवाणु 1683 में ल्यू वैन हॉक हॉलैंड के हैं। न्यूरोलॉजी तंत्रिका तंत्र 1758 से 1828 की बात, फ्रांज जोसफ गाल जर्मनी के हैं। शरीर विज्ञान 1757 से 66 की बात है, एल्ब्रिट वान हालर स्विट्जरलैंड के हैं। टीका लगाना 1796 एडवर्ड जेनर वेटिन के हैं। ऊतक विज्ञान 1771 मैरी विचात फ्रांस के हैं। स्टेथोस्कोप 1809
रेने लेनक फ्रांस के हैं। भूड विज्ञान 1792 से 1896 की बात है। कार्ल अर्न एस्टोवान बेयर, ये आपके इस्टोनिया के हैं। मार्फिन ये 1805 की बात है। फेडरिक सर्टनर जर्मनी के हैं। क्लोरोफाम 1847 में सर जेम्स हैरिसन बेटेन के हैं। रेबिट टीका 1860 में लुई पाश्चर फ्रांस के हैं। जीवाणु विज्ञान 1872 फर्डिनांड कोहन, ये जर्मनी के थे, ठीक है, इन्होंने खोज की थी, वो कहाँ के थे, जर्मनी के। फिर आपका कुष्ठ के बेसिलस 1873 में खोज हुई, हैंसन ने की, ये नॉर्वे के थे। हैजे और तपेदिक के रोगाणु 1877 में रॉबर्ट कोच, ये जर्मनी के थे। मलेरिया रोगाणु ये 1883-84 में क्लेवस और बजरनिक ने इसकी खोज की थी, रूस हॉलैंड के हैं। मनोविश्लेषण 1895 सिगमंड फ्राइड इसके आविष्कारक थे, ऑस्ट्रिया के। सीरम विज्ञान 1884 से 1915 की बात है। पॉल एरिक इसके खोजकर्ता थे, जर्मनी के। पिथिबस एंटीटॉक्सिन 1890 वेहरिंग और किता सातो ये जर्मनी जापान के थे। एडिलिन 1894 साफर और आलीवर ब्रिटेन के थे। अंतःस्राव विज्ञान 1902 बेलिस और स्टर्लिंग ये ब्रिटेन के थे। इलेक्ट्रोकार्डोग्राफ 1906 आई न्यू ये हॉलैंड के थे। टाइफस टीका 1909 जे निकोले ये फ्रांस के थे। लिंग हार्मोन 1910 यूगन स्टेनाच ये ऑस्ट्रिया के थे। विटामिन 1912 सर एप्स जी हॉपकिंग्स ये ब्रिटेन के थे। विटामिन सी, इससे भी आपके क्वेश्चंस कई बार पूछ लिया है, विटामिन सी 1912 की बात है। यूजॉक्ट होलकट नॉर्वे के थे। विटामिन ए 1913 मैकुलन अमेरिका के थे। विटामिन बी 1916 मैकुलन ए भी अमेरिका के थे। विटामिन ए की खोज भी मैकुलन साहब ने की थी और विटामिन बी की भी खोज मैकुलन साहब ने। सनसलस्ट पिथिजन एंटीजन 1977 में लैंडस्टीनर ने, ये भी अमेरिका के थे। थायरोक्सिन 1919 एडवर्ड कार्लविन केंडाल इसके आविष्कारक थे, अमेरिका के ही थे। मधुमेह की इंसुलिन 1921 बेंटिंग और वेस्ट कनाडा के थे। विटामिन डी 1922 हॉपकिंस अमेरिका के थे। विटामिन बी 1 1926 मिनाट और मर्फी अमेरिका के थे। पेनिसिलिन 1928 अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ब्रिटेन के थे। कार्टिसोन 1936 एडवर्ड कार्लविन केंडाल अमेरिका के थे। डीडीटी डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लो क्लोरो ईथेन ये 1939 की बात है। पाल मूलर इसके आविष्कारक थे, जर्मनी के थे। आरएच कारक आरएच फैक्टर 1940 में कार्ल लैंडस्टीनर ने आविष्कार किया था इसका, अमेरिका के थे। स्टेप्टोमाइसिन 1944 में सेलेमन वॉक्समैन ये भी अमेरिका के थे। एलएसडी लाइसर्जिक एसिड डाई एथिलामाइड ये 1943 की बात है। हाफमैन ने खोज की थी, स्विट्जरलैंड के थे। किडनी मशीन 1944 कोल्प ने इसके आविष्कारक थे, होलैंड के थे। क्लोरोमाइसिटिन 1947 वर्क होल्डर अमेरिका के थे। आरियोमाइसिन ये 1948 में डगर इसके आविष्कारक थे, अमेरिका के थे। री सर्फिन ये 1949 की बात है, जल वाकिल ने इसकी खोज की थी, भारत के थे। टेरामाइसिन 1950 फिनले और अन्न ने, ये अमेरिका के थे। निम्न तापीय शल्य चिकित्सा 1953 हेनरी स्वेन और अमेरिका के थे। फिर आपका ओपन हार्ट सर्जरी 1953 में वाल्टन लीहल ने इसकी खोज की, अमेरिका के थे। पोलियो माइलिटिस टीका 1954 जोनास साल्क अमेरिका के थे। पोलियोमाइलिटिस टीका मुखी है 1954 एल्बर्ट श्रेवन अमेरिका के थे। गर्भ निरोधक गोलियां 1955 पिनकस अमेरिका के थे।
शल्य चिकित्सा के दौरान किनते मेदाय का प्रयोग 1963। माइकल डी वाके ये अमेरिका के थे। हृदय पितिरोपण शल्य चिकित्सा 1967 क्रिश्चियन बर्नार्ड, ये कई बार पूछ लिया गया है। सर्वप्रथम हृदय का पितिरोपण शल्य चिकित्सा द्वारा किसने किया था 1967 में, क्रिश्चियन बर्नार्ड, ये आपके दक्षिण अफ्रीका के थे। प्रथम परखनली शिशु 1978। स्टेटो और एडवर्ड्स ये ब्रिटेन के थे। जीन चिकित्सा पर मानव चिकित्सा मानव पर 1980 में मार्टिन क्लाइव अमेरिका के थे। चेचक का उन्मूलन 1980 विश्व स्वास्थ्य संगठन की घोषणा हुई और अमेरिका में सबसे पहले। कैंसर से जुड़े जीन 1982 रॉबर्ट वीनबर्ग और अन्य वैज्ञानिकों ने खोज की, अमेरिका के थे। ठीक है, ये आपके कुछ टेस्ट हैं, ये भी आपसे डायरेक्ट पूछ लेते हैं क्वेश्चन। एलिसा टेस्ट कई बार पूछा जा चुका है। एलिसा टेस्ट का उपयोग कौन किस लिए होता है, इसे एंजाइम लिंकेड इम्यून सॉल्वेंट ऐसे कहते हैं, या एचआईवी वायरस की जांच करने का एक प्रणाली है। पूछ लेगा कि एचआईवी वायरस की जांच करने के लिए एक प्रणाली कौन सी है टेस्ट, तो एलिसा टेस्ट। एलिसा टेस्ट से एचआईवी वायरस की जांच की जाती है, इसे पता चलता है कि व्यक्ति एड्स से पीड़ित है या नहीं, इसे एलिसा टेस्ट कहते हैं। वेस्टर्न ब्लॉक टेस्ट, यह भी एचआईवी संक्रमण की खास जांच है जो पॉजिटिव होने पर बताता है कि व्यक्ति एचआईवी से ग्रसित है। एचआईबीपी 24 एंटीजन पीसीआर एचआईवी की स्पष्ट जांच, इससे रोग की तीव्रता की जानकारी मिलती है। इसके अलावा एचआईवी वायरस जांच के लिए CD4 काउंट और CD न्यूक्लिक एसिड टेस्ट आदि भी किए जाते हैं, किसके, एड्स यानी कि एचआईवी वायरस की जांच के लिए। वर्तमान में एड्स के उपचार के लिए एजिडोथाइमिडीन AZT वस्तु का प्रयोग किया जा रहा है। पोलियो वैक्सीन का विकास 1952 में जोनस साल्क और 1962 में अल्बर्ट साबिन द्वारा किया गया था, किसका, पोलियो वैक्सीन का। पोलियो वायरस 3 प्रकार के होते हैं, टाइप 1, 2, 3। इसी आधार पर विश्व में पोलियो रोगियों की 3 श्रेणियाँ होती हैं। सबसे कम मरीज टाइप 2 के और अधिकतर टाइप 3 के मरीज होते हैं। इसलिए पोलियो से निपटने के लिए अधिकतर वैक्सीन टाइप 3 के लिए तैयार की गई हैं। चिकनगुनिया वायरस से होता है। यह मदा एडिज एजेप्टी मच्छर के काटने से फैलता है। मनुष्य की चिकनगुनिया वायरस का मुख्य स्रोत होता है। मच्छर संक्रमित व्यक्ति को काटकर अन्य लोगों को काटते हैं, जिससे यह बीमारी फैलती है। संक्रमित व्यक्ति से यह बीमारी किसी को नहीं हो सकती है। डेंगू ज्वार मादा एडिज एडजिप्टी मच्छर के काटने से होता है, क्या, डेंगू ज्वार। डेंगू चिकनगुनिया वाहक एडिज मच्छर के लावा को गंबोजिया मछली खा जाती है, अतः इसके रोकथाम के लिए तालाबों में गंबोजिया मछली डाली जाती है, इसी का पालन किया जाता है। फिर आपका आगे, भारत में डेंगू का पहला मामला 1963 में आया था, कब, 1963 में कोलकाता के पश्चिम बंगाल में। ठीक है, डेंगू ज्वर के कारण मानव शरीर में प्लेटलेट्स की कमी होती है, किसकी, प्लेटलेट्स की। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस स्टेंस का अर्थ सूक्ष्म जीवियों से लड़ने की क्षमता खत्म होना है। जब बैक्टीरिया फंगी है वायरस परजीवी जैसे सूक्ष्म जीव एंटीबायोटिक एंटीफंगल एंटीवायरल या फिर एंटी मलेरिया जैसी दवाओं को बेअसर करने की प्रतिरोधी क्षमता प्राप्त कर लेते हैं, जिसे प्रतिरोधी क्षमता वाले सूक्ष्म जीव कहते हैं, सुपरबग कहते हैं इसे, क्या कहते हैं, इन्होंने प्रतिरोधी क्षमता प्राप्त कर ली है। सुपरबग के प्रसार के कारण अगर हम लोग बात करें तो इनमें शामिल है आपकी एंटीबायोटिक दवाओं का जरूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करना, इसीलिए आपसे सलाह दी जाती है कि कम से कम एंटीबायोटिक दवाओं का जरूर इस्तेमाल करें, क्योंकि आप जानते हैं कि एंटीबायोटिक पर जो प्रतिरोधक क्षमता प्राप्त कर लेते हैं वो फिर सुपर बग में शामिल हो जाते हैं। सर्दी जुकाम में बिना डॉक्टर की सलाह के एंटीबायोटिक दवाएं लेना, संक्रमण से बचाव के कमजोर उपाय गंदगी और गलत खानपान, और अधिकतर आपके हैं कि आप देखते हैं कि किसी भी डॉक्टर झोला छाप डॉक्टर के पास जाते हैं वो कुछ ना कुछ एंटीबायोटिक दवाएं दे देता है। ठीक, तो यही कारण है इनके। भारत के प्रमुख केंद्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम की बात करें तो इसमें आपके एक कार्यक्रम हो गया, ये बरस हो गए, राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता विकार नियंत्रण कार्यक्रम 1962 में शुरू हुआ।
राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम 1976 की बात है, राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम 1975-76 में, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम 1982, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम 1992, राष्ट्रीय तपेदिक नियंत्रण कार्यक्रम 1997, पिजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम 1997-98 में, पल्स पोलियो कार्यक्रम 1997-98, समन्वित रोग निगरानी परियोजना 1997-98, जननी सुरक्षा योजना 2004-05, वंदे मातरम योजना सन 2004 में, मिशन इंद्रधनुष सन 2014 में। ठीक है, अब चलते हैं आपके जंतु विज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ हैं, उन्हें भी देख लीजिए। अंडोत्सर्ग, अंडाशय के परिपक्व अंडाणु का उत्सर्जन अंडोत्सर्ग कहलाता है। सामान्यतः मासिक धर्म चक्र के मध्य बिंदु के लगभग पिति 28 दिन में अंडाणुओं का उत्सर्जन होता है। फिर आपका अंतर्जात उपायड, मस्तिष्क में प्राकृतिक रूप से होने वाले रासायनिक भूत जो तंती में प्रविष्ट किए जाने पर दर्दनाशक प्रभाव देते हैं। फिर आपका अति संवेदनशीलता, अधिकांश व्यक्तियों को प्रभावित न करने वाली वस्तु के प्रति किसी व्यक्ति का बहुत बुरी तरह संवेदनशील होने की अवस्था आपकी अति संवेदनशीलता कहलाती है। अधाचेतक, हाइपोथैलेमस, मस्तिष्क के केंद्र के ठीक नीचे स्थित छोटे भूरे और गुलाबी रंग का तंत्र कोषों का गुच्छा, आधारी उपापचय गति, श्वसन, रक्त संचार और अन्य आवश्यक रासायनिक क्रियाओं के संपादन के लिए अपेक्षित ऊर्जा के शरीर द्वारा उपयोग करने की दर या गति होती है आपकी आधारी उपापचय गति। ऑस्टोमाइलिटिस, ये अस्थि मज्जा की सूजन जो प्रौढ़ों की अपेक्षा बच्चों में ज़्यादा होती है या जीवाणु से होती है। इंटरफेरोन, विषाणुओं के आक्रमण की प्रतिक्रिया में शरीर की कोशिकाओं द्वारा पैदा किए गए प्रोटीन तत्व जिसे विषाणुओं की वृद्धि रुकती है। इंसुलिन, अग्नाशय में लैंगरहैंस उपद्वीप नामक कोशिका समूह द्वारा निर्मित हार्मोन होता है इंसुलिन। मस्तिष्क ज्वार, इंसेफ्लाइटिस, एक दर्जन के लगभग विभिन्न प्रकार के विषाणुओं द्वारा उत्पन्न मस्तिष्क का तीव्र सूजन है या आपका मस्तिष्क ज्वार होता है या इंसेफ्लाइटिस। इफारक्शन, सामान्यतः खून के जमाव के कारण रुधिर संचार में रुकावट से होने से वाले ऊतक के किसी भी अंश का निष्क्रिय होना। उदर, वक्ष और श्रोणी पेदेश के मध्य का एक लंबे आकार वाला भाग है। इसमें भोजन पचाने के लिए अपेक्षित अवयव पेट, आंत, तितली, तिल्ली, यकृत, पित्राशय, अग्नाशय तथा उत्सर्जन के अंग गुर्दा, ब्लैडर होते हैं। इसमें स्त्रियों में उदर के अंतर्गत अंडाशय और गर्भाशय दोनों होते हैं। ठीक है, आगे आपका उपापचय, शरीर में होने वाली रासायनिक प्रक्रिया जिसमें संश्लेषित रासायनिक यौगिक तत्व भोजन ऊर्जा प्रदान करने के लिए खंडित किया जाता है और सरल रासायनिक यौगिकों के निर्माण ऊतकों में पहले से मिली ऊर्जा द्वारा किया जाता है। फिर आपका उपास्थि, लचीला सफ़ेद सहयोजी ऊतक जो शरीर के जोड़ों को जोड़ता है और कानों नाक के आगे के हिस्से और कंठ को बनाता है। उर्विका, उरु अस्थि, जांघ की हड्डियाँ शरीर में सबसे अधिक लंबी बड़ी और मजबूत हड्डियाँ होती हैं। एंजाइना पिक्टोरिया, छाती में और कभी कभी भुजाओं के ऊपरी भागों और गर्दन में बार बार उठने वाला दर्द होता है। एकिलीज कैंड्रा, जंगा पेशी एडी की जोड़ने वाली टखन के पीछे मोटाई दिखाई देने वाली कैंड्रा है। एडम्स एप्पल, गर्दन के सामने का उभार जो थायराइड ग्रंथि से बना हुआ होता है वही एडम्स एप्पल। एडिसन डिजीज, अंग्रेज चिकित्सक थॉमस एडिसन द्वारा एडिनल ग्रंथि की इस बीमारी का अध्ययन किया गया था। ग्रंथि का बाहर हिस्सा अक्सर संक्रमण के बाद हार्मोन को बेकार निकालता है, इस तरह आवश्यक हार्मोन की कमी हो जाती है। फिर आपका एपिसियोटामी, पेशाव के समय स्त्री के मूलाधार की ऊपरी मांसपेशी और त्वचा पर कटाव। फिर आपकी एफ्रोडिसियाक, एक पदार्थ जिसके संबंध में माना जाता है कि इसके काम भावना उद्दीप्त होता है। एमियान, गर्भाशय में भ्रूण से लिपटी पतली एवं मजबूत झिल्ली होती है। कंठ, जीभ के मूल स्थित स्वरतंत्र जो श्वास नालिका तक जाता है, एक कंठ है। कपाल तंत्रिका, मस्तिष्क से सीधे और स्वतंत्र रूप से मिलने वाली 12 जोड़ी स्नायु तंत्रिकाओं में से है एक। ठीक है, आगे है आपका
क्या है? क्लांतराल, शिशु के कपाल की उपास्थि का वह मुलायम भाग जहां अभी कपाल अस्थियां जुड़ी नहीं है। कार्टिको स्टेरॉइड्स, एडिनल ग्रंथि के कार्टेक्स द्वारा निस्त्रित हार्मोन को। केसिका कैपिलरी, सूक्ष्म झिल्ली वाली रुधिर वाहिका। कोलेस्ट्रॉल, खून और शरीर के ऊतकों तथा भोजन में पाया जाने वाला पदार्थ होता है। क्यू ज्वर, हल्का संक्रमक रिकेट्स रोग है। ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड में इसका पता लगने से यह नाम पड़ा इसका। किरमांकुचन, ग्रेसिका डिम्बवाहिनी जैसी पेशी नालिकाओं में होने वाली संकुचन की तरंग का क्रम है। क्वाट्रिसेप्स, ये उरू भाग में चार मांसपेशियों का समूह होता है। क्षुद्रांत, इलियम, छोटी आंत का लगभग 3.5 यानी कि 3.5 मीटर लंबा निचला भाग जो बड़ी आंत की ओर ले जाता है। खांसी, वायु तंत्र से एकाएक वायु का स्फोट जो श्वास नालिका में या फिर वायु तंत्र में किसी रुकावट या खराश के कारण होता है। गार्डर, शरीर की रासायनिक प्रक्रिया में विकृति आने से यूरिकम की अतिरिक्त मात्रा में उत्पादन से होने वाला रोग है। गूंगापन, वाक की क्षति, मस्तिष्क के विकार, स्मृति दोष अथवा स्वर तंत्र के विकार से हो सकता है। ग्रीवा, गर्भाशय, स्त्री के स्तनोई प्रदेश में स्थित खोखला परिसी वाला नाशपाती के आकार का अवयव है। गिनग्रीन, आमतौर पर खून के ना होने पर दोषों कोषों में ऑक्सीजन की कमी से ऊतकों की मृत्यु होती है। ग्लूकोमा, नेत्र गोलकों में द्रव के दबाव के बढ़ने से होने वाला नेत्र रोग है। गृहिणी धमनी, छोटी आंत की पहली 25 सेंटीमीटर लंबी धमनी होती है। जत्रुक, कालर बोन, जत्रुक को स्कंद अस्थि की को बक्ष की अस्थि से जोड़ता है और भुजा को सहारा देती है। उसके बाद है आपका जल शीर्ष, जन्म के समय सामान्य संचार के अवरोध के कारण मस्तिष्क की रंधाओं में जमा प्रमस्तिक मेरुद्रव्य से होने वाले बाला सिर का असमान तौर पर बड़ा होना। फिर आपकी जीभ के ऊपरी सतह पर हजारों स्वाद ग्रंथियां होती हैं, टेस्ट वर्ड्स, जो तंतु सिराओं से बने होते हैं और चार तरह के स्वाद मीठा, खट्टा, नमकीन और कड़वा का पता लगाती हैं। फिर आपका जेजुनम मध्यांत, छोटी आंत के बीच के भाग होता है। जेरोपिथेथेलमिया, विटामिन ए की कमी से होने वाली आँख का रोग है। ट्रांसिल्स, गले के पृष्ठ भाग में लसीका ऊतक की दो चपटी ग्रंथियां हैं। टॉन्सिलाइटिस, टॉन्सिल का सूजना या अनेक बीमारियों का लक्षण है। टाइफस, रिकेट्सी सूक्ष्म जीवाणुओं से होने वाला संक्रामक रोग का वर्ग टाइफाइड ज्वर है। टॉक्सीमिया, रक्त संचार में विद्यमान किसी भी प्रकार के विष के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला चिकित्सा शास्त्र का शब्द है। टेकी कार्डिपी, हृदय गति का अत्यधिक वेग जो सामान्यतः 100 प्रति मिनट से ऊपर होता है, जबकि सामान्य गति इसकी 65 से 80 प्रति मिनट होती है। ट्यूमर, शरीर के अंदर या बाहर सूजन, कुछ सूजन केवल द्रव के इकट्ठे होने से हो जाती है, कुछ अन्य कोषों के असमान वृद्धि से होती है। फिर आपकी ट्राइकेनासिस, छोटे राउंड बर्म द्वारा उत्पन्न परजीवी रोगों जो प्राय कच्चे सूअर के मांस के भक्षण से होता है। ट्रेकिया, वायुनली उपास्थि युक्त नली जो कंठ से फैलकर बाएं और दाएं भागों में बटकर लगभग 23 सेंटीमीटर लंबी होती है। डायफ्राम, वक्ष और उदय को अलग अलग वाली करने वाली मांसपेशियों वाला हिस्सा जिसका श्वसन क्रिया में प्रमुख योगदान होता है। तालू, मुख की छत जिसका कोटर भाग हड्डियों के विभाजन से बना होता है जो मुख और नाक विवरों को अलग अलगाता है। यह आपका तीव्र ग्राहिता, किसी टीके कीड़े के दंश सुई लगाने अथवा दबा विशेष से होने वाली तीव्र प्रतिक्रिया को हम लोग तीव्र ग्राहिता कहते हैं। तुषार उपघात, कम तापमान पर देर तक रहने से शरीर के खुले भाग की त्वचा और ऊतकों को होने की वाली क्षति को हम लोग तुषार उपघात कहते हैं। थैलेमस, दो मस्तिष्क अर्धगोलकों के बीच मस्तिष्क में गहरे दो अंडाकार पदार्थों वाले तंती ऊतकों का समूह होता है। थ्रोम्बोसिस, खून के जम जाने से रुधिर वाहिका का अवरोध आपका थ्रोम्बोसिस कहलाता है।
दिल का दौरा, जिसे आप लोग कॉमनली इसे दिल का दौरा हार्ट अटैक कहते हैं, आम लोगों द्वारा कोरोनरी थ्रोम्बोसिस के लिए प्रयुक्त इसमें दिल की मांसपेशी को जाने वाली धमनियों से एक अवरुद्ध हो जाती है और हार्ट अटैक इस तरह से आता है। दुई सिरस्क बाई सेप्स, एक ही टेडन के द्वारा दो अलग अलग मांसपेशियों की सिराओं का काम करने वाली मांसपेशियां होती हैं। धमनी हृदय से शरीर के ऊतकों तक खून ले जाने वाली रक्त वाहिनी होती है धमनी। फेफड़ों को खून पहुंचाने वाली पिलुमोनरी धमनी को छोड़कर बाकी धमनियों में प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन वाला खून रहता है, और जो पिलोनरी धमनी होती है ये अपवाद होती है और कार्बन डाइऑक्साइड इसमें बहता है। ठीक है, धमनी काठिन्य आर्टीरियो क्लियोरोसिस, एक लंबी बीमारी जिसमें धीरे धीरे धमनियाँ से कुड़ती जाती हैं और व्यक्ति की आयु के साथ साथ कम लचीली होती जाती हैं। एक फिर आपका शब्द है नपुंसकता, पुरुष या स्त्री का प्रजनन योग्य न होना नपुंसकता कहलाता है। नाभि रज्जु, माता के गर्भ में प्लेसेंटा से भ्रूण को जोड़ने वाली संरचना होती है। नार्कोलेप्पी, कोलेप्पी ये आंतरिक भाग अंगों का नियंत्रण करने वाली मस्तिष्क के अंग हैं। हाइपोथैलेमस में मस्तिष्क आघात से निद्रा की असामान अवस्था है। फिर आपका नियोथोरेक्स, फिलुराओं के बीच गैस या फिर वायु की छाती में उपस्थिति आपकी नियोथोरेक्स कहलाती। नीचेतना एनेस्थेसिया, शरीर के सभी या किसी एक हिस्से में संवेदना का ना होना प्रातंत्रिका पर आघात होने से होता है। रोगी को दर्द की अनुभूति के बिना शल्य चिकित्सा के लिए जानबूझकर दवा के द्वारा संज्ञाहीन किया जाता है इसमें। ठीक है, फिर आगे आप चलते हैं, फिर आगे है आपका परितारिका। परितारिका आंखों की पुतली से घिरा हुआ गोल रंगीन भाग होता है। परिशोषिका लंबी आंत के अंदनाल से अलग निकली हुई 10 सेंटीमीटर लंबी खोखली तथा बंद मुंह नलिका जो उदय से निचले दाएं भाग में होती है। परिसरफ पसली छाती के ढांचे को बनाने वाली मुड़ी हुई हड्डियों में से एक है, यह छाती वीवर के अंगों की रक्षा करती है। फिर आपकी पार्किंसनिज्म, ऐच्छिक गति को नियंत्रित करने वाली मस्तिष्क भाग को प्रभावित करने वाला रोग होता है। पित्त, चर्बी के पाचन में उपयोगी पीले हरे रंग का कड़वा द्रव होता है पित्त। पित्राशय, नाशपाती के आकार का भंडारण जो 7.5 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर जिसमें यकृत द्वारा निस्तरत जो पित्त रस निकाला जाता है इसे इकट्ठा करता है पित्ताशय, और पित्त नली से आंतों में जाता है। फ्यूस ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि मस्तिष्क के निचले भाग से जुड़ी एक छोटी ग्रंथि होती है। पीलिया, खून में पित्त के रंग का कारक तत्व के कारण शरीर की त्वचा और आंखों की सफेदी का पीला होना होता है। प्यूबर्टी, यौन का आरंभ जो 10 से 12 वर्ष की लड़कियों और 12 से 14 वर्ष के लड़कों में होता है। फिर पूर्ति जीव रक्तता, एक गंभीर अवस्था है, इसे खून का विषाक्त होना भी कहते हैं। इसमें आपके जीवाणु या फिर अन्य कीटाणु खून में कई गुना हो जाते हैं और पूरे शरीर में फैल जाते हैं। फिर आपकी पेरिटोनियम, उदय आंत और अन्य उदय अंगों के वीवर को आच्छादित करने वाली झिल्ली होती है। फिर आपका पैच टेस्ट एक परीक्षण जिसमें किसी द्रव को शरीर की त्वचा के पास रखकर या फिर अंताक्षेपण द्वारा प्रवेश कराकर यह देखा जाता है कि क्या वह व्यक्ति इस द्रव के प्रति संवेदनशील है या नहीं। फिर आपका आता है एक शब्द पैराथायराइड ग्रंथि, परावटू ग्रंथि, शरीर में कैल्शियम और फॉस्फोरस को नियंत्रित करने वाली एक हार्मोन ग्रंथि है। इसी में से ऐसा हार्मोन निकलता है जिसे पैराथायराइड कैल्शियम और फॉस्फोरस को नियंत्रित करता है। फिर आपकी पोलियोमाइलेटिस, तंती तंत्र का भयंकर विषाणु संक्रमण जिससे प्रायः पक्षाघात हो जाता है ये आपका पोलियोमाइलेटिस कहलाता है। ठीक है, फिर आपके पिति आविस इसे क्या कहते हैं, एंटीटॉक्सिन, एक प्रकार का पितिरक्षी जो जहर में घुलकर जहर के असर को बेकार कर देता है। पिति जैविक एंटीबायोटिक, जीवाणु से होने वाले रोगों के उपचार में अधिकतर काम में लाए जाने वाले रसायन को हम लोग जो फंगस जीवाणुओं और फफूंदी से बनते हैं।
यही आपके एंटीबायोटिक होते हैं। पितिरक्षी एंटीबॉडी, रोग से आक्रांत होने पर शरीर के दो प्रमुख तत्व जो सक्रिय होते हैं, रुधिर सौरभ में पाए जाने वाले ग्लूबिन और प्रोटीन गामा का रूप पितिरक्षी है। क्या है? पितिरक्षी है। बाहरी तत्व जैसे पितिजन एंटीजन कहते हैं, जो सामान्यतः प्रोटीन है, जैसे जीवाणु या फिर कोई बाहरी रक्त कोष से रक्षा करने के लिए ये तत्व पितिरक्षी पैदा होते हैं। फिर आपका शब्द है पितिरक्षीकरण, स्वस्थ शरीर में किसी संक्रामक रोग से पितिरक्षा के लिए उपयुक्त पदार्थ प्राय रोग के हल्के रूप का किंतिम उद्दीपन है। प्रमस्तिष्क आघात, मस्तिष्क के अंदर रुधिर वाहिका के फट जाने से रक्तस्राव होता है, जिसे हम लोग प्रामस्तिष्क कहते हैं। प्रियामिच, सीसन का कष्टप्रद उत्तेजन, यदि यह लगातार हो तो सीसन के नचीले ऊतक के अंदर थ्रॉम्बिसिस हो जाता है। फिर आपका प्रोस्टेट ग्रंथि, पुरुषों में मूत्रमार्ग और आमाशय ब्लैडर नेक किसरे के चारों ओर स्थित ग्रंथि होती है। फिर आपकी फेनिल कोटीन ए है, ये शरीर के उपापचय में जन्मजात विकार जिसमें मानसिक दक्षता बाधित हो सकती है। फिर आपकी फेलोपियन ट्यूब, नारी उदय के पिछले भाग में एक एक स्थित दो पेशी नलिकाएं जो अंडाशय के से अंडा को गर्भाशय तक ले जाती हैं। फिर आपकी बधिरता, दो तरह की बधिरता होती है, चालकीय बधिरता और तंती बधिरता। पहले में बधिरता कान में से ध्वनि मार्ग में होने वाली किसी खराबी से होती है, दूसरे में श्रवण तंत्रिका को ट्यूमर आघात या फिर कपाल की चोट से आघात पहुंचने पर होती है। फिर आपकी बाटूलिज्म, एक प्रकार का विषाक्त भोजन से होने वाले रोग जो कीटाणु से उत्पन्न टॉक्सिन विष से होता है। फिर आपका आगे क्या है? बेहदांत, लगभग एक से पाँच मीटर 4 फुट 6 इंच लंबा पेशी नली वाले पाचन क्षेत्र का निचला हिस्सा होता है। बुखार, शरीर के तापमान में असाधारण वृद्धि क्या कहलाती है? बुखार। भाग, स्त्री का बाह्य प्रजनन अंग भग कहलाता है, यह योनि द्वार के चारों ओर स्थित होता है। भग सेप, भग वल्वा के ऊपरी भाग में उठा हुआ संवेदनशील ऊतक का छोटा पिंड होता है। मतली मचीली, पेट में केंद्रित अस्वस्थता का अनुभव आपकी मतली या मचीली कहलाती है। मधुमेह, शरीर के शर्करा को ऊर्जा स्रोत के रूप में उपयोग ना कर पाने की बीमारी मधुमेह। अग्नाशय से इंसुलिन हार्मोन अपर्याप्तता मात्रा में निकलता है समय। मनोभ्रंश, मानसिक योग्यता की आंशिक या पूर्ण क्षति, प्रयास संवेगों या फिर अथवा अव्यवहार से उत्पन्न होती है, धीरे धीरे क्षति बढ़ती जाती है। मल्टीपोल स्क्लेरोसिस, समशीतोष्ण प्रदेशों में रहने वाले युवकों में होने वाले विकार जिसमें मस्तिष्क और सुषुम्ना की तंतियों के स्तर की विकृत हो जाते हैं। मवाद पस, क्षत ऊतक और भक्षाणु के अवशेष और रुधिर सीरम से बना गाढ़ा पीला द्रव जो जीवाणुओं के आक्रमण से शरीर के प्रतिरक्षण के लिए बनता है। महाधमनी, शरीर की सबसे बड़ी धमनी हृदय के बाएं फेफड़े से ऑक्सीजन मिश्रित खून को ले जाती है और शरीर के अनेक भागों में पहुंच जाती है महाधमनी। महासिरा, हृदय के दाएं अलिंद ओरिकल को रक्त पहुंचाने वाली प्रमुख सिरा है। माइग्रेन, बार बार होने वाले सिरदर्द जो दर्द की मात्रा अवधि और बारंबारता में बदलता रहता है। मासिक धर्म, स्त्रियों में प्राकृतिक रूप से शिशु धारण करने वाली आयु में गर्भाशय से रक्तस्राव। फिर आपकी मेनिनजाइटिस, मस्तिष्क शोध, मस्तिष्क और सुषुम्ना को आच्छादित करने वाली मस्तिष्क तंत्रिका की सूजन होती है। फिर आपकी मेरुदंड, क्या है? मेरुदंड रीढ़ की हड्डी, तंती ऊतक का कोमल घना रज्जु को जो लगभग 45 सेंटीमीटर और जो मस्तिष्क से लेकर 7 गिवे सर्वाइकल और 10 वक्षीय थोरासिक कशेरुकों से होते हुए प्रथम कटी कशेरुक तक व्याप्त होता है। यकृत, उदय के ऊपर दाईं भाग में स्थित शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है आपकी यकृत, याद रखिए ये कई बार बन चुका है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत। यकृत शोध, यकृत की सूजन प्राप्त विषाणु के संक्रमण से उत्पन्न होती है। यकृत सिरोसिस, यकृत की एक बीमारी जिसमें यकृत कोशिकाएं धीरे धीरे नष्ट हो जाती हैं, उनकी जगह रेशेदार या फिर चर्बी वाले ऊतक ले लेते हैं। एलो फीवर,
पीत ज्वार, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के कुछ भागों में जंगलों में रहने वाले मच्छरों से फैलने वाले विषाणु रोग हैं। यूनि, मांसपेशी मार्ग जो श्लेष्मा झिल्ली से बना है और 10 से 12 सेंटीमीटर 4 से 5 इंच लंबा या स्त्री के बाह्य जननांग से लेकर गर्भ मुख तक फैला होता है। रक्त रुधिर, शरीर की यातायात व्यवस्था, शरीर में प्रत्येक जीवित ऊतक को धमनियों द्वारा पहुँचाया जाने वाला द्रव जो ऑक्सीजन तथा अन्य आवश्यक पोषक वस्तुएं ले जाता है, जो सिराओं द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड तथा उपापचय से उत्पन्न अनावश्यक तत्वों जैसे यूरिया बाहर निकालता है। यानी कि जो आपके शरीर के अंगों को जिसकी ज़रूरत होती है, फिर चाहे आपका कोई खनिज है इस तरह के, तो उन्हें पहुंचाने को वहां से जो खराब चीज़ खराब होती है जो अनावश्यक होता है उसे ले आकर बाहर निकालने का काम इसी का रहता है। ठीक है, खून में ही चलता फिरता रहता है। फिर आपका रक्तदाब, धमनी की परतों पर पड़ने वाला खून का दाब आपका रक्तदाब कहलाता है। ये धमनियों पर ही इसे पहचाना जाता है, यानी कि चेक किया जाता है। यह हृदय की पंप करने की क्रिया और छोटी धमनियों के प्रतिरोध की शक्ति से नापा जाता है। रक्तस्राव, रक्तवाहिनी से खून का निकलना। यदि रक्तस्राव अधिक होता है तो पूर्ण व्यक्ति के 1 लीटर 2 पॉइंट खून से ज़्यादा की क्षति जो आघात पहुँचेगा। रक्तघात, सामान्यतः स्टॉप आघात कहा जाता है। मस्तिष्क की रक्त कोशिका के परत के फट जाने से अथवा खून के जमाव से मस्तिष्क में रक्त संचार में बाधा होने से हो जाता है। ठीक है, फिर आगे है आपका रक्ताणु। लाल रुधिर कोष जिसका लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। रजोनिविति, स्त्रियों की मासिक धर्म की अनियमितता और उसके बंद हो जाने से जीवन शैली में उत्पन्न परिवर्तन होता है। रियूमेटिक ज्वर, स्ट्रेप्टोकोकस जीवाणुओं से उत्पन्न टॉक्सिन विष के कारण होने वाला रोग है। रोगाणु, रोग पैदा करने वाले किसी भी सूक्ष्म जीवाणुओं के लिए वैज्ञानिक नाम है। रोजेसी, मुख को विकृत करने वाला त्वचा रोग जिसके कारण का अभी पता नहीं चल सका अभी तक। फिर आपका लसिका वाहिका में संचरण करने वाला और ऊतकों में उत्पन्न पारदर्शक पीला द्रव होता है। लसिकाणु, श्वेत रक्तकोष अथवा रोकोसाइट का एक रूप है। लार, 3 लार ग्रंथियां, गाल में पैरोटिड ग्रंथि, जीभ के नीचे की ग्रंथि और जबड़े के नीचे की ग्रंथि से निकलने वाला श्लेष्मायुक्त द्रव है। लिंग हार्मोन, किशोरावस्था में लैंगिक गौण विशेषताओं के विकास के लिए तथा अंडोत्सर समेत अन्य यौन क्रियाओं के लिए उत्तरदायी हार्मोन है। ल्यूकीमिया, एक भयंकर रोग जिसमें खून बनाने वाले अंग श्वेत रक्ताणु की मात्रा में अधिकता पैदा करते हैं। फिर आपकी लोवोछई, ये क्या है? मस्तिष्क पर की जाने वाली शल्य चिकित्सा जिसे ललाट पूर्व लोवोछई भी कहते हैं। इसमें ललाट के अगले हिस्से के श्वेत तंति के रेशे काट दिए जाते हैं। वायरस रोग जिसे आप विषाणु रोग भी कहते हैं, बहुत सूक्ष्म जीवों के द्वारा होने वाला रोग है। वाहिका रोध, रक्तवाहिका का शरीर में प्रविष्ट किसी पदार्थ का द्वारा अवरोध होता है। विक्षेप, शरीर के अंग एक अंग से दूसरे अंग में रोग का फैलना होता है। विपुटी शोध, बड़ी आंत में या फिर कोलन में विकृति। विष्टा या मल जिसे कहते हैं, जीवाणु के साथ आंत के अंदर से निकली कोशिकाएं और यकृत से निकलने वाले स्राव और जीवाणुओं के साथ की भोजन का अवशेष जो आंतड़ियों से बाहर निकलता है, ये आपका विष्टा मल होता है। ठीक है, आपकी बिक, यानी कि जैसे गुर्दा कहते हैं, खून से बेकार के तत्वों को अलग करने वाला अंग है। वेषण, दर्शन कोट में स्थित 2 पुरुष लैंगिक ग्रंथियां होती हैं। सिरा, शरीर के सभी भागों से हृदय को रक्त पहुंचाने वाली रुधिर वाहिकाएं होती हैं सिरा। ठीक है, फिर आपके पास सिरा शोध, सिराओं में रुधिर वाहिका की थ्रोम्बोसिस के साथ साथ फिरा होने वाली सूजन है। फिर आपकी सिरोवेदना, मस्तिष्क स्वयं वेदना की अनुभूति नहीं करता लेकिन मस्तिष्क की रक्त वाहिकाओं को जाने वाले स्नायु काटकर संवेदना पैदा कर सकती है। और कपाल के अंदर के परिवर्ति से होने वाले दबाव की प्रति बहुत अधिक संवेदनशील होती है। सिसन, पुरुष जननेंद्रिय जो शंकु के आकार के स्पंजी ऊतक समूह से बना होता है, ढीले ढाली त्वचा में स्थित होता है। शुक्र, जिसे बीज, सेशन से स्खलन के समय निकलने वाला गाढ़ा सफ़ेद द्रव ये वीर है। फिर आपका शुक्रवाहिक, वेषण से मूत्रमार्ग या शुक्राणु को ले जाने वाली नलिका। शुक्राणु, पुरुषजन्य कोशिका अथवा शुक्र कोश का वैज्ञानिक नाम है।
श्वेताणु, श्वेत रक्त कोशिका जिसका काम खून में आए जीवाणुओं समेत बाहरी तत्वों पर आक्रमण करना, उन्हें जीड़ करना। एक्सपोजिटरी, कोको वाटर या फिर ग्लिसरीन का छोटा सिलेंडर जो मलाशय या योनि में डाला जाता है। साइनस, आमतौर पर हड्डियों में खोखला वीवर। इस शब्द का प्रयोग अक्सर कपाल की चार परानासल साइनस के लिए होता है। सामने ललाट का, जंबिक गाल की हड्डियों का, स्फीत नाड़ी नाक की पृष्ठभाग का, झरझरी सामने वाले साइनस के पीछे और नीचे। फिर आपका साइटिका, नितंब तंत्रिकाओं में होने वाला दर्द। शरीर में सबसे बड़ी दो तंत्रिकाएं हैं जो मेरुदंड से लेकर पाद तक फैली हुई है। फिर आपका सिस्टाइटिस, मूत्राशय की सूजन जिससे बराबर पेशाब करने की इच्छा और पेशाब करते समय जलन होती है, यह आपकी सिस्टाइटिस के कारण होता है। फिर आपका है सिस्टोल, प्रकुंचन, हृदय का लयात्मक संकुचन जिससे रक्त संचार तंत्र में खून पंप किया जाता है। सीरम, खून के जमने के बाद खून में रहने वाला स्वच्छ पीला द्रव सीरम कहलाता है। स्कार्टम, सिसन के नीचे लटकने वाली थैली सिस्टम स्कार्टम है। स्कारलेट फीवर, बच्चों की एक छूत की बीमारी है। स्कालियोसिस, ये मेरुदंड की दोनों ओर की वक्राकृति है। स्पाइना बाइफाइडा, एक जन्मजात विकार है जिसमें मेरुदंड की हड्डियों का विकार ठीक से नहीं होता है। इससे मेरुदंड जो शरीर का प्रमुख तंतु है ठीक से सुरक्षित नहीं होता है। स्पूस, छोटी आंत की भयंकर बीमारी। इससे छोटी आंत शरीर की चर्बी कुछ विटामिनों को ठीक से पचा नहीं पाती। स्वेदन, पसीना। स्वेदन ग्रंथियों द्वारा निकाला जाने वाला द्रव जो 99% पानी होता है इसमें। हार्निया, क्या है हार्निया? किसी अवयव की मांसपेशी या दूसरे आच्छादित करने वाले ऊतक कमजोर हो जाते हैं और अंग विशेष का एक हिस्सा फूल जाता है। फिर आपकी हिस्टेरोकिटोमी, गर्भाशय का शल्य चिकित्सा द्वारा निकाला जाना। फिर आपकी हेलियोटिस, बदबूदार सांस, दांत के गिरने, मसूड़ी, टॉन्सिल, नाक साइनसेज अथवा फेफड़ों के संक्रमण से गुर्दे के ठीक से ना काम करने से अथवा आमाशय या फिर आंतों की बीमारी से हो सकता है। होम्योपैथी, जहर की दवा जहर। इस सिद्धांत पर आधारित उपचार की गैर पारंपरिक व्यवस्था है। सैमुअल हेनीमैन द्वारा जर्मनी में 1796 में स्थापित की गई थी। फिर आपकी हुकवर्म रोग, परजीवी कृमि द्वारा जनित गंभीर शीतोष्ण प्रदेशीय रोग है। हृदय गति चालक, पेसमेकर, हृदय में विशेष तंती ऊतक का एक छोटा समूह जो हृदय की गति को ठीक रखता है। हाइपोथर्मिया, शरीर का सामान्य तापक्रम 95 डिग्री फॉरनहाइट से नीचे आ जाने जाए तो ऐसी स्थिति को हाइपोथर्मिया कहते हैं हम लोग। तो ये होती है आपकी क्या, एक तरह से एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक खत्म होता है, प्राथमिक स्वास्थ्य एवं शरीर क्रिया विज्ञान आपकी खत्म होती है। और आपके क्वेश्चंस अधिकतर इसी से पूछे जाएंगे, इसी टॉपिक से आपके क्वेश्चंस विज्ञान में पूछे जाते हैं। अगले हम लोग बात करेंगे, आगे देखेंगे वनस्पति विज्ञान के बारे में जानेंगे हम लोग, ठीक है।